मैं दो चार बातें ऐसी बताना चाहता हूँ जो आपकी जिंदगी के बहुत काम की हैं, आयुर्वेद से बाहर की हैं, इसलिए अब तक मैंने बताई है। मैं एक जानकारी ये लेना चाहता हूँ, शायद आपने सुनी ही होगी कि दुनिया में जितनी भी चिकित्सा पद्धतियां हैं सब में थोड़ी थोड़ी कहीं ना कहीं कोई कमी है या उनकी सीमाएं खुली है। पूरी टोटेलिटी में पूरी कंप्लीट सब आइडियल ऐसी कोई चिकित्सा पद्धति अभी रह नहीं पाई। शायद आज से 3000 साल पहले आयुर्वेद रहा होगा, लेकिन आयुर्वेद की आज की सीमा में आज के हिसाब से कुछ लिमिटेशन आ गई है। जैसे मैंने कहा स्वर्ण भस्म आयुर्वेद की दवा हरेक के बस का नहीं है, तो वहां पे लिमिटेशन है। किसी से कहूँ मोती दृष्टि ले लो तो सबके बस की नहीं है, महंगी चीजें हैं। तो बहुत सारी महंगी चीजें जो दवाएं के रूप में दवाओं के रूप में है वो मैं बताता नहीं, मैं मानता हूँ कि वो आयुर्वेद की आज के हिसाब से सीमा है। उस दृष्टि से उनसे भी बेहतर विकल्प मैं आपको बताना चाहता हूँ। जैसे अगर किसी को कुत्ते ने काट लिया, अब मैं आयुर्वेद में उसका इलाज करूंगा तो समय बहुत लगेगा, ऐसा मान लो कि कम से कम 15 दिन से 21 दिन तक का समय लग जाएगा, और जितनी दवाएं उसको खिलानी पड़ेगी उसमें खर्चा और उसका बजट बहुत बढ़ जाएगा। और इसी इलाज को आप अगर एलोपैथी में कराएंगे तो वो इंजेक्शन जो लगाएंगे वो इतने तकलीफ देने वाले हैं कि बेचारा कुत्ते के काटे के दर्द से इतना तकलीफ नहीं पाता जितना वो इंजेक्शन के दर्द से पाता, और महंगा इतना है कि गरीब आदमी के बस का नहीं है। ऐसे ही मान लीजिए सांप ने काट लिया किसी को, अब सांप ने काट लिया तो फिर कोई समस्या है, अगर आयुर्वेद में आपका इलाज करूंगा तो समय भी जाता है, और ये सब सेंसिटिव केस है, इनमें ज्यादा समय का बीतना पेशेंट के लिए हर दिन मौत के नजदीक जाना। तो मैं ऐसे केसेस जिनको मैं मानता हूँ कि बहुत संवेदनशील है, मैं खुद उनका आयुर्वेद का ट्रीटमेंट नहीं देता कभी भी, उनके लिए मैं होम्योपैथी में काम करता हूँ। और होम्योपैथी के बारे में मैं ये कहूँ कि उसमें रिजल्ट इस तरह के केसेस के बहुत फास्ट है, शायद 3 दवाई देनी पड़ती है, माने 3 खुराक देनी पड़ती है, उतने में सब ठीक हो जाए, और वो एक दिन का ही खेल है। एक दिन ज्यादा से ज्यादा 24 घंटे में कितना भी जहरीला सांप काटे, कितने भी खराब कुत्ते ने आपको काटा हो, बिच्छू ने डंक मार दिया आपको, कितना भी खराब बिच्छू रहे और उसका डंक आपको लग गया, ये सब एक दिन में ही होम्योपैथी आपको ठीक कर देती है, बिना इंजेक्शन लगाए, बिना कोई काढ़ा पिए, बिना ज्यादा आपको कोई तकलीफ दिए हुए। तो वो भी मैं आपको जोड़ देता हूँ इसमें। तो आप ये कीजिए, कभी भी किसी को कुत्ते ने काट दिया जो आजकल बहुत सामान्य बात हो गई, वो कुत्ता पागल रहे या पागल ना रहे, वो घरेलू हो घरेलू ना रहे, मन में तो डर बैठता है। हालांकि ऐसा है कि जो कुत्ता घर में रहता है उसके काटने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपको, क्योंकि वो वही खाता है जो आप खाते हैं, आपसे अलग वो कुछ नहीं खाता है, तो आपके शरीर में उसके रोगाणु से लड़ने के लिए एंटीबॉडीज हैं जो कि आप हमेशा उसके नजदीक रहते हैं, वो आपको चाटता भी रहता है, तो ये तो सब सामान्य है। लेकिन फिर भी लोगों के मन में डर इतना होता है, फिर कुत्ते ने काट लिया तो जाएंगे जरूर डॉक्टर के पास, और फिर वो लगवाएगा 24 इंजेक्शन या 14 इंजेक्शन, और वो सब हजारों रुपए का खेल। आपको मैं एक सीधी सरल और बहुत प्रभावी दवा का नाम लिखा देता हूँ, आप उसको लिख लीजिए, हमेशा इसको घर में रखिए। 5 रुपए की दवा आती है और 100 आदमी उसमें ठीक हो जाते हैं, इससे सस्ता कोई इलाज नहीं है। दवा का नाम है हाइड्रोफोबिना, मैं स्पेलिंग बोलता हूँ HYDRO, फिर उसके बाद PHOBI, ये भी वाला भी BIMUM, हाइड्रोफोबिना, ये दवा है HYDRO PHOBI MUM, हाइड्रोफोबिना। इस दवा के नाम के आगे 200 नंबर लिख लो, 200, ये 200 इसकी पोटेंसी है, ये दवा हाइड्रोफोबिनम नहीं, होम्योपैथी की दवा है हाइड्रोफोबिनम 200, पूरा नाम इस दवा का है हाइड्रोफोबिनम 200। कहां मिलेगी? किसी भी होम्योपैथी की दुकान पर मिलेगी, किसी भी होम्योपैथी की दुकान पर मिलेगी। कितनी लेनी है? 5 मिलीलीटर ले लेना, सबसे कम इतनी ही देते हैं वो, 5 मिलीलीटर ले लेना और शीशी में भर के रखना, इस शीशी को कभी भी
फ्रिज में नहीं रखना और धूप में नहीं रखना। घर में ऐसे स्थान में रखना जहां धूप नहीं आती, सूरज का प्रकाश नहीं आता और फ्रिज भी ना हो इसके नजदीक, थोड़ा दूरी पर रखना। ये दवा है। अब जिसको भी कुत्ते ने काट लिया, ये दवा लेना लिक्विड फॉर्म में। होम्योपैथी की दवाएं दो तरह से मिलती है, तो वो गोलियों में डाल के देते तो उससे कहना वो नहीं चलिए, हमें सीधे दे दो, उसको कहते हैं डाइल्यूशन, लिक्विड फॉर्म को कहते हैं डाइल्यूशन। तो हाइड्रोकोबिनम लेना है 200 पोटेंसी में, 200 बस। अब इस दवा की एक एक बूंद जीभ पर डालनी है जिसको कुत्ते ने काटा, एक बूंद जीभ पर सवेरे डाल दो। और आप देख रहे हैं कुत्ते ने काटा है, बहुत तेज खून वून निकल रहा है और वो बेचारा परेशान है, तो इस दवा को आधा आधा घंटे में 3 बार जीभ पर डालना, एक बूंद फिर आधा घंटे बाद एक बूंद, फिर आधा घंटे बाद एक बूंद, बस। उसके बाद आप भूल जाइए, बिल्कुल भूल जाइए। उस आदमी की जिंदगी में कभी भी कोई संभावना नहीं है कि रेबीज हो जाए। कुत्ते के काटने से जो बीमारी होती है उसका नाम है रेबीज, कभी नहीं होगी, हो नहीं सकती। एक बूंद आधा घंटे बाद एक बूंद, आधा घंटे बाद एक बूंद, बस भूल जाइए। उसके बाद 3 बूंद डाली है जीभ पर डाली, ठीक है। अच्छा, अब इसमें नियम बस इतना ही है कि जितना जल्दी डालेंगे उतना अच्छा। अभी काटा अभी डालिए तो बहुत जल्दी ठीक हो, लेकिन अगर देर में डालेंगे तो भी दवा तो डालनी ही है। आपको पता चला किसी को कुत्ते ने काटा, उसको 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, 4 दिन हो गए, 5 दिन हो गए, दवा तो देनी ही है, लेकिन जितनी जल्दी मिलेगी उतना अच्छा, ठीक वो उतनी ही जल्दी होगा। अभी काटा अभी दे दो, शाम तक ठीक हो जाए, घाव पूरा भर जाएगा, 1 दिन ही लगता है। और देर में डालेंगे तो कैसे डालनी है, दवा देर हो गई, 2 दिन हो गए, 4 दिन हो गए, तो फिर आधा आधा घंटे मत करना, सुबह 1 बूंद देना, दोपहर को 1 बूंद और शाम को कोई 3 बूंदे दे दी है उसको, नहीं कुछ नहीं, बस इतना ध्यान रखना खाना फिर नहीं करेगा। तो ज्यादा पुराना हो गया तो सुबह 1 बूंद देगा, दोपहर को और 1 शाम को। ये सुबह सुबह शाम में खाना पीना कर पाएंगे, वो आधा आधा घंटे में खाना पीना नहीं होगा। आधा आधा घंटे में इसलिए दी जा रही है कि आपको खाने पीने से रोका जाए। तो 1 बूंद सुबह दे दी, 1 दोपहर, 1 शाम, बस कहानी खत्म हो गई। कितना भी पुराना हो, 15 दिन पुराना, 20 दिन, उतनी 3 खुराक में वो भी ठीक होगा। ये तो हो गया कुत्ते का। बिल्ली काटे तो भी यही काम आएगी, बिल्ली ने काट लिया तो भी यही काम आएगी। अब बस इतना ध्यान रखना कि बच्चे अगर हैं, बच्चों को कुत्ते ने काटा या बच्चों को बिल्ली ने काटा, तो इस दवा की 1 बूंद ही काफी है बच्चों के लिए, उनको 3 नहीं देनी, उनको 1 ही देनी है। लेकिन कैसे देनी है, 1 बूंद इस दवा की 1/4 कप पानी में डाल लेना, पानी लेना 1/4 कप, उसमें ये दवा की 1 बूंद डाल लेना, फिर वही पानी में से 2-2 चम्मच पानी उस बच्चे को पिलाना, 3 बार पिलाना। उसको भी चाहे तो आधा आधा घंटे से दे सकते हैं, तत्काल काटा है तो, और देर हो गई है काटे हुए तो सुबह 2 चम्मच पानी, दोपहर को 2, फिर शाम को। बच्चों के लिए सिर्फ 1 बूंद है इस दवा की, काफी है। और उनको जीभ पे नहीं देना है, पानी में डाल के देना। जीभ पे क्यों नहीं देना, ये तीखी होती है, बहुत तीखी है, क्योंकि इसमें थोड़ा एल्कोहल होता है, तो बच्चे जो है ना थोड़ा आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएंगे, इसलिए उनको पानी में डाल के दें। कितने भी साल का, 1 दिन का हो, उसको भी काट दिया कुत्ते ने या बिल्ली ने, तो आप दे सकते, ठीक है। और ये दवा उस समय भी काम आती है, हालांकि ये केसेस बहुत कम होते हैं, चूहे ने काट दिया, चूहा हालांकि काटता वाटता नहीं है लेकिन फिर भी उतर जाता है अंगूठे में अंगूठी में, तो उस समय भी आप इसको काम में ले सकते। अब थोड़ा आगे चले, सांप ने काट लिया जी, काम है
वैसे चूहे के पेशाब को पीने में आ जाए तो मरेंगे तो नहीं, मृत्यु तो नहीं होगी, हाँ थोड़े एबनॉर्मेलिटीज आएंगे तो आप उस समय भी दे सकते। सांप ने काट लिया, अब सांप का काटा हुआ थोड़ा सेंसिटिव मामला होता है, कुत्ते से भी ज्यादा, बिल्ली से भी ज्यादा, क्योंकि सांप में थोड़ा जहर है और आपको मार सकता है। लेकिन ध्यान देने की बात यह है कि भारत में 550 जाति के सांप है, उनमें से जहर वाले सिर्फ 7 या 8 ही है, बाकी सांपों में जहर नहीं। लेकिन मन में डर ऐसा बैठा हुआ है कि कोई भी सांप काट ले तो धड़कन बढ़ जाती है कि पता नहीं अब क्या होगा, अब क्या होगा। 550 जाति के सांप है, उनमें से सिर्फ 7 या 8 में जहर है, माने वो 7 या 8 में से कोई सांप काटेगा तभी मरेंगे, बाकी के काटने से कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन जो भी मन में डर है ये एक समस्या है, तो साइकोलॉजिकली ज्यादा इसमें तकलीफ होती है, मेंटली ज्यादा प्रॉब्लम। तो आप भारी के डॉक्टर के पास एंटी वेनम इंजेक्शन देगा, लेकिन आजकल ये इंजेक्शन उपलब्ध भी नहीं होते, और है तो एक एक डॉक्टर एक एक इंजेक्शन का 20,000-25,000 जो उसके बिल में आए वो चार्ज आपसे करेगा, और उस समय आपको पड़ी है आदमी को बचाने की, इसलिए आप रुपए नहीं गिनेंगे, आप तो कहेंगे भाई तू बचा इसको लाख रुपए ले। ऐसी स्थिति में आप कभी घबराइए मत, कभी डरिए मत, सांप के काटने का जो जहर है वो शरीर में एकदम आदमी को नहीं मार देगा। वैसे तो एक जानकारी दे दूं कि सांप का जो जहर है वो प्रोटीन है, एक खास तरह का प्रोटीन है, और वो प्रोटीन डाइजेस्टेबल नहीं है, इसलिए आदमी मर जाए, अगर वो डाइजेस्टेबल हो तो बिल्कुल मरने की संभावना नहीं। और सांप का जहर उसके 2 दांतों में रहता है, 7-8 जाति के सांप में उनमें सबसे ज्यादा जो जहर है उसका नाम है रसल स्वाइपर, एक सांप होता है रसल स्वाइपर। वो कैसा होता है, उसको चलते समय आप पहचान सकते हैं, वो हमेशा 8 की शेड्यूल में चलता है, ऐसे चलता है, 8 का नंबर बनाते हैं अंग्रेजी में, ऐसे चलता है, हर बार उसकी एक माने आगे का हिस्सा पीछे के हिस्से से जरूर खड़खड़ खड़खड़ घिसता रहता है, और बहुत तेज आवाज आती है उसकी चलने में, वो सबसे ज्यादा खतरनाक माना जाता है, इसलिए सबसे ज्यादा आवाज करते चलते, सावधान रहो, दूर रहो उससे, बहुत तेज साउंड आती है उसकी, शरीर घिसता है, ये बहुत होता है, तमिलनाडु में बहुत है, कर्नाटक में भी है, आंध्र में भी है, रसल स्वाइपर बहुत है, ये काट ले तो सबसे जल्दी मृत्यु होने की संभावना है, जहर इसका बहुत तीखा है। वैज्ञानिकों ने परीक्षण करके बताया कि 3 घंटे से ज्यादा जिंदा नहीं रहने देता इसका जहर, 3 घंटा ही है आपके पास। तो ऐसे सांप के बारे में ध्यान रखें, जो सांप ऐसे ऐसे चल रहा हो 8 का अंक बनाते हुए, समझ लो रसल स्वाइपर, और इसका फन पर नहीं होता, मुंह बहुत पतला है ऐसे ही काटता है, हल्के से टच कर दिया तुरंत जहर गए। तो ऐसे सांप को कैसे कंट्रोल करेंगे, जहर उसका है तो इसकी दवा है, और मैं 2-4 और नाम बता दूं, रसल स्वाइपर है, तिले के कलर ये काटता है तो भी आदमी के बचने की संभावना है, तिरिंग है कोबरा, कोबरा 3rd पोजीशन पर है, जहरीले सांपों में 3rd नंबर है कोबरा, एक किंग कोबरा होता है, एक सामान्य कोबरा होता है, ऐसे कुछ 7-8 जाति के सांप हैं, बस आप इतना याद रखिए कि जहरीला सांप काटा। अब जहरीला सांप काटा तो सिम्टम क्या होगा, जो जहरीला नहीं है उसका सिम्टम क्या होगा, जहरीला है तो क्या होगा, ये ध्यान, जहरीला सांप काटेगा तो जहां काटेगा वहां सूजन बहुत आएगी, स्वेलिंग, इमीडिएट सूजन आएगी, और आप उस सूजन से अंदाजा लगा लेंगे कि कहां काटा है, शरीर के जिस अंग में ज्यादा सूजन है बस जान को यहीं कहीं काटा है। अब ध्यान से देखोगे तो उसमें 2 छेद नजर आएंगे आपको, सुई चुभने के जो छेद होते हैं ना, ऐसे छेद नजर आएंगे आपको सांप के काटने में, क्योंकि दोनों नाक दांत उसके जो है ना सुई के जैसे होते, अंदर गया और निकाल गया, इतनी देर में वो काम करते हैं। तो आप सूजन वाला इलाका ढूंढिए, अगर सूजन बहुत है तो समझ लो जहरीले सांप ने काटा, फिर आपको 2 दांत मिल जाएंगे। अब इन दोनों दांतों पे ध्यान रखना है, क्या करें इसके लिए, तो एक तो आप चाहें तो फर्स्ट एड कर सकते हैं, फर्स्ट एड कैसे कर सकते हैं, इंजेक्शन होता है, इंजेक्शन डॉक्टर वाले इंजेक्शन जो फोकते हैं आपको, इंजेक्शन लगाते हैं, उस इंजेक्शन की सिरिंज जहां तक जाती है उतना हिस्सा ब्लेड से काट दो,
इंजेक्शन की सिरिंज जहां तक जाती है उतना हिस्सा ब्लेड से काट दो, तो वो एक सक्शन पाइप जैसा हो गया। सक्शन पाइप समझते हिंदी से लेकर खींचने वाला पंप। तो जहां जहां आपको दोनों दांतों के निशान दिखाई दे रहे हैं वहां पे उसको रखो इंजेक्शन को कटा हुआ हिस्सा और पीछे से खींच दो तो सारा जहर उसमें भर जाएगा इंजेक्शन। मेरे पास है नहीं इंजेक्शन, आपने सिरिंज वाला आगे से कट कर दिया जहां पे नेडल लगाते हैं, तो उसका जो होल है उसको जहां छेद है वहां पे रख के खींचना है पीछे से, सक्शन पाइप की तरह से उसको यूज करना। तो जैसे आप खींचना शुरू करेंगे तो वैक्यूम बन जाएगा। आप जानते हैं बच्चे लोग पिचकारी का इस्तेमाल करते हैं, जब होली आती है तो एक पिचकारी आती है ना, खींचते हैं फिर उसको पंप करते हैं, वैसे ही कुछ इंजेक्शन को यूज करना है इसमें। इंजेक्शन के आगे जहां निडिल लगती है उसको ब्लेड से कट करना है, तो वहां पर एक होल बड़ा हो गया, उस होल को एग्जैक्टली जहां पे सांप ने काटा है जो पॉइंट आपको दिख गया, मैंने कहा ना सूजन आएगी लाल पड़ जाएगा, वहां पे दोनों पॉइंट उसके दिखाई देंगे दांत के दो निशान, वहां पर आपको जो इंजेक्शन का होल है उसको रखना है ऐसे करके, और पीछे जो उसका सक्शन की तरह से काम खींचना है उसको। जैसे ही आप खींचना शुरू करेंगे तो पूरा इंजेक्शन जो है ना सिरिंज वो चिपक जाएगा, चिपक गया तो इसका माने वैक्यूम क्रिएट हो गया, फिर आसानी से जब आप खींचेंगे तो सारा ब्लड उसमें भर जाएगा और ब्लड के साथ सारा पॉइजन भी उसमें निकल आएगा। आप एक बार खींचेंगे कुछ ब्लड निकलेगा, फिर वहां पे दूसरा वाला निशान है वहां रख के एक बार खींचेंगे फिर कुछ ब्लड निकलेगा, जब तक ब्लड निकलता रहे आप उसको खींचते रहिए, और जब ब्लड आप निकालेंगे फर्स्ट टाइम में तो आप देखेंगे वो थोड़ा ब्लैकिश होगा, ब्लड उसका रंग डार्क होगा ब्लैकिश होगा, तो समझ लीजिए इसमें पॉइजन मिक्स हो चुका है। तो जब तक वो ब्लैकिश और डार्क रेड कलर का ब्लड निकलता है दो तीन बार में आप खींच लीजिए, उतने में ही सारा पॉइजन निकल जाता है, क्योंकि सांप जो पॉइजन छोड़ता है ब्लड में वो कुछ ज्यादा नहीं होता है, 0.5 मिलीग्राम के आसपास होता है, इससे ज्यादा नहीं होता क्योंकि उसके दांत में इससे ज्यादा रह ही नहीं सकता, तो 0.5-2.6 मिलीग्राम है, दो तीन बार आपने ब्लड खींच लिया उसमें निकल गया। जैसे ही आप इसको खींचेंगे तो पेशेंट में आपको चेंजेस दिखाई दे जाएंगे, उसमें चेतना आ जाएगी, कॉन्शियसनेस आ जाएगी। सांप जब काट लेता है और उसके ब्लड में जहर आ जाता है तो व्यक्ति अनकॉन्शियस हो जाता है या सेमी कॉन्शियस होता है, जैसे ही आप खींचना शुरू करेंगे उसके ब्लड को, इम्प्योर ब्लड को, उसमें कॉन्शियसनेस आ जाएगी। कॉन्शियसनेस आ गई तो समझ लीजिए अब वो मरेगा नहीं, तो ये उसके लिए फर्स्ट एड का आप काम कर सकते हैं। इसी इंजेक्शन को जो मैंने आपसे कहा कहां से कट करना है, जहां आप सिरिंज का निडल लगाते हैं, जहां सुई लगाते हैं, इसी इंजेक्शन को बीच से कट कर दीजिए, एग्जैक्टली बीच से, 50% इधर 50% इधर, बीच में कट कर दीजिए तो पाइप और बड़ा हो जाएगा, उसका होल जो है ना और बड़ा होगा, और उसको रख के भी खींचेंगे तो एक बार में ही सारा ब्लड खींच लेगा। बड़ा इंजेक्शन लेंगे, बड़ी सिरिंज होगी तो जल्दी काम होगा, तो बड़ी सिरिंज लेकर आप इसको कर लीजिए। आपके पास कोई मेडिसिन नहीं है, कोई फर्स्ट एड नहीं है, कोई डॉक्टर नहीं है, लेकिन पुराना धुराना कहीं इंजेक्शन पड़ा हुआ मिल जाए उसी के यूज से आप ये शुरू कर सकते हैं, ये फर्स्ट एड की बात है। दूसरा, एक मेडिसिन आप चाहे तो हमेशा घर में रखिए, बहुत सस्ती है, होम्योपैथी में आती है एक मेडिसिन, उसका नाम है नाजा, NAJA, नाजा होम्योपैथिक मेडिसिन है, किसी भी होम्योपैथी शॉप में मिलेगी, NAJA नाजा, और इसकी पोटेंसी है 200, नाजा उसके आगे लिखिए 200। ये मेडिसिन 5 मिलीलीटर खरीद के रखिए घर पर, 5 मिलीलीटर सफिशिएंट है, 100 लोगों की जान इससे बच जाएगी, और इसकी कॉस्ट सिर्फ 5 ही रुपए है, 5 रुपए में ही आती है,
पटियाला में शायद थोड़े महंगे देते हैं, क्योंकि कल का मेरा एक्सपीरियंस है, मैं कल एक होम्योपैथी शॉप में गया था तो वो 10 रुपए मांगता है, तो ठीक है 10 रुपए। अदरवाइज ये मेडिसिन अगर आप दिल्ली से कहीं से, जलंधर से कहीं से खरीदेंगे तो 5 ml 5 रुपीज में ही आता है। इसकी एक बॉटल भी आती है 100 ml की, वो 60 या 70 रुपए में आती है, और 100 ml की बोतल से कम 10,000 लोगों की जान आप बचा सकते हैं जिनको सांप ने काटा। और ये जो मेडिसिन है नाजा, ये दुनिया के सबसे खराब सांप का ही पॉइजन है, जिसको मैंने बोला करेंत। करेंत का पॉइजन सबसे खराब माना जाता है दुनिया में। करेंत के बारे में कहा जाता है कि अगर उसने काट लिया है तो फिर भगवान ही बचा सकता है, मेडिसिन भी जल्दी काम नहीं आती, उसी का ये पॉइजन है। लेकिन डाइल्यूशन में है, डाइल्यूट फॉर्म में है, इसलिए घबराने की कोई बात नहीं। पर आप आयुर्वेद का एक सिद्धांत जानते हैं, लोहा लोहे को काटता है, जब जहर चला जाता है शरीर में तो दूसरे जहर की मदद से ही वो बाहर आता है। तो आप इसको यूज करिए, नाजा 200 पोटेंशियल लिक्विड फॉर्म में लीजिए, डाइल्यूशन में लीजिए। अब ये देनी कितनी है, एक एक ड्रॉप उसके जीभ पे डालना है, पेशेंट के जीभ पे एक बार डाल दीजिए, 10 मिनट बाद फिर और एक बार डाल दीजिए, और 10 मिनट बाद एक बार डाल दीजिए, बस 3 बार डाल के छोड़ दीजिए, ये पेशेंट की जिंदगी को हमेशा के लिए बचा लेगी। और मैंने आपसे कहा कि एलोपैथी में जो एंटी वेनम इंजेक्शन है वो अवेलेबल नहीं होते। आप अगर पटियाला का कोई सरकारी अस्पताल हो वहां जाके पूछे तो कहेगा नहीं अवेलेबल है, वो कहेगा चंडीगढ़ जाओ या कहेगा पीजीआई लेके जाओ। अब चंडीगढ़ आप लेके जा रहे हैं, पीजीआई लेके जा रहे हैं, वहां भी इंजेक्शन मिलेगा तो 10-15 हजार से लेके 20 हजार के बीच में उसकी कीमत है, और वो 8-10 इंजेक्शन ठोक देंगे एक साथ, कभी कभी 15 तक ठोक देते हैं इस तरह से, तो आपका 1 लाख रुपए तो गया, 1.5 लाख तो गया, और यहां सिर्फ 10 रुपए की मेडिसिन में आप उसकी जान बचा सकते हैं। इंजेक्शन जितना इफेक्टिव है, मैं इस दवा की गारंटी देता हूं 100 टाइम्स ये मेडिसिन उससे ज्यादा इफेक्टिव है इंजेक्शन की तुलना में, एंटी वेनम इंजेक्शन की तुलना। तो ये जानकारी आप हमेशा याद रखिए अपने जीवन में, पता नहीं कब काम आ जाए, हो सकता है आपके ही जीवन में काम आ जाए, हो सकता है आपके फैमिली के किसी के या पड़ोसी के किसी के, ये मालूम रहे आपके पास कि ये मेडिसिन नाजा है, अवेलेबल है। होम्योपैथी की किसी भी दुकान पे आसानी से मिल सकती है, आप जाके खुद खरीद के इसको घर में रख सकते हैं, लिक्विड फॉर्म में ले लीजिएगा। जब भी किसी को सांप ने काटा है, इसकी एक एक ड्रॉप 10 मिनट के अंतर पर 3 बार जीभ पे डाल दीजिएगा, बस इतना सा ट्रीटमेंट, तो सांप के काटने का इलाज आप इससे कर सकते हैं, अपना भी दूसरों का भी। अब इसी तरह की और एक जानकारी, सांप जैसा ही कई बार लोगों को बिच्छू काट लेता है, स्कॉर्पियो, और जब दर्द होता है ना तो वो आदमी ही बताता है कि क्या तकलीफ है उसको, दूसरा जान नहीं सकता उसकी पेन कितनी होती है, भयंकर पेन होता है, बिच्छू ने काट लिया। अब बिच्छू काट लेगा तो क्या करें, तो ऐसी ही एक और मेडिसिन है, उसका नाम आप लिख के रखिए, उस मेडिसिन का नाम है सिलिशिया, SILICEA, SILICEA, सिलिशिया, उसके आगे पोटेंसी उसकी लिखना 200, और ये भी लिक्विड फॉर्म में रखनी है 5 ml घर में। और इस दवा को भी वैसे ही यूज करना, एक एक ड्रॉप टंग पे 10 मिनट में 3 बार। अब बिच्छू काटता है तो क्या होता है, बिच्छू काटता है तो उसका जो डंक है ना वो उसको अंदर छोड़ देता है, वो डंक है वो पेन करता है। बिच्छू काटे और डंक को बाहर निकाल ले तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन काट के वो जो छोड़ देता है अंदर, उसमें सारी तकलीफ आ जाती है। और बिच्छू ने काटा तो बिच्छू क्या करता है, उसका जो डंक होता है ना उसे अंदर छोड़ देता है, काटना उसका तकलीफ दे नहीं है, वो जो डंक छोड़ दिया वो तकलीफ का कारण है। फिर वहां सूजन आती है, फिर दर्द होता है, इतना दर्द होता है कि आप सहन नहीं कर पाते कई बार। तो उस स्थिति में एक दवा है, उसका नाम है सिलिशिया, SILICEA,
SILICEA सिलिशिया, ये दवा क्या करती है जी, दर्द जो छोड़ा है वो जब तक निकलेगा नहीं, दर्द फिटेगा नहीं, तो ये दवा यही काम करती है कि बिच्छू का डंक जो अंदर कितना भी घुसा हुआ हो उसको दवा देने के 5-7 मिनट में आप देखेंगे डंक अपने आप बाहर आए और उसको हाथ से उठा के आप फेंक। इतनी पावरफुल मेडिसिन सिलिशिया। इसके भी आगे लिखना है 200 सिलिशिया 200। देने का तरीका वही है, एक एक खून जीप पर काट लिया है अभी तुरंत को 15-20 मिनट में दे दो जीप पर, 10 मिनट से 15 मिनट में, और ज्यादा पुराना हो गया है तो सुबह दोपहर शाम। ये बहुत अद्भुत दवा है, आप सुनेंगे तो हैरान हो जाएंगे। ये दवा बनती है बालू से, बालू होती है बालू मिट्टी रेत, नदी के नीचे से जो बालू निकलती है ना ये दवा वही है, और इसी दवा से सारे स्लीपर चिप्स बनते हैं। स्लीपर चिप्स जो कंप्यूटर में इस्तेमाल होते हैं अब तो सब बहुत सारी चीजों में, तो जिस बालू से सिलिकॉन चिप बनते हैं उसी से ये दवा होती है, और बिच्छू के काटने में सबसे ज्यादा प्रभाव है, अंदर से ये निकाल देती है डंक को। और मैं बता देता हूँ कि बहुत बार माताएं मेरे सुई से कुछ सिल रही है या मशीन चला रही है और सुई घुस गई और टूट रही है, उस समय भी यही दवा काम है। सिल के समय सुई घुस गई और टूट गई, अब अंदर पड़ी हुई है, उस समय भी यही दवा काम है। और आप सड़क पे चल रहे हैं, कांटा लग गया और कांटा अंदर घुस गया तो भी यही दवा, कांटा लग गया अंदर घुस गया तो भी यही दवा काम आएगी। कांटे को बाहर निकाल देती है, सुई को बाहर निकाल देती है, और ये बिच्छू के डंक को सबसे तेजी से बाहर निकालती है, और उसके बाद दूसरी कोई दवा लेनी नहीं पड़ेगी। जैसे हम कई बार डर दे ना सुई चुप गई तो अब हमें लगेगा कि सब किसी क्यों हो सकता है, तो हम जाएंगे एंटी डिफनेस इंजेक्शन और पता नहीं क्या क्या डिफनेस का, कुछ जरूरत नहीं है। सिलिशिया एंटी डिफनेस है, एंटी सर्फे। अरे नहीं भैया, बार बार कह रहा हूँ जीप पे लेनी है जी, काट चुक गया अगर अंदर फंस गया उसके लिए भी। देखो जो भी अनवांटेड थिंग जो आपके आवश्यक नहीं है अंदर घुसी हुई है सबके लिए है। और बता देता हूँ क्या क्या काम, ये चमत्कारी दवा है। किसी को गोली लग गई, बंदूक की गोली, रिवॉल्वर की गोली, पिस्टल की गोली, और अंदर फंसी हुई है और डॉक्टर बेचारा थक गया, ऑपरेशन कर रहा है, निकल ही नहीं रही है, जगह ऐसी है जहां निकाल भी नहीं सकता, उस समय भी यही दवा दे देगा, गोली अपने आप बाहर है, कोई भी गोली, कोई भी गोली लग गई हो, बंदूक की हो, रिवॉल्वर की हो, पिस्टल की हो, राइफल की हो, अंदर फंसी हुई हो, निकल गई तब तो ये दवा कुछ काम की नहीं, गोली फंसी हुई है अंदर, छर्रे फंसे हुए, छर्रे होते हैं ना वो कट्टे वाले छर्रे, कट्टा एक शब्द है आप सब समझते हैं, कट्टा बिहार के लोग समझते हैं, कट्टा उत्तर प्रदेश वाले मैंने रिवॉल्वर का देशी रूप है कट्टा, उसमें छर्रे फंसते हैं, दो तीन 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 पर्याप्त, तो गोली अंदर फंस गई है उसके लिए भी यही दवा काम है। पावर उतनी 200। हाँ मधुमक्खी का डंक है तो भी यही काम है, मधुमक्खी ने काटा उसका डंक फंसा तो भी यही दवा है, बिच्छू ने काटा उसका डंक फंसा तो भी ये दवा है, सुई टूट के घुसी है अंदर तो भी ये दवा है, कांटा अंदर चुभ गया है तो भी यही दवा है। हर चीज जो बाहर से अंदर गई है और काम की नहीं है शरीर पे, उन सबको निकालने वाली ये दवा है, कोई एक्सपायरी नहीं, कोई एक्सपायरी नहीं है जी, लेकिन अगर अंदर फंसा हुआ हो तो, नहीं फंसा हुआ है तो दूसरी दवा है, फिर वो मैं बताने जा रहा हूं। तो अंदर कुछ लग गया, लोहा लग गया, सुई लग गई, कांटा चुभ गया, डंक लग गया, गोली लग गई, बम मारा किसी ने आपको कल्पना को, और बम के छर्रे अंदर घुसे हुए हैं तो भी ये दवा, और एक काम में ये दवा है, इसको तो आप जरूर अंडरलाइन करके लिखना, क्योंकि ऐसा किसी को बहुत कब्जियत हो जाती है, बहुत कब्जियत हो जाती है,
छह दिन सात दिन दस दिन से सन्यासी नहीं हो रही है, चार दिन हो गया, पांच दिन हो गया, और वो बेचारा हर बार टॉयलेट जाता है और बाहर आ जाता है, स्त्री हो या पुरुष या बच्चा भी अंदर जा रहा है कि मुझे सन्यास आने वाली है, टट्टी आने वाली है, लेकिन बाहर आ गया, आ ही नहीं। ऐसी कंडीशन में इसी दवा को लेके खून झीप पे डाल देना, दस दस दिन पुराने सन्यास को खल खल बिल्कुल निकाल देना, 20 मिनट में ही लगता, एकदम पानी होके सारी टट्टी निकल जाती। और बताएं ये किस कंडीशन में होता है, कैंसर पेशेंट को अक्सर ये होता है, कॉन्स्टिपेशन इतना हो जाएगा कैंसर की कंडीशन में, क्योंकि जो दवा दी जाती है ना कैंसर के लिए वो कॉन्स्टिपेशन लाती है, तो अक्सर उनकी टट्टी रुक जाती है, बड़ी यहां से एकदम बंद हो जाती है। उस स्थिति में भी एक दवा काम आती है, सिलेशिया मात्रा हो 200 एक एक खून जीत कर, बस तीन बार से ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी। है जी, कोई रिएक्शन होगा तो मैं खुद बताऊंगा। हाँ, तो भी एक दवा निकाल देंगे। कोई भी अनवांटेड चीज है जो आपके शरीर के काम की नहीं है और फंसी है कहीं भी, बच्चों में सिक्का निकल लिया, छोटे छोटे सिक्के होते हैं ना कहीं पर भी, अब तो वो चलते नहीं सिक्के, लेकिन बहुत पहले होता था, पत्थर का टुकड़ा ही निकल लिया उन्होंने, अब उनको तो कुछ पता नहीं, वो तो खेल रहे हैं मस्ती में, कान में डाल दिया पत्थर का टुकड़ा, अब आपको निशान है इस डॉक्टर सिलिशिया की तीन खुराक दीजिए वो अपने आप ही टिकेगा, कान में पत्थर डाल लिया। कई बार बच्चे कान में गेहूं का दाना डाल लेते हैं, कान में बाजरी डाल ली उन्होंने, मक्की डाल ली, क्योंकि वो तो ऐसे ही है भाई, भोले भाले सीने साथी उनको मालूम नहीं किया तकलीफ करे, तो ऐसी कोई भी चीज शरीर में गई जो अनवांटेड है, जो जरूरत नहीं है आपको, बस उन सब को बाहर निकालने को एक ही दवा आपके लिए, वैसे तो 100 दवाएं हैं लेकिन मैंने एक बताई ताकि कंफ्यूजन ना हो, आप इसका भरपूर इस्तेमाल कर सकें। अब थोड़ा आगे चले और ये तो ऐसी दवाएं बता दूं आपको, बिच्छू सांप और ये क्या कहते हैं रेड माने चूहा और क्या बताया था बिल्ली, बिच्छू सांप चूहा बिल्ली वगैरह वगैरह, इनको तो अब तक दिया थोड़ा। अभी आपने सवाल पूछा जंग लगे लोहे से चोट लग गई है तो आप जाएंगे एंटी टिटनेस इंजेक्शन लेने, मत लीजिए बहुत महंगे हैं और कई बार नकली भी हो, तो इसके लिए एक दवा बता देता हूं, जंग लगे लोहे से कभी भी चोट लगे तो उसके लिए दवा है हाइपेलिकम, HYPERICUM, हाइपेलिकम HYPERICUM, HYPERICUM, आगे वो नहीं लिखना है दोस्तों, हाइपेलिकम। अब आपको लग गई चोट ऐसे जो जंग वगैरह लोहा है, खून निकला है नहीं निकला है, इससे कोई मतलब है, यही दवा की तीन खुराक है, नहीं वो एक्सीडेंट की बात नहीं चल रही, बिल्कुल नहीं, आपके साथ बात हो रही है लोहे से कटे हुए की या लोहे के चुड़े हुए, और वो भी ऐसा लोहा जो जंग लगा है, ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि नहीं हो जंग लगा लेकिन लोहे से ही कटा है तो भी ये दवा काम है, तो भी ये दवा काम है, सेम सेम वन वन ड्रॉप, अगर तत्काल लगा है ताजा है तो आधा घंटे में, लंबी दूरी हो गई है देर में पता चला तो सुलभ रहता, देना तीन ही डोज, इससे ज्यादा जरूरत ही नहीं, तो आपको कोई भी इंजेक्शन देना नहीं पड़ेगा, टिटनेस एंटी टिटनेस सेप्टिसीमिया कोई भी इंजेक्शन आपको नहीं देगा। आधा घंटे वो जहर वाले संवेदनशील केस थे जिनमें मरना हर क्षण पड़ता है, इसमें इतने संवेदन इसमें इतने संवेदनशीलता नहीं है, लोहे से कटा या लोहे से चोट लगी है वगैरह, उनको भी दे दो, कई बार टिटनेस इंजेक्शन नकली होता है, इंजेक्शन लेने के बाद पांव कटते हैं लोगों के, ऐसी स्थिति मैंने देखी,
इस दवा का एक और याद रखना है आपको, सिलिशिया मैंने बोल दिया है, वैसे भी रिपीट कर रहा हूँ कि व्यक्ति फंस गई हो किसी भी कारण से, कॉन्स्टिट्यूशन बहुत हो गया, रिलीज नहीं हो रहा था, करिए। मैं अभी अभी मैं एक किस्सा सुनाता हूँ। दो तीन दिन पहले मेरे पास एक फोन आया, हमारे बहुत अच्छे कार्यकर्ता है, सहयोगी है, औरंगाबाद में रहते हैं, बिहार में, उनका एक छोटा बच्चा है, उसको यही कंडीशन हो गई, बड़ी आंख उसकी ट्विस्ट हो, अब कट्टी नहीं उतर रही, चार दिन हो गया। वो औरंगाबाद के सब डॉक्टरों के पास ले जा चुके थे, फिर मुझे फोन किया, डॉक्टर कहते हैं आप तो बड़ी आंख काट के निकालनी पड़ेगी, ऑपरेशन करना, पेट काटना, छह सात आठ साल का बच्चा। मैंने उनको कहा आप ले आओ पहले तो घर, डॉक्टर के चंगुल से उसको छोड़ा लो, तो डॉक्टर छोड़ नहीं रहा, पकड़ के बैठा, ऑपरेशन कर नहीं है। ऐसे डॉक्टर हैं आजकल आप देखो, माता पिता पेशेंट के कह रहे हैं जी हमको ले जाना है, कैसे ले जाऊं, ऐसा लगता है जैसे हॉस्पिटल नहीं वो जेल हो गए, कैसे ले जाओगे, नहीं ले जाने से। तो फिर उन्होंने झगड़ा किया, किसी तरह अपने बच्चों को छुड़ा के लाए, और डॉक्टर ने डराने के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर लगा दिया कि मरने वाला है। अब माता पिता बेचारे सीधे साधे, मैंने कहा बिल्कुल नहीं मरेगा, घर ले आओ, तो ले आए, मैंने कहा ये सिलिशिया दवा है खरीद लो, मिल गई, लाके मैंने कहा जीप पे डालो, तो डाल दी, दो ही बार डाली थी, तब तक फोन आ गया कि दादी भाई सब कट्टी निकल गई उसकी, पेंट में ही निकल गई उसकी, अभी एकदम ओके है, नॉर्मल है, दो ही मूड है। ऐसे बीसीओ केस होते हैं जब बहुत पीलिया हो जाता है ना जॉन्डिस, तब भी यही समस्या आती है, कॉन्स्टिट्यूशन जबरदस्त हो जाता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन का जितने भी क्रिटिकल केसेस हों, इस दवा ने सभी सॉल्व किए, और ये दवा आर्मी में बहुत यूज होती है, बहुत, क्योंकि सैनिक जो लड़ते हैं ना सीमा पर, गोलियां अक्सर लगती रहती है और फंस जाती है, बहुत इस्तेमाल होती है आर्मी हॉस्पिटल्स में, वो ऑपरेशन टेबल पर पहले लिटाएंगे, पहले ये दवा देंगे, तो गोली निकल के अपने आप ऊपर आ जाएगी, फिर उसको उठा के डाल देंगे। इस दवा ने आज तक किसी को धोखा नहीं दिया, साइड इफेक्ट कोई नहीं है इसका, क्योंकि ये बनती है बालू से, बालू माने नदी के तले पर। हम व्यसन छोड़ना चाहते हैं, छूटता नहीं है। बहुत लोग मुझे ये कहते हैं कि बार बार हमें मालूम है कि ये गुटखा खाना अच्छा नहीं है, लेकिन तलब उठ जाती है, क्या करें। बार बार लगता है कि ये बीड़ी सिगरेट पीना अच्छा नहीं है, लेकिन तलब हो जाती है, तो क्या करें। हमें मालूम है कि शराब पीना अच्छा नहीं है, लेकिन तलब आ जाती है, तो क्या करें। तो आपको बीड़ी सिगरेट की तलब ना आए, गुटखा खाने की तलब ना लगे, तंबाकू खाने की तलब ना हो, शराब पीने की तलब ना हो, इसके लिए एक छोटा सा उपाय बताता हूं जो बहुत आसान है, आप आसानी से कर सकते हैं। पहला उपाय तो ये है कि जिनको बार बार तलब लगती है और जो अपनी तलब पर कंट्रोल नहीं कर पाते, नियंत्रण नहीं कर पाते, इसका माने उनका मन कमजोर है। और परम पूजनीय स्वामी जी कहते हैं कि मन को मजबूत बनाओ। मन को मजबूत बनाने का सबसे आसान तरीका है थोड़ी देर आराम से बैठ जाओ, जैसे मैं बैठा हूं, आलती पालती मार के, इसको हम सुखासन कहते हैं। आंखें बंद कर लो, दाहिनी नाक बंद कर दो और खाली बाईं नाक से सांस भरो और छोड़ो। खाली बाईं नाक से सांस भरो और छोड़ो, बाईं नाक से सांस भरो और छोड़ो, जिसको हम लोग चंद्र नाड़ी कहते हैं, उसको सक्रिय कर दो। जितनी ज्यादा सक्रियता आपके चंद्र नाड़ी की होती जाएगी, मन की शक्ति आपकी अपने आप बढ़ती चली जाएगी और आप इतने संकल्पवान हो जाएंगे, जो आसानी से कोई भी बात ठान लेंगे तो उसको बहुत आसानी से कर डालेंगे। ये एक तरीका है, बहुत आसान है, ये भी प्राणायाम का ही तरीका है। दूसरा एक तरीका है कि आपके घर में एक आयुर्वेदिक औषधि है जिसको आप सब जानते हैं और पहचानते हैं, हम उसका बहुत इस्तेमाल करते हैं लोगों का व्यसन छुड़वाने में, और उस औषधि का नाम है अदरक। अदरक हम सबके घर में है, इस अदरक के टुकड़े कर लो छोटे छोटे, उसमें नींबू निचोड़ दो, थोड़ा सा काला नमक मिला लो और इसको धूप में सुखा लो, सूरज की धूप में इसको सुखा लो। सूखने के बाद जब इसका पूरा पानी खत्म हो जाए, ये अदरक के टुकड़े हमेशा अपनी जेब में डाल के रखो। जब भी दिल करे
कि तंबाकू खानी है, गुटखा खाना है, बीड़ी सिगरेट पीनी है, तो आप एक अदरक का टुकड़ा निकालो, मुंह में डालो, उसका चूसने का काम शुरू कर दो। और ये अदरक ऐसी अद्भुत चीज है, इसको दांत से काटो मत तो सवेरे से शाम तक ये मुंह में आपके सुरक्षित रहता है। इसको चूसते रहो, आपको गुटखा खाने की याद ही नहीं आएगी, आपको बीड़ी सिगरेट पीने की तलब ही नहीं आएगी और दारू की तलब भी छूट जाएगी। बहुत आसान है, कुछ भी मुश्किल नहीं है। फिर से बता देता हूं, अदरक ले लो, छोटे टुकड़े कर लो, नींबू निचोड़ लो, फिर उसमें काला नमक मिला लो, धूप में सुखा लो, सुखाने के बाद वो तैयार हो गया। तैयार होके इसको जेब में रखो, पुड़िया बना के रखो, डिब्बी में रखो, जैसे भी है जेब में रखो। जब दिल में तलब उठे बीड़ी पीना, सिगरेट पीना, दारू पीना, गुटखा खाना, एक गुटखा माने एक टुकड़ा इस अदरक का निकाल के जीभ पे रखो, चूसना शुरू कर दो। जैसे ही वो रस आपके लार में घुलना शुरू हो जाएगा, आप देखना इसका चमत्कारिक असर होगा। आपको फिर गुटखा, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, दारू याद ही नहीं रहेगी। सवेरे से शाम तक चूसते रहो, और जो दो चार, दस दिन, पंद्रह दिन, बीस दिन लगातार कर लिया, तो हमेशा के लिए व्यसन आपका छूट जाएगा। आप बोलेंगे ये अदरक में ऐसी क्या चीज है? ये अदरक में एक रासायनिक तत्व है, जिसको हम रसायन शास्त्र की भाषा में, केमिस्ट्री में कहते हैं सल्फर। अदरक में सल्फर बहुत अधिक मात्रा में है। जब हम अदरक चूसते हैं तो वो सल्फर है जो अदरक का निकल के हमारी लार के साथ मिलके अंदर जाने लगता है। और ये सल्फर जब खून में घुलने लगता है, तो ये सल्फर कुछ ऐसे शरीर में हार्मोन्स को, कुछ ऐसे अंदर अंतःस्रावी ग्रंथियों को सक्रिय कर देता है, जो व्यसन नहीं करने के लिए आदमी को प्रेरित करती है। जो विज्ञान की रिसर्च है आज तक सारी दुनिया में, वो ये कहती है कि कोई भी आदमी व्यसन के अधीन जब जाता है, तब जब सल्फर की मात्रा उसके शरीर में बहुत कम हो जाती है, तो उसको बार बार तलब लगती है, बीड़ी की, सिगरेट की, गुटखे की, तंबाकू की। तो सल्फर की मात्रा आप पूरी कर दो बाहर से, ये तलब खत्म हो जाती है। इसका मैंने हजारों लोगों पर परीक्षण किया है और बहुत अच्छे सुखद परिणाम है। बड़ी आसानी से बिना किसी खर्चे के शराब छूट जाती है, बीड़ी सिगरेट गुटखा आदि आदि सब छूट जाता है। तो आप इसका उपयोग कर लो। और इसका एक दूसरे उपयोग का तरीका बताता हूं। अदरक के रूप में सल्फर हमारे प्रकृति ने हमको भरपूर मात्रा में दिया है, बहुत सस्ता है। इसी सल्फर को होम्योपैथी की दवा के दुकान पे भी आप प्राप्त कर सकते हैं। आप कोई भी होम्योपैथी दवा की दुकान पे चले जाओ और उस दवा बेचने वाले विक्रेता से ये कहो कि मुझे सल्फर नाम की दवा दे दो, वो दे देगा आपको, एक छोटी सी शीशी में भर के दे देगा। और सल्फर नाम की दवा होम्योपैथी में पानी के रूप में आती है, प्रवाही रूप में आती है, जिसको हम लोग डाइल्यूशन कहते हैं अंग्रेजी में। तो ये पानी जैसी आएगी, दिखने में ऐसा ही लगेगा कि जैसे ये पानी है, वो दवा एक छोटी शीशी में ले लो। 5 मिलीलीटर दवा की शीशी 5 रुपए में आती है, और उस दवा का एक बूंद जीभ पे डाल लो सवेरे सवेरे खाली पेट, फिर अगले दिन और एक बूंद डाल लो सवेरे सवेरे खाली पेट, और तीसरे दिन एक बूंद डाल लो सवेरे सवेरे खाली पेट। बस 3 बार अगर आपने एक एक बूंद डाल ली, तो 50-60% लोगों की दारू, बीड़ी, सिगरेट तो 3 खुराक में ही छूट जाती। और जो ज्यादा पियक्कड़ हैं, हाँ ऐसे भी है ना, जिनकी शाम बिना पिए गुजरती ही नहीं, उसके बिना तो उनका काम चलता ही नहीं, तो उनको ये निवेदन है कि ये सल्फर नाम की दवा को हर हफ्ते एक बार ले लिया करें। आज ले लिया, 5-6 दिन बाद फिर ले लिया, फिर 5-7 दिन बाद ले लिया, हफ्ते में एक एक बार लेते जाएं, तो 1.5-2 महीने में बड़े बड़े पियक्कड़ों की दारू छूट जाती है। मैंने ऐसे ऐसे लोगों की दारू छुड़वाई है जो सवेरे सोकर उठने से पीना शुरू करते थे और रात तक सोने तक पीते रहते थे, उनकी भी दारू छूट गई है। बस इतना ही है कि 2-3 महीने का समय लगा है। तो ये सल्फर दवा अदरक में भी है, बाजार में मिलती है, होम्योपैथी की दुकान पे। अब इस दवा को जब आप खरीदोगे, तो दुकानदार आपसे एक सवाल पूछेगा, वो पूछेगा कितनी ताकत की दवा दूं, कितनी पोटेंसी की दवा दूं।
तो जब आप लेना इस सल्फर को तो उस दुकानदार से कह देना 200 ताकत की दे दो, 200 पोटेंसी की दे दो, सल्फर 200, यही उसका पूरा नाम है, 200 संख्या है, सल्फर दवा का नाम। तो ये सामान्य रूप से बीड़ी सिगरेट शराब दारू वगैरह वगैरह के लिए काफी है। और जो ज्यादा पीने वाले हैं, बहुत ज्यादा जिनकी दारू है, तो उनके लिए यही सल्फर की 1000 ताकत की दवा ले लेना, 1000 पोटेंसी की। तो सल्फर 200 और सल्फर 1000। और अगर आप सब ग्राम रक्षा समिति की तरफ से एक बोतल खरीद लो, इसकी बहुत सस्ती आती है, ऐसे खरीदोगे तो 5 रुपए में 5 मिलीलीटर है, और बड़ी बोतल खरीद लो 250 मिलीलीटर की या 450 मिलीलीटर की, वो 150-200 रुपए की आती है। और एक बोतल सल्फर दवा में 10,000 लोगों की शराब आसानी से छूट जाती है, मात्र एक बोतल में। और वो बोतल कितने की है? 225-250 रुपए की, और 10,000 लोगों के लिए वो काम आ जाती है। और कभी कभी इस दवा को और अच्छे तरीके से इस्तेमाल करना हो तो एक बूंद सल्फर को पानी में डाल देना, जो पीने वाला पानी है, और वो पानी जो शराबी लोग हैं, जो पियक्कड़ लोग हैं, जो व्यसन करने वाले लोग हैं, उनको पिला देना, ये पानी में और अच्छे से काम करती है। कई बार तो मैंने ऐसा भी किया है कि एक बाल्टी पानी ले लिया, उसमें एक बूंद डाल दिया, अब वो पूरा पानी ही दवा हो गया, उसमें से एक एक चम्मच पिला दिया लोगों को, तो भी व्यसन उनके छूट जाते हैं। तो एक बता दिया मैंने आपको, अदरक उसका इस्तेमाल करना है व्यसन छोड़ने के लिए, और दूसरा बता दिया मैंने आपको सल्फर जो होम्योपैथी में है, एक 200 ताकत की, एक 1000 ताकत की। और पहली बात जो सबसे पहले मैंने बताई कि मन को थोड़ा मजबूत कर लो, तो बाई नाक से सांस लेना, बाई नाक से सांस निकालना 5 मिनट रोज सुबेरे भी अगर आपने कर लिया, तो आपके जीवन से सब तरह की कमजोरी मन की खत्म हो जाएगी और व्यसन छोड़ना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। कभी भी किसी को मजाक नहीं करना। जैसे आप किसी को व्यसन मुक्त बनाना चाहते हैं, वो व्यक्ति बहुत दारू पीता है, ठीक है पीता है, अभी उसका कोई कमजोरी है जिसके कारण वो पीता है, तो उसको दारू से बाहर निकालना ये हमारा कर्तव्य है, लेकिन कभी उसके लिए टीका नहीं करना, टिंगल नहीं करना, उसका मजाक नहीं करना। क्योंकि जैसे ही आपने टीका किया, टिंगल किया, तो आपका सारा काम व्यर्थ। उसको ये मान के कोशिश करना कि इसको कोई बहुत बड़ी कमजोरी है शरीर में। देखिए व्यसन जब आता है ना शरीर में, तो शरीर की कमजोरी से आता है, दुर्गुण वो नहीं है। बहुत लोग कहते हैं कि ये व्यसन करता है इसलिए इसमें गुण कम है, गुण की कमी नहीं होती है, वो व्यक्ति को शरीर में कुछ कमजोरी आती है। कमजोरी क्या आती है? सभी व्यक्ति के शरीर में कुछ रसायन होते हैं, कुछ धातुएं होती है, उनमें से कोई एक दो रसायन कम हो गए, कोई एक दो धातुएं कम हो गई, तो व्यक्ति दारू पीना शुरू कर देगा, बीड़ी पीना, सिगरेट पीना, मावा खाना शुरू कर देगा। वो सामान्य रूप से मैंने जो शोध किया है वो ये कि सभी दारू पीने वाले लोगों के शरीर में एक केमिकल, एक रसायन की बहुत कमी आ जाती है, वो रसायन का नाम है सल्फर। हिंदी और मराठी में कहते हैं गंधक, अंग्रेजी में कहते हैं सल्फर। हमारे शरीर में 16 तरह की धातुएं और रसायन हैं, कैल्शियम है, पोटेशियम है, मैग्नीशियम है, सोडियम है, सल्फर है, आयरन है, सिलिकॉन है, कोबाल्ट है, ऐसी 16 धातुएं और रसायन होते हैं। इनमें से कोई एक धातु या एक रसायन कम हुआ और दूसरा जास्ती हुआ तो व्यसन की स्थिति बनती है। लोग जब व्यसन शुरू करते हैं ना, तो हर बार ऐसा नहीं होता कि मजे में करते हैं, मौज में करते हैं, ऐसा हमेशा नहीं होता। अगर 19 वर्ष की उम्र के पहले कोई व्यक्ति व्यसन शुरू करता है तो मान सकते हैं कि वो मजे के लिए कर रहा है। उसके बाद की उम्र का कोई व्यक्ति अगर व्यसन शुरू करता है तो जानने की कोशिश करो, कोई एक रसायन शरीर में बहुत कम होगा, और जब तक उस रसायन की पूर्ति नहीं होगी तब तक वो व्यसन मुक्त भी नहीं हो। उसमें होगा क्या, शुरू में आपने उसको समझाया, एक दो दिवस समझ गया, फिर कुछ दिन चुपके से जाके पी के आएगा, आपको बताएगा भी नहीं, और फिर आपको पता चला, आप बोलोगे यार तुमने फिर पी लिया, तो उसने कहा क्या करूं, मन नहीं मानता, शरीर नहीं मानता। वो मन मानता इसलिए नहीं है कि वो दारू के मदद से उसको वो रसायन की तात्कालिक पूर्ति होती है, शरीर उसकी मांग करता है, शरीर कहता है इसको पियो, इससे तुम्हारी ये कमी पूरी होती है, लेकिन वो होती तात्कालिक है, परमानेंट नहीं है। तो ऐसे व्यक्ति को कोई औषध अगर दे दी जाए जो उसके रसायन की पूर्ति कर दे,
तो जीवन पर्यंत वो व्यसन मुक्त हो सकता है। अब वो क्या रसायन है वो जानना थोड़ा चिकित्सा विज्ञान का काम है। मैं इस पर थोड़ा शोध करता हूँ। चाय कॉफी जो लोग पी रहे हैं उनके शरीर में आर्सेनिक नाम के रसायन की बहुत कमी आती है, इसलिए वो बार बार चाय कॉफी। शराब पीने वालों को सल्फर गंधक की बहुत कमी आती है शरीर में, इसलिए बार बार शराब पीते हैं। बीड़ी पीने वाले, सिगरेट पीने वाले और हुक्का पीने वाले, इनको शरीर में फॉस्फोरस की बहुत कमी आती है, इसलिए वो बहुत बार उसको पीते हैं। ऐसे 16 रसायन है, जिसकी भी कमी आएगी उसकी पूर्ति करने के लिए शरीर उसको प्रेरित करेगा, फिर जाकर वो पिएगा। तो ऐसी परिस्थिति है। तो आप अगर इसको समझ सकते हैं तो ये ध्यान रखिए कि कोई व्यक्ति अगर व्यसन कर रहा है तो उसके शरीर की कोई बड़ी भारी कमजोरी है या उसके शरीर में कोई बहुत बड़ी कमी है जिसके चलते वो ऐसा कर रहा है। कमी दूर हो जाए तो वो नहीं करेगा। तो इसलिए मैंने आपसे कहा कि कभी भी आप किसी भी व्यक्ति की जो इस तरह के व्यसन में फंसा हुआ है, टीका नहीं करना, मजाक नहीं करना, हंसी खिल्ली नहीं करना उसकी, क्योंकि वो उसकी कोई बड़ी कमजोरी है। वो जानबूझ के कई बार ऐसा नहीं करता है, कोई बड़ी कमजोरी के तहत करता है। तो भारत में 23 लाख संत हैं, 23 लाख इस देश में संत हैं, 23 लाख से भी जास्ती हैं, 23,80,000 और कुछ सब में भी होंगे, ये सरकार के आंकड़े हैं। इतने साधु संत हैं, महात्मा हैं, और 107 कोटी का भारत है। अगर ये कर लेते तो भारत में इतना भ्रष्टाचार, इतना अनाचार, इतनी व्यसन क्यों होती? तो साधु संत दूसरे को नहीं सुधारते, वो अपनी सेवा कराते। उनको अहंकार इस बात का है कि वो समाज को सुधारना कर रहे हैं, वो कोई समाज को सुधारना नहीं करते। ये बात मैंने बहुत बड़े बड़े संतों को कही है उनके मुंह पर कि आप तो अपनी सेवा करा रहे हैं, आपको अहंकार है कि आप समाज के लिए कर रहे हैं, समाज आपके लिए कर रहा है, आप समाज के लिए कुछ नहीं कर रहे। तो आप में से किसी को साधु होने का नहीं है, ध्यान रखना इस, संत भी होने का नहीं है, संत और साधु कहलाने की भी जरूरत नहीं है। हम सामाजिक कार्यकर्ता हैं और हमारा स्थान बहुत ऊंचा है, क्योंकि हम समाज में रहते हुए कोशिश कर रहे हैं समाज को मदद करने की, अपना भी कल्याण कर रहे हैं दूसरे का। और ये जो साधु संत होते हैं वो हिमालय में चले जाते हैं, वो अपनी तपस्या करके अपना कल्याण करते हैं, देश का नहीं। तो इसलिए मैंने आपको कहा कि अगर आपने घर बनाया है, परिवार बनाया है, पत्नी है, बच्चे हैं, तो कभी भी ध्यान में ये नहीं लाना कि छोड़ के जाने का, कोई कुछ नहीं कर पाता। मैंने बड़े बड़े संतों को देखा है जिन्होंने घर छोड़ दिया वो और परेशान है। हाँ, तो मैं कहता हूँ नहीं छोड़ते तो अच्छा था, क्योंकि इधर से भी गए उधर से भी गए, दोनों तरफ से गए। तो इसलिए मैं आपको ये कहता हूँ कि आपने घर बसाया, परिवार बसाया, घर संसार चलाते हैं, दुकान चलाते हैं, बिजनेस करते हैं, धंधा करते हैं, सर्विस करते हैं, खेती करते हैं, जो करते हैं वो ईमानदारी से करते करते ये करने का है। उसको छोड़ छाड़ कर कुछ जास्ती करेंगे ये कभी नहीं करेंगे। ये आपका जो अध्यक्ष है ना, ये बहुत बार मुझे कहते हैं राजीव भाई नौकरी छोड़ने का है। मैं कहता हूँ बिल्कुल नहीं छोड़ने का। पूछो इनको कितनी बार बोला है कि मैं नौकरी छोड़ता हूँ, अभी अगले साल संपूर्ण काम करता हूँ। मैं बार बार एक ही बात कहता हूँ कि नहीं छोड़ने का, क्योंकि मैं जानता हूँ जिन्होंने सब छोड़कर काम किया बहुत परेशान हो। इसलिए समाज के बीच में रह के हमें करना है, परिवार के बीच रह के करना है। और अगर आप परिवार समाज में रह के करते हैं तो बहुत तारीफ की बात है, सब छोड़ के तो आपके पास कुछ है ही नहीं करने। उच्च रक्त दबाव ये बहुत है गांव गांव में। उच्च रक्त दबाव होता क्या है, आप सीधे से सरल भाषा में मैं समझाता हूँ कि आप किसी का नाड़ी परीक्षण कर सकते हैं, देख सकते हैं, नहीं तकलीफ आती है। चलो ठीक है, ऐसा करना कि किसी भी व्यक्ति को अगर ये शिकायत है कि मुझे धाप बहुत लगती है, सांस बहुत तेज चलती है, थोड़ा भी चलता हूँ तो बैठना पड़ता है, घाम बहुत आता है, पसीना बहुत आता है, मन में तनाव रहता है, झोंक नहीं आती, ये जितनी भी शिकायत वो करेगा तो समझ लो उसको हाई बीपी। अब नाड़ी का ये है कि आप पकड़ सको तो फिर देखो उसको, एक मिनट में अगर उसकी नाड़ी 80 के ऊपर निकल गई तो उच्च रक्त दबाव बहुत है, 72 से 80 के बीच में है तो उच्च रक्त दबाव होने की तैयारी है, और 72 और उसके आसपास है 74 तो स्वस्थ, 72-74 के आसपास, 74 तक हो तो चलेगा एक मिनट में स्वस्थ व्यक्ति का 60 वर्ष तक। बच्चों का तो बहुत ज्यादा होता है, 80-85-90 तक होता है, कभी कभी 100 भी होता है। तो बच्चों के लिए नहीं बात कर रहा हूँ, अभी बड़ों के लिए बात। तो उच्च रक्त दबाव है ये पता चल जाएगा। ऑप्टिमम लेवल जो है 80 तक अगर है एक मिनट में,
तो आप समझ लो कि उच्च रक्त दबाव लगभग किनारे पर है, शुरू हो सकता है, 80 के ऊपर है तो बिल्कुल पक्का है। अब उच्च रक्त दबाव है ये तो समझ में आया, उच्च रक्त दबाव होता क्या है वो भी समझ लो। हमारा जो हृदय है ना, ये शब्द जिससे बना हृदय, उससे हृदय बना, हृ माने लेना, संस्कृत शब्द हृ, और दय माने देना, लेना देना, लेना देना, यही धंधा करता है हृदय। क्या लेता है? रक्त को लेता है फिर वापस देता है, रक्त को लेता है फिर वापस देता है। फिर रक्त लेते समय दबाव पड़ता है, फिर रक्त को देता है तब भी दबाव पड़ता है। तो रक्त लेते समय जो दबाव पड़ता है वो नीचे का रक्त दबाव कहते हैं, एक सिस्टोलिक होता है एक डायस्टोलिक होता है। तो नीचे वाला है लेते समय और ऊपर वाला है देते समय। रक्त जहां से वो लेता है धमनियों से, तो धमनियों पे दबाव आता है, और जब देता है तब भी उन्हीं पे दबाव आता है। तो एक मिनट में 72 बार वो लेना देना करता है। अगर 72 से ज्यादा बार कर रहा है तो उच्च रक्त दबाव की तरफ गया, और 72 से कम कर रहा है तो निम्न रक्त दबाव की तरफ गया। अब जिनको उच्च रक्त दबाव है उनकी औषध यही है, मैथी गुण सबसे अच्छी औषध है, इससे अच्छी कोई नहीं, उच्च रक्त दबाव। करीब प्रमाण गई 2 चम्मच भी 1 गिलास पानी, सबसे अच्छी औषध। लेने की पद्धत बता दिया, सुबह लेना है खाने पे। इसके साथ मदद करने वाली एक औषध है जो मदद करेगी, वो है दूधी भोपले का रस। दूधी भोपला, दूधी भोपले का रस अगर इसके साथ लेंगे तो उच्च रक्त दबाव बहुत जल्दी ठीक होगा, हाई ब्लड प्रेशर नहीं। दूधी भोपले का रस हमेशा भोजन से 1 तास पहले, मात्रा कम से कम 1 गिलास दूधी भोपले का रस। और जब रस निकालेंगे ना भोपले का, तो छिलका उतारना नहीं, छिलके सहित पानी नहीं मिलाना, बिल्कुल नहीं, सीधे रस मिक्सर में डालिए, रस निकलेगा वही पीना, क्योंकि भोपला में वैसे ही बहुत पानी होता है, 80% तो पानी है। गुड़ नहीं, कुछ भी मिलावट नहीं चलेगा। ज्यादा से ज्यादा कुछ मिलाना हो तो काली मिर्च मिला सकते हैं, मिर्च, और कुछ नहीं मिला सकते, मीट भी नहीं, गुड़ भी नहीं। हुआ उच्च रक्त दबा। इसकी एक ही सबसे अच्छी औषध है स्वयंपाक घर में मेथी भी, मदद करने के लिए दूधी भोपले का रस, दोनों साथ लेंगे जल्दी ठीक होता। और जिनको उच्च रक्त दबाव है ना उनका भी पथ्य वही है जो डायबिटीज का पथ्य, दूध और दूध की बनी कोई चीज नहीं खाना। हाँ अब बता रहा हूँ उसके आगे, पथ्य वही है, दूध और दूध की बनी चीजें नहीं खाना। होम्योपैथी बहुत औषधि है, कम से कम 100 है, तो आप उस 100 में कंफ्यूज हो जाएंगे, एक लक्षण में एक काम करेगी, दूसरे में एक काम करेगी, तीसरे में एक काम करेगी। अब उच्च रक्त दबाव है, पानी की प्यास बहुत है तो ब्राइनिया, उच्च रक्त दबाव है पानी की प्यास नहीं तो बेलाडोना, उच्च रक्त दबाव है पानी की प्यास सामान्य है तो नक्सवोनिका, इसमें 100 औषधि। इसलिए वो बताते मैं फंसाना नहीं चाहता आपको, आपको सीधी औषध बताई है, मैं थी भी जिसमें कुछ सोचने का ही नहीं है, और दूधी भोपले का रस कितने दिन, कम से कम 3 महीने, ये जितनी आयुर्वेद औषधि है ना बराबर इनको 3 महीने तक लेना अच्छा है, किसी भी रोग में, कावीण को छोड़कर। कावीण एक ऐसा रोग है जिसमें 8-10 दिन से ज्यादा औषधि नहीं लेना चाहिए, बाकी सभी में ले सकते। अभी निम्न रक्त दबाव, निम्न रक्त दबाव की सबसे अच्छी औषध है काकवी, काकवी गुड़ देख लो ना, 1 मिनट में अगर 72 से बहुत कम है हृदय की धड़कन तो निम्न रक्त दबाव। निम्न रक्त दबाव वाले को भी चक्कर बहुत आते हैं, कमजोरी बहुत लगती है, लेता रहता है तो भी कहता है मुझे बहुत कमजोरी लग रही है, काम नहीं करता फिर भी कहता बहुत कमजोरी हो रही है, तो निम्न रक्त दबाव। तो काकवी जो है ना पानी में मिला के पीना, 1 चम्मच काकवी 1/2 गिलास पानी, 2 चम्मच काकवी 1 गिलास पानी, गुड़ भी पी सकते हैं, और सबसे अच्छा होता है कॉफी। तो पूछ लो आप शाकाहारी हो कि मांसाहारी, अगर वो शाकाहारी है तो मत पिलाओ, कॉफी में खून नहीं है चाय में है, कॉफी पिलाओ उसको। निम्न रक्त दबाव की सबसे अच्छी औषध कॉफी, चाय नहीं, रोज चाय हो कॉफी हो,
लेकिन वही चीज औषध के रूप में वो लेता है तो इसको ठीक होने के लिए लगता है। अगर निम्न रक्त दबाव हो तो शुगर कम या बिल्कुल ना के बराबर तो अच्छा होता है। और निम्न रक्त दबाव वालों को कॉफी में दूध भी नहीं डालना चाहिए, स्ट्रांग कॉफी पीनी चाहिए। चाय भी औषध है निम्न रक्त दबाव की, लेकिन बस उसमें यही है कि वो शाकाहारी लोगों के लिए नहीं है, वो चाय हो कॉफी हो। लेकिन वही चीज औषध के रूप में वो लेता है तो उसको ठीक होने के लिए लगता है। हाँ, अगर निम्न रक्त दबाव है तो शुगर कम या बिल्कुल ना के बराबर तो अच्छा होता है। और निम्न रक्त दबाव वालों को कॉफी में दूध भी नहीं डालना चाहिए, स्ट्रांग कॉफी पीनी चाहिए। चाय भी औषध है निम्न रक्त दबाव की, लेकिन बस उसमें यही है कि वो शाकाहारी लोगों के लिए नहीं है। मांस खाने वालों को चाय भी औषधि है निम्न रक्त दबाव का। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। डायबिटीज हुआ, उच्च रक्त दबाव हुआ, निम्न रक्त दबाव, वो तो ऑपरेटर से है तो मैं अभी दिखाता हूँ करके कैसे नापते हैं। है कोई डॉक्टर? ब्लड प्रेशर चेक करने का यंत्र है तो मान के लाओ देगा, या उससे बोलो, डॉक्टर को बोलो कि सबको सिखाने का है। आजकल क्या हुआ है, एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण आ गया है, मुश्किल से एक सवाल से ऊपर का आता है तो वो एकदम सीधे बताता है, डिस्प्ले सीधे आ जाता है। आप उसको लगाओ, पट्टी बांधो और पंप करो हवा तो वो सीधे बता देता है कि आपका उच्च रक्त इतना है दबाव, निम्न रक्त दबाव, एक ही सेकंड में बता देता है। तो वो आप चाहो तो खरीद के घर में रख लो, 125 रुपए का है। वो यही कहते हैं ब्लड प्रेशर नापने का यंत्र, बीपी ऑपरेटस कहो उसको, ऑपरेटस यंत्र, ब्लड प्रेशर नापने का यंत्र। उसमें ऊपर लिखा रहता है एक डायस्टोलिक माने हाई, सिस्टोलिक लो, ऐसा उसमें लिख के आता है 72 से 74 सामान्य है। नहीं वो मत जाइए उसमें, 90 का कैलकुलेशन मत करिए, इसमें कंफ्यूजन होगा। आप सीधे नाड़ी की गिनती करिए, एक मिनट में 72, 74, 75 तक है तो सामान्य है, 80 के ऊपर है तो हाई है और 72 के नीचे है तो लो है। नाड़ी गिन लीजिए, ये सबसे सरल है, यंत्र से भी सरल है। और यंत्र कई बार खराब हुआ तो धोखा देता है, नाड़ी किसी की धोखा नहीं देते। तो नाड़ी पकड़ना सीख लीजिए, धीरे धीरे अपना पकड़ते रहिए। पहले तो आपको तलाशने में तकलीफ आएगी, है कहाँ, तो कभी यहाँ रख के देखिए, कभी यहाँ रख के देखिए। सामान्य रूप से ये है, मैं जहाँ हाथ रखा हूँ, 3 उंगली मेरी रखी है, ये जगह पर सबकी नाड़ी है, राइट की ही देखनी चाहिए। ये है देखिए, मेरी उंगली यहाँ रखी है, आप खुद टच करके देखिए ना, पंपिंग है रही है वही आपकी। तो इसको गिन लीजिए, सरल माहिती दे रहा हूँ, ये कभी झूठ नहीं बोलते। पेशेंट झूठ बोलेगा, ये नहीं झूठ बोलते। हाँ तब नहीं, 10 मिनट बैठने दीजिए, फिर उसको कहिए कि आप दिखाओ। तो अगर आपने ये देख लिया 72 से 75 है तो सामान्य, 80 के ऊपर तो हाई ब्लड प्रेशर, 72 के नीचे तो लो, बढ़ जाता है। घबरा रहा है तो वो खुद ही बताएगा, नहीं मिला, नहीं मिला, ये है, ये जो दिख रहा है ना, ये हर एक को है ये। तो आप जो है नाड़ी से देख के चेक करेंगे ना तो धोखा नहीं आता, लेकिन वो इंस्ट्रूमेंट धोखा देता है, कई बार खराब हो गया तो 320 बीपी दिखा देता है, 320 में आदमी मर जाता है, लेकिन वो दिखा देता है कि आपका 320 है। अभी मेरा हुआ था बंबई में, मैं मेरे दोस्त के घर में बैठा था, वो डॉक्टर है, तो उसने नया नया लाया, उसने कहा राजी भाई मैं खरीद के लाया, अभी मैंने कहा चलो मैं मेरा चेक करता, तो मैंने मेरे को लगाया तो हाई बीपी मेरा 320 आया, आना चाहिए 140, आ गया 320। अब बोले कहा यार क्या हो रहा है तुमको, अभी एडमिट करना पड़ेगा आईसीयू। मैंने कहा तुम चुपचाप बैठो, मुझे कुछ नहीं हो रहा। तो फिर कह लगा कैसे, मैंने कहा पल्स देखो मेरी, तो पल्स निकाला तो 74। तो मैंने कहा अभी समझ में आया, ये इंस्ट्रूमेंट गलती कर देता है, नाड़ी कभी गलती नहीं करती, तो इसलिए नाड़ी देखना सबसे अच्छा है। आगे अभी आज अगर हमको कोई रोग है या हमारे गांव के लोगों को कोई रोग है तो उसकी औषध कैसे करना, चिकित्सा कैसे करना, किस रोग में क्या औषध देना, ये आज मैं बताने वाला हूँ।
और इसमें उन्हीं रोगों को मैं बताने वाला हूं जो गांव में बहुत होते हैं, क्योंकि आपको वही रोगों से दो चार होना पड़ेगा। और मैं जो बताऊंगा वो ऐसी चिकित्सा है जो कोई भी व्यक्ति अपने घर से करे, उसके लिए भी बाजार नहीं जाना पड़े उसे, ऐसी चिकित्सा। होम्योपैथी में दो चिकित्साएं होती हैं, एक तो होती है रसायन और द्रव्य चिकित्सा। रसायन और द्रव्य चिकित्सा में जितनी भी औषधि है वो आप घर में नहीं बना सकते, वो बाजार से ही लानी पड़ती है। उसमें स्वर्ण भस्म लगती है, चांदी की भस्म लगती है, पारे की भस्म लगती है, कई तरह की पिष्टी लगती है, मोटी पिष्टी लगती है कई तरह, तो ये घर में संभव नहीं है। तो इसलिए आयुर्वेद की वो चिकित्सा मैं किसी को नहीं बताता, क्योंकि वो कर नहीं सकते। करेंगे तो कहीं पुणे जाना पड़ेगा, बम्बई जाना पड़ेगा, औषध लानी पड़ेगी, औषध भी बहुत महंगी है। तो इसलिए आयुर्वेद की दूसरी चिकित्सा है जड़ी बूटी चिकित्सा, पेड़ पौधों से होने वाली चिकित्सा। वो सब गांव में संभव है, क्योंकि हर गांव में सभी तरह के पेड़ पौधे हैं और उससे वो चिकित्सा हो सकती है। तो उसके लिए क्या क्या रोग और क्या क्या चिकित्सा हम करें वो बताऊंगा, और थोड़ी कुछ होम्योपैथी औषध का भी बताऊंगा जो आपके बहुत काम आए। अगर आपने वही करना शुरू कर दिया तो आपका लोग सम्मान करने लगेंगे, आपका सम्मान हो गया तो फिर आपके सब काम होंगे, वो चिकित्सा इतनी अच्छी है। तो मैं एक एक रोग से शुरू करता हूँ। सबसे खराब रोग जो गांव-गांव में इस समय है, बहुत गांव में है, पहले वो रोग शहर का माना जाता था, शहर के श्रीमंत लोगों में होता था, अब गरीबों में भी आ गया, वो रोग है डायबिटीज, मधुमेह। तो मधुमेह जो है, डायबिटीज जो है, इसकी चिकित्सा कैसे करना, स्त्री हो या पुरुष दोनों के लिए। मधुमेह की जो चिकित्सा है, जो स्वयं पाक घर से हम कर सकते हैं, उसमें तीन चीजें लगती है, मेथी भी, जामुन भी, जामुन और कारला, करेला, दोनों, हाँ पूरा कारला ही चाहिए। अब इसमें करना क्या है कि जामुन का भी खरीद लीजिए, या जिसको है उसको मिलता है तो बहुत अच्छा, तो जिसको भी डायबिटीज है उसको बोलने का भाई जामुन का भी लेने का। ऐसे ही कारला, कारला के अभी आजकल सीजन है तो दो चार किलो, पांच किलो, दस किलो तक खरीद के रख सकते हैं। छोटे टुकड़े उसके करना, उसके छोटे छोटे टुकड़े करना और धूप में सुखाना, सुखाने के बाद उसको पीसना, पीसने के बाद तो करला जो है ना, कारला उसको छोटे छोटे टुकड़े करना, धूप में सुखाना, खूब अच्छा सूखने के बाद पीसना आसान होता है तो पीस लेना, तो उसका पाउडर बन गया। तो जामुन भी का पाउडर, कारला पाउडर, दोनों बराबर मात्रा में मिलाना, 100 ग्राम ये तो 100 ग्राम वो, 200 ग्राम ये तो 200 ग्राम वो, 300 ग्राम ये तो 300 ग्राम, बराबर मात्रा में मिलाना, इसको डिब्बे में भर के रखना, और इसको भोजन के आधा घंटे के बाद या भोजन से आधा घंटे पूर्व इसको खाने का है। अभी इसको खाने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि जो जामुन के बी का पाउडर और कारला का पाउडर दोनों मिला लिया है, उसमें से एक चम्मच मुंह में डालना, एक चम्मच संप्रमाण, नहीं मेथी बाद में। तो ये जो जामुन के बी का पाउडर, कारला के बी का पाउडर, ये दोनों मिला लिया बराबर मात्रा में, अब इसको एक चम्मच मुंह में डालना और उसको मुंह में चूसना। सबसे अच्छा तरीका ये है, सुबह भोजन के या तो आधे घंटे पहले या तो आधे घंटे बाद, आधे घंटे बाद भी कर सकते हैं, आधे घंटे पहले भी कर सकते हैं। उसको दिन में दो बार जब भी भोजन करते हैं, या तो आधे घंटे पहले या, और अगर तीन बार भोजन करते हैं तो तीन बार, नाश्ता है तो नाश्ते के आधे घंटे या तो पहले या आधे घंटे बाद, भोजन के आधे घंटे पहले आधे घंटे बाद, तो ये मुंह में डालना, इसको चूसना, तो लार बनेगी, लार के साथ ही अंदर जाएगा तो सबसे अच्छा। और जो किसी को तकलीफ है तो ये पाउडर को गर्म पानी में मिला के पानी पी सकते हैं, यह एक तीसरा पद्धत है कि इसको मुंह में डालकर पीछे से भी गर्म पानी पी सकते हैं। अब मेथी भी मैंने बोला था, मेथी भी का क्या करने का है कि रात को मेथी भी पानी में भिगोना, दो चम्मच, एक गिलास पानी, कोमट होगा अच्छा है, गर्म हो और भी अच्छा है, उबाला हुआ पानी होगा तो सबसे अच्छा, ठंडे पानी में वो बराबर गलेगा नहीं और असर भी कम रहेगा। कोशिश करिए प्रमाण वो दो चम्मच एक गिलास पानी। अब ये आपने भिगो के रख दिया रात को, सवेरे इस मेथी बी का पानी पीना घूट घूट, और मेथी बी को चबा के खाना, ये तो सुबह सुबह करना है, खाली पेट, सुबह सुबह खाली पेट,
ठीक है। ये तीन उपाय हैं, अगर कोई भी करेगा लगभग 3 महीने में डायबिटीज ठीक करेगा। दोनों मेथी भी को सवेरे खाना खाली पेट और भोजन के आधा घंटे पहले या आधा घंटे बाद जामुन भी का पाउडर और करेला का पाउडर दोनों मिला के 1-1 चम्मच दोपहर और संध्या काले। हाँ, डायबिटीज में दो होते हैं, एक होता है डायबिटीज इम्पीटस, एक होता है डायबिटीज मेलिटस। इसमें प्रकार का मतलब ये है कि एक डायबिटीज है जो आनुवंशिक है, पिताजी को था, आई को था, बाबा को था, तो बेटे को भी हो गया, बाबा के बाबा को था, उनको हो गया, ये है आनुवंशिक, ये कभी भी ठीक नहीं होता। ये क्या है, कंट्रोल होता है, ठीक नहीं होता, आप इसको बोलोगे मोड़ से खत्म होगा, कभी नहीं होगा। इसलिए जिनको आनुवंशिक है उनको पूरी जिंदगी ये खानी पड़ेगी, जामुन की भी, करेले का पाउडर, मेथी। लेकिन जिनको आनुवंशिक नहीं है उनको ठीक होता है, आई बाबा को नहीं था और हमको हो गया है तो बराबर ठीक होता है। तो एक है आनुवंशिक, दूसरा है आनुवंशिक नहीं, तात्कालिक, एक को तात्कालिक कहते हैं, एक को आनुवंशिक कहते हैं। अब डायबिटीज क्या है ये जरा समझ लीजिए, आप रोग के बारे में अगर माहिती हो तो बहुत अच्छा है। वो ब्लैक बोर्ड आया क्या, एक चौक और ब्लैक बोर्ड ले आओ यार जरा, क्योंकि आपको ठीक से समझाना है, आप ठीक से समझ लेंगे ना तो दूसरे को समझा सकेंगे, और अगर समझ गया दूसरा आदमी तो इलाज अच्छा होगा, इलाज अच्छा होगा तो परिणाम अच्छे होंगे, तो आपका काम अच्छा होगा। ले आओ ले आओ, चौक भी है ना, इसको पूछिए दर्द कम हुआ, अभी शाम तक इसका बंद हो जाएगा, रुकना बिल्कुल, लेकिन फिर भी आप इसको एक एक्सरे करा लीजिए, ये दर्द तो अभी बंद हो जाएगा, मुश्किल से अभी 15-20 मिनट में दर्द पूरा बंद हो जाएगा। और अभी इसको अर्धा तास तक पानी नहीं पिलाना, कुछ भी नहीं, अर्धा तास नंतर यलप्पा यलप्पा ये दवा रख लो, इसका बच्चे का घर देख के आओ, इसका शाम को भी इसको यही दवा देनी है, जरा घर देख लो उसका जाके। तो हाँ, आ गया ब्लैक बोर्ड, आ गया, WBC माने व्हाइट ब्लड सेल्स, श्वेत रक्त कणिका, ठीक है। और उसको कारण को समझ में नहीं आता, क्यों नहीं आ रही है, सोने की कोशिश करता है, झोंक नहीं आती है, बेचैनी रहती है मन में, तो समझो डायबिटीज हो गया है। चौथा लक्षण इसका यह है कि उस व्यक्ति को कभी भी कोई चोट लग जाए तो जल्दी ठीक ही नहीं होती, घाव भरता नहीं जल्दी, चोट ठीक होती नहीं जल्दी, तो समझ लो कि उसको डायबिटीज है। और अगर उसको चोट लग जाए और रक्त शुरू हो गया निकलना तो रुकता नहीं जल्दी, रक्त प्रवाह सतत चालू रहता है, तो समझ लो डायबिटीज हुआ। ये 5 लक्षण से आप पता कर सकते हैं। ये कैसे पता चले, अगर शुगर लेवल बहुत हाई है तो वजन बहुत तेजी से कम होगा, वो कहेगा मेरा 1 ही महीने में 4 किलो वजन गिर गया, 5 किलो गिर गया, पता नहीं चलता क्या हो गया, तो समझ लो शुगर बहुत हाई है। और थोड़ी सी भी चोट लगे और बहुत ज्यादा रक्त निकल जाए भल 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 भल, तो समझ लो बहुत हाई डायबिटीज है, शुगर बहुत हाई। और बाकी सामान्य है तो बाकी 3 लक्षण आएंगे, पानी का प्यास सतत लगेगा, जल्दी से मुंह नहीं सूख, वो माने संतोष नहीं होता पानी पीने पे कभी भी, उसको लगता अभी पानी पिया फिर पीऊं फिर पीऊं फिर पीऊं। और सबसे अच्छा लक्षण है कि अगर वो लगनी के लिए जाता है, मूत्र के लिए जाता है, तो जैसे ही उसने मूत्र किया तुरंत कहीं से मोंगड़ी मोंगड़ी उसके मूत्र पे आ गए, तो समझ लो डायबिटीज पक्का है। लगनी किया तो उसके लगनी पे मोंगड़ी मोंगड़ी आ गए, तो समझ लो कि जबरदस्त डायबिटीज है। मोंगड़ी और मोंगड़ी तभी आते हैं लगनी पे
जब शुगर बहुत ज्यादा होती है, चक्कर आएगा। चक्कर आना जो है ना दोनों में होता है, हाई में भी होता है लो में भी होता है, लेकिन ज्यादा चक्कर बहुत आएंगे तो बहुत कम शुगर होगा। तो चक्कर आना इसका उल्टा है। अब ये तो हाई हो गया, अगर लो है शुगर बहुत कम हो गई है तो समझ लो चक्कर बहुत आएगा, घड़ी घड़ी चक्कर आएगा, खड़े होगा घूमेगा, वो कहेगा मैं बैठ जाऊं अभी गिर पड़ूंगा, कमजोरी बहुत आएगी उसको, तो वो लो है। सूझ आती है सबको नहीं, किसी को आएगी किसी को, सूझ में मत फंसिए, क्योंकि सूझ जो है ना कई बार लीवर से भी आती है, तो सूझ पे जाएंगे ना तो कंफ्यूजन होगा। जो परफेक्ट सिम्टम है वो यही है, चक्कर आना बहुत कम हो गया शुगर, और दूसरा अगर बहुत जास्ती है तो मूत्र किया लघवी किया तो मोंगड़ी मोंगड़ी आ जाएंगे, और वजन कम हो रहा है बिना किसी कारण, वो बोलता मेरे समझ में नहीं आता इतना खाना खाता हूँ फिर भी वजन कम होता जाता, भूख नहीं हो रही है ठीक से, जखम झाले नहीं, जखम होने पे भरता नहीं जल्दी, रक्त निकले तो बंद नहीं होता जल्दी, ये सब डायबिटीज। वो भी पता चलेगा, वो खुद ही कहेगा खूब जाड़ा है फिर भी कहेगा मेरा वजन कम हो गया 2 महीने में 3 महीने में, वो खुद ही कहेगा। डायबिटीज के पेशेंट को बराबर समझता है मेरा वजन कम हो गया। और एक सिम्टम और है वो मैं आपको बता दूं, कि जो भी ये शिकायत करे कि मैं मेरी पत्नी के साथ ठीक से नहीं रख पाता हूँ संबंध, तो समझ लो उसको या तो डायबिटीज है या होने की तैयारी है, क्योंकि डायबिटीज होने पर सबसे ज्यादा अशक्ति आती है और शारीरिक संबंध रखना बहुत ही तकलीफ होता है उसके लिए, हो ही नहीं पाता, नपुंसकता आ जाती है। डायबिटीज से सबसे तेज जो बीमारी आती है वो नपुंसकता आती है, इसलिए डॉक्टर जिनको भी डायबिटीज होती है कहता है शारीरिक संबंध बंद कर दो जब तक ये ठीक नहीं होता। अब उसमें क्या होता है कि कई बार लोग बताते हैं कई बार छुपाते हैं, स्त्रियों को भी ऐसे ही होता है, जो पुरुष को वो स्त्री को। वैसे कम शुगर है अगर आपको पता चल जाए, जैसे मैंने कहा ना चक्कर बहुत आ रहे हैं, तो ये औषध देने से पहले उसको एक परीक्षण कर लो, उसको बोलो कि जब चक्कर आते हैं तो गुड़ का पानी पी लो, गुड़ में पानी में गुड़ मिला के थोड़ा नींबू का रस मिला के थोड़ा नमक मिला के उसको बोलो पी लो, तो पीते ही वो कहता है मुझे बहुत अच्छा लगा, तो समझ लो उसको एकदम लो शुगर है, पीते ही अच्छा लगना चाहिए उसको, तो पक्का हो जाएगा कि लो। अगर लो है तो उसको बोलो यही पीते रहो दिन में 3-4 बार, उससे भी 3-4 महीने में ठीक हो जाता है। ये कुछ भी औषधि ना दें, लो को वो नहीं देना है जो पहले बताया, मेथी का भी नहीं देना उसको, करला नहीं देना है, जामुन का भी, वो हाई वाले के लिए है। लो वाले को सिर्फ ये देना है गुड़ पानी में मिला के नींबू का रस और थोड़ा मीट, उसको बोलो दिवस में 4-5 बार पियो, 6 बार पियो, मीट बहुत थोड़ा, मीट बहुत थोड़ा, नींबू जास्ते, गुड़ जास्ते और पानी अच्छा। उनसे कहो कि गुड़ रखो, क्योंकि ये शक्कर से ही तकलीफ आती है, उनको कहो गुड़ रखो, नहीं तो काक भी रखो, ठीक है। अब एक हाँ मेथी नहीं देना, तब और लो हो जाएगा, तब तो मर जाएगा बेचारा, इसलिए मेथी करेला और ये जो बोला मैं आपको जामुन का भी, ये हाई वाले को ही देना है, लो वाले को देना नहीं। आपको अगर शंका हो रही है कि इसको लो है कि हाई, तो मैंने कहा कंफर्म कर लो, ब्लड टेस्ट करे तो ठीक है, नहीं करे तो बिना ब्लड टेस्ट किए का बात बताता हूँ, उसको बोलो गुड़ का पानी पियो, नींबू डाल के मीठ डाल के और मुझे बताओ कैसा लगा, तो वो कहेगा यार बहुत अच्छा लगा, तो समझ लो उसको हाई नहीं है लो है। तो फिर जैसे हाई है तो वो नहीं देना, मेथी नहीं देना, ये नहीं देना, ये नहीं देना। हाँ ये दे सकते हैं लेकिन इसकी मात्रा कम करना, 2 या 1 गोली बहुत होता है, 3x, 6x, 12x तो उससे लगाने का कि वो आदमी को कितने दिनों से है, अगर तत्काल हुआ है तो 12x ठीक है, देर से है 8 साल हो गया 5 साल हो गया तो 3x ठीक है, और बीच का है तो 6x। अब इसमें जो महत्व की बात है डायबिटीज में, सबसे महत्व की बात पथ्य, अगर पथ्य पालन नहीं किया तो डायबिटीज कभी ठीक नहीं होता, पथ्य बहुत जरूरी है। तो पथ्य क्या है, दूध की बनी कोई भी चीज नहीं खाना, मैं बता रहा हूँ हाई शुगर जिनको है, शक्कर बहुत बढ़ी हुई है, कि दूध और दूध की बनी कोई चीज नहीं खाना, दही है, ताक है, तूप है, घर का भी अगर खाना हो तो शाही निकालना पड़े, उसकी शाही निकाल के 3 बार निकालना, एक बार उबाला तो शाही निकाला, फिर दूसरी बार उबालना, फिर शाही निकालना, फिर तीसरी बार पूरी निकालना, तब उसका दही बनाना, और वो दही का ताक बना के पी सकते हैं, दही भी नहीं, उनको ये औषध बिल्कुल बराबर ठीक कर देगी।
कभी बहुत हाई हो जाता है, कभी बहुत लो हो जाता है, उनके लिए ये औसत बराबर है। ये इनका मैं बताता हूँ क्यों खाता हूँ। पहले मैं सुन लो आप कि हम कभी भी डायबिटीज के किसी भी मरीज को कुछ भी बताएं, तब से बहुत जरूरी है बताना। उसको कहना है कि आप दूध और दूध की बनी सब चीज खाना बंद करो, मैंने तूप नहीं खा सकते, तेल ज्यादा नहीं खा सकते, तूकट ज्यादा नहीं खा सकते, तेल चुको हाँ, तूप अकेला नहीं, तूप के नीचे की कोई भी चीज मक्खन है, काट है, दही है, तूप नहीं भाई, तूप से नीचे सब, तूप और तूप से नीचे सब, दूध से जो भी बनता है वो तो बिल्कुल नहीं खा सकते, और शुगर माने शक्कर माने चीनी वो नहीं खा सकते, गुड़ खा सकते हैं, तूकट तो बिल्कुल नहीं, गुड़ खा सकते हैं, काकड़ी खा सकते हैं, शक्कर नहीं खा सकते, ये दो तथ्य बहुत जरूरी है। दूसरा तथ्य उसको है कि देर रात में वो खाना नहीं खा सकते जिनको भी डायबिटीज है, सूर्यास्त के पहले ही खाना होना उनका, सवेरे का खाना 8-9 बजे, शाम का 5-6 बजे, ये बहुत गलत नियम है हर डायबिटीज पेशेंट को। हाँ बिल्कुल नहीं, बाकी वो चाहे तो फल कोई भी खा सकते हैं, फल का रस ले सकते हैं, फल मीठा हो या खट्टा इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आम खा सकते हैं, केला खा सकते हैं, अनार खा सकते हैं, संतरा ले सकते हैं, मौसमी ले सकते हैं, फल कोई भी ले सकते हैं, मिठाई नहीं, मिठाई माने गुड़ वस्तु, शक्कर की तो बिल्कुल नहीं, लेना हो तो गुड़ की थोड़ी ले सकते, हाँ नहीं, फल की शुगर है वो कभी भी रक्त को पातला ही करती है, घट नहीं करती, वो जो कारखाने की बनी हुई शुगर है रक्त को घट नहीं करती, फल के अंदर जो शुगर है, फल का रस है ना उसमें भी शुगर है, सभी फलों में शुगर है, केले में है, आम में है, संतरे में है, चीकू में है, सभी मीठे गुड़ फलों में शुगर है, लेकिन वो शुगर रक्त को पातला रखती है क्योंकि वो भगवान की बनाई हुई है, वो शुगर कारखाने में आदमी की बनाई हुई है, वो रक्त को घट करते है। खड़ी शक्कर ठीक है, लेकिन खड़ी शक्कर बनती है ना तो उसमें कुछ केमिकल नहीं है, और इसमें केमिकल ही केमिकल नहीं, उससे नहीं, खड़ी शक्कर बहुत अच्छी औषध है, बिल्कुल नहीं रहता, बनेगी ही नहीं केमिकल से खड़ी शक्कर, केमिकल डालो तो शक्कर छोटी रह जाती है, बड़ा रह नहीं सकते, क्रिस्टल उसका टिकने का है तो बिना केमिकल के ही टिकता। अब डायबिटीज के बारे में सब समझ में आया कि नहीं? अब प्रश्न पूछो आप, कमी शक्कर है तो उसको बोलो ना गुड़ और पानी और नींबू और मीठ मिलाकर, हाँ उसको कोई पथ्य नहीं है, वो भरपूर खाए, दूध खाए, दही खाए, तूप खाए, पाक खाए उसको, क्योंकि रक्त इसका जरूरत से ज्यादा पातला है, जिसको शुगर कमी है ना तो रक्त जरूरत से ज्यादा पातला है, वो घट करने का है थोड़ा, तो इसके लिए तूप दूध दूध सब, उल्टा जब होता है शुगर जब तो वो डबल लेके जाता है, जब ये शक्कर की मात्रा ग्लूकोज अपने जरूरत से ज्यादा अंदर ले जाएगा तो ब्लड में शक्कर कम हो जाएगी, तो रक्त में कम आएगी, तपासणी करोगे तो वो हाइपर एक्टिव हो जाता है घोड़ा, जिनको शुगर कम है उनको हाइपर ज्यादा काम करता है, और जिनको हाई शुगर है उनको आलसी हो जाता है। मैं थी हाँ, अब मैं बताता हूँ, पहले ये प्रश्न पूछ लो डायबिटीज का, ये बहुत जरूरी है, आपके दिमाग में बैठना चाहिए ताकि आप किसी को बता सकें। मैंने एक उपाय बोला था कि जिंदगी में कभी भी डायबिटीज नहीं होगा अगर आप एक काम करें कि भोजन में सबसे पहले गुड़ वस्तु खाएं और अंत में खट्टी वस्तु खाने का, आमदक जैसे ताक पीना, चिंच का पानी पी लेना, तो भोजन के नींबू का रस पी लेना, नींबू का रस पानी में नहीं सीधे नींबू का रस, आमदक जितनी भी चीजें हैं जैसे संतरे का रस, मौसमी का रस, दालिम का रस, नींबू का रस, केरी का रस, ये सब भोजन के अंत में, और भोजन के पहले दो वस्तु, श्रीखंड है, खीर है, पेड़ा है, लड्डू है, बर्फी है, जो भी है वो सबसे पहले, ठीक है, मीठा सबसे पहले, खट्टा बाद में, तो जिंदगी में कभी भी डायबिटीज नहीं है। हाँ बताता, वो एक उपाय हुआ ना डायबिटीज नहीं होगा। दूसरा एक उपाय है कि चावल या भाजीपाला कभी कुकर में बना के नहीं खाना, प्रेशर कुकर अर्थात घर से कुकर निकाल देना, कुकर में आप जो भी बना के खाएंगे डायबिटीज की तरफ लेकर जाएगा।
भात भी नहीं, भाजी पाला भी नहीं, दाल भी नहीं, जो भी भोजन बनाना बिना कुकर से ही बनाना। अब उसमें आपको अपनी पत्नी को थोड़ा कन्विंस करना पड़ेगा, क्योंकि उनको लगता है ये सुविधा है, जल्दी पक जाता है। ठीक है, ये दूसरा नियम है कि कुकर में कुछ बना के नहीं खाना डायबिटीज से बचने के लिए। हाँ, ढक्कन निकाल दो और खाना उसमें वैसे पकाओ जैसे भगोने में जैसे पकता है, तो दिक्कत नहीं। हाँ, एल्यूमिनियम है वो तो खराब करेगा ही, लेकिन इतना नहीं करेगा। एल्यूमिनियम तो सभी बर्तन ही खराब है, एल्यूमिनियम के बर्तनों का उपयोग करें तो कम से कम 8-10 रोग आते हैं। सबसे खराब आता है अस्थमा, दमा, फिर ट्यूबरकुलोसिस, ब्रोंकियल अस्थमा। भाजी बनाना पीतल में या कांसे में या स्टील में, जर्मन सिल्वर अगर है तो ठीक है, जर्मन सिल्वर थोड़ी महंगी है शायद, नहीं लेंगे एल्यूमिनियम। हाँ, अलग अलग है, लेकिन आप बेल के लाइए, जर्मन सिल्वर का है क्या, महंगा है थोड़ा, लेकिन आप भोजन बनाए ना तो स्टील में बनाए ना, स्टील के बर्तन अभी आते हैं, या तो सबसे अच्छा होता कांसे के बर्तन है बाजार में, थोड़ा महंगा है, बराबर कांसा मिलता है, पीतल भी मिलता है चलेगा, लेकिन कांसा सबसे अच्छा, पीतल और तांबे से मिलकर बनता है कांसा, मिलता तो है यार, मेरे घर में सब है, अब मैं ढूंढ के लाया तो आप भी ला सकते। यहाँ पूना में खूब मिलता है, कई बाजार में देखा, पूना में भरपूर मिलता है, सतारा में भी मिलता है। आप बोलो दुकान वाले को तो अंदर रख के रहता है, वो बाहर ला के देगा, अच्छा आप मानते हैं। और आपका ये जो वो बजाते ना मंजीरा, जब भजन करते झाल, वो सब कांसा और पीतल ही है, स्टील का बनी नहीं सकता। तो कांसे का बर्तन या पीतल का बर्तन, एल्यूमिनियम हटाइए, और एल्यूमिनियम का प्रेशर कुकर है इसलिए इसको भी कम करिए। और प्रेशर कुकर का दूसरा कारण है जो डायबिटीज करता, आयुर्वेद का एक नियम है, वो मैंने कल बताया नहीं, कि जो भोजन को सूर्य का प्रकाश और पवन का स्पर्श नहीं हुआ वो सब भोजन डायबिटीज करता। जो भोजन को सूर्य का प्रकाश नहीं मिला और पवन का स्पर्श नहीं हुआ है वो खाओगे तो जरूर डायबिटीज होगा। सूर्य प्रकाश हमेशा हर जगह रहता है, घर में रहता है, यहाँ भी सूर्य प्रकाश नहीं होता तो आप देख ही नहीं सकते। सूर्य प्रकाश है जो आप देख पाते हैं, नहीं चपाती करके थोड़ी देर रखना चाहिए खुला, बाद में डिब्बे में पैक करना चाहिए, तो पवन भी मिल जाएगा थोड़ा सूर्य प्रकाश भी। जिस भोजन को सूर्य प्रकाश नहीं मिला वो वही भोजन है जो प्रेशर कुकर में आप बनाएंगे, और जिसको आपने फ्रिज में रख दिया तो वही भोजन है जिसको सूर्य प्रकाश भी नहीं मिलेगा, पवन भी नहीं मिलेगा। तो ये अगर आपने खा लिया है तो आपको कुछ खाने की जरूरत नहीं, बहुत जल्दी आप डायबिटीज के शिकार हो जाएंगे और तकलीफ में फंस जाएंगे। सोलर कुकर का चलता है क्योंकि वो सब ओपन ही रहता है। हाँ, वो उसमें भी अभी दो आने लगे हैं, एक तो एल्यूमिनियम का आता है, एक में स्टील आने लगा है। तो आप इस अगर सोलर कुकर खरीदें तो स्टील वाला खरीदे, थोड़ा महंगा है लेकिन क्वालिटी अच्छी, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। हाँ, क्योंकि सूर्य प्रकाश नहीं। तो ये तीन बात ध्यान रखनी है, डायबिटीज होगा नहीं। एक तो आप शक्कर मत खाइए, गुड़ खाइए काफी। दूसरा, गुड़ वस्तु हमेशा भोजन के पहले खाइए, खट्टी वस्तु अंत में खाइए। और तीसरा, जिस वस्तु को पकाने में सूर्य प्रकाश नहीं मिला, पवन स्पर्श नहीं हुआ, वो मत खाइए, प्रेशर कुकर की वस्तु या रेफ्रिजरेटर। तीन उपाय जो भी करे वो डायबिटीज कभी नहीं आएगा। और आ गया तो क्या करना वो बता दिया, आयुर्वेद से क्या करना, होम्योपैथी से क्या करना, ठीक है। और जिंदगी में डायबिटीज कभी ना आए या कोई भी रोग ना आए तो अरे भाई ऊर्जा, आप इतनी चिंता मत करिए उसकी, उधर कम करेंगे, इधर जेब से निकल रहा है आपके, तो भोजन जो है ना जल्दी ही पकेगा। अगर आप ऐसा करें जैसे दाल बनाए, कल्पना करिए तो दाल को सवेरे गर्म पानी में डाल के रखिए, एक दो तास रहेगा फिर उबालिए, जल्दी बनेगा। भाजी पाला का भी वही है, तो आप ऊर्जा कम कर खर्च करें, बचा सकते हैं, ठीक है। और एक तरीका है डायबिटीज से बचने का, जब भी भोजन करें तो भरपूर सलाद खाइए, सलाद माने कोशंबरी, भरपूर, थोड़ा बहुत नहीं, एक प्लेट भर के, दो प्लेट भर के, जीवन के पहले, हाँ, पेट भर के खा लीजिए। हाँ,
कोई भी काकड़ी, गाजर, टमाटर, पत्ता गोभी, कच्ची चीजें कोई भी खाइए, कच्ची चीज खाइए ना। अब इनका प्रश्न बार बार है, आप पुरुष भी चाहें तो जिनको पेट अगर बढ़ा हुआ है और आप चाहते हैं कि ये कम हो, तो आप भी 15 मिनट चक्की चला सकते हैं सुबह सुबह। आप भी चाहें तो सिलबट्टे पे चटनी बना सकते हैं। अगर आपने भी चक्की चलाई और सिलबट्टे पे चटनी बनाई तो आपकी चटनी तो बनेगी ही और आटा तो पिसेगा ही, आपका जो पेट है ये अंदर चला जाएगा, जो आपको किसी भी जिम्नेजियम की मदद से नहीं जाएगा। मैं आपको इस बात की गारंटी देता हूं, स्टाम्प पेपर पर आप लिखवा लीजिए मुझसे, 1000 रुपए का हो या 1,00,000 रुपए का स्टाम्प पेपर, दुनिया का हर एक डॉक्टर इस बात से सहमत है, वो बोलता नहीं बात अलग है, कि जिम्नेजियम में जाकर कभी भी किसी का पेट अंदर जाता नहीं, और थोड़े दिन के लिए गया और आपने जाना बंद किया तो ज्यादा बाहर आता है। क्योंकि जिम्नेजियम की जो एक्सरसाइजेज है और वहां जो एक्सरसाइजर रखा है मशीन, वो आपसे मेल नहीं खाती। आप पता है क्या मेल नहीं खाती, जिम्नेजियम की सभी मशीनें ज्यादा स्पीड वाली हैं और चक्की और सिलबट्टा ये स्पीड कम है, धीरे 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 धीरे। हमका हमारी जो तासीर है वो कम स्पीड वाले उपकरणों के साथ ज्यादा है, क्योंकि हम गर्म देश में रहते हैं। गर्म देश के लोगों में आप जानते हैं स्वाभाविक रूप से वायु का प्रकोप ज्यादा होता है शरीर में, ये कल मैं और इस विस्तार से बात करूंगा। वायु माने वात, पित्त और कफ शरीर में तीनों है, गर्म देश के लोगों में वायु का प्रकोप स्वाभाविक रूप से ज्यादा होता है। अब वायु का प्रकोप ज्यादा है तो हर चीज ऐसी करनी चाहिए जो धीमे हो, ज्यादा तेज करेंगे तो वायु और बढ़ेगी। इसलिए भारत में यह कहा गया है कि डांस करना है तो धीमे धीमे करो, इसलिए यहां के जो डांस है ना उनके स्टेप्स, जैसे भरतनाट्यम, जैसे कथक, कथकली, ओडिसी, कुचिपुड़ी, ये सब डांस के स्टेप आप देखो स्लो है, स्लो। और यूरोप में बिल्कुल उल्टा है, ठंड बहुत है, ज्यादा ठंड के देशों में क्या होगा कि वायु बिल्कुल उल्टी स्थिति में होती है, बहुत ही कम होती है शरीर, और पित्त और कफ बहुत बढ़े हुए होते हैं। तो वायु बढ़ानी है उनको पित्त और कफ को समान रखने के लिए, तो हर चीज वो फास्ट करेंगे, उनके डांसेस बहुत फास्ट होंगे। आप देखो रशियन बैले होता है ना, क्या फास्ट स्टेप्स वो करते हैं, क्योंकि वो उनके लिए आवश्यक है, नहीं करेंगे तो मर जाएंगे। तो उनका डांस फास्ट होगा, हमारा स्लो होगा, उनकी हर चीज की स्पीड फास्ट होगी, हमारी स्लो होगी। इसलिए हमने चक्की बनाई, सिलबट्टा बनाया, बैलगाड़ी बनाई, क्योंकि हर चीज हमें स्लो चाहिए, बात हमारा बढ़े नहीं, स्पीड से बात बढ़ता है, ध्यान रखिए इस बात को। बैलगाड़ी क्या है, पहिया ही तो है, मुख्य क्या है, पहिया है ना। तो पहिए का इन्वेंशन सबसे पहले भारत में ही हुआ दुनिया में, लेकिन हमने वो बैलगाड़ी में लगाया, हवाई जहाज में नहीं लगाया। हम भी चाहते तो हवाई जहाज का पहिया बना सकते थे, जिसने सबसे पहला पहिया बनाया दुनिया में वो हवाई जहाज का भी बना सकता था, लेकिन जरूरत नहीं अपने को, अपने को जरूरत बैलगाड़ी की ही है, क्योंकि ये स्लो है। स्लो इसलिए कि बैल जो खींच रहा है उसके शरीर को वायु का प्रकोप ना बढ़े। हमारे यहां मनुष्य के लिए जितना सोचा गया बैल के लिए भी उतना ही सोचा गया, क्योंकि बैल और मनुष्य बराबर है, हमारे यहां अलग नहीं है, हिस्सा है हमारा, परिवार का हिस्सा। तो बैल जब बैलगाड़ी को खींचे, अगर गाड़ी फास्ट है तो बैल को फास्ट दौड़ना पड़ेगा, तो बैल की वायु बढ़ेगी और वायु बढ़ने से मृत्यु जल्दी होती है। तो बैल ज्यादा दिन तक जीवित रहे, आपका काम करे, इसलिए बैलगाड़ी में स्पीड स्लो रहे, स्पीड स्लो रहे इसलिए बड़ा पहिया बनाया। पहिया जितना बड़ा होगा स्पीड उतनी स्लो होगी, पहिया जितना छोटा होगा स्पीड उतनी ज्यादा होगी। नंबर ऑफ रोटेशंस होंगे ना पर मिनट, जिसको आप RPM रोटेशंस पर मिनट, जितने ज्यादा होंगे स्पीड उतनी होगी। तो रोटेशन ज्यादा करने के लिए छोटे पहिए ही चाहिए, इसलिए हवाई जहाज में छोटे पहिए हैं। हमको स्पीड ज्यादा करनी ही नहीं है, क्योंकि वात बढ़ाना नहीं है अपने शरीर का, इसलिए हमने बैलगाड़ी का बड़ा पहिया बनाया। अब हमने बैलगाड़ी बनाई तो पिछड़े नहीं है, और उन्होंने हवाई जहाज का पहिया बनाया तो अगड़े नहीं है। उन्होंने अपनी मजबूरी का समाधान करने के लिए बनाया, हमने हमारी मजबूरी का समाधान करने के लिए बनाया। वो जो कहते हैं ना, इन्वेंशन इज द मदर ऑफ नेसेसिटी,
हमारी जरूरत थी कि वात हम कम रखें अपने शरीर में और जानवरों के शरीर में, क्योंकि गर्म देशों में वात वैसे ही बहुत बढ़ता है, तो इसको कम रखने के लिए इसलिए सिलबट्टा है, धीरे धीरे चलता है। और वो जो आपके घर में है मसाला पीसने वाली मशीन, मिक्सी, एकदम फास्ट, ये यूरोप के लिए है, आपके लिए नहीं है। हमारा तो वो धीरे धीरे वाला ही अच्छा है। चक्की धीरे धीरे चलती है, यूरोप से आई हुई चक्की बिजली की जो है ना, एकदम फास्ट चलती है। अब मैं जो एक बात कहना चाहता हूं, जो 4 साल से 5 साल से हम कर रहे हैं, हमारा एक केंद्र है भीलवाड़ा में, वहां हम चक्की चलाते हैं। भीलवाड़ा केंद्र हमारा भारत का सबसे अच्छा केंद्र है आज की तारीख में, आगे और कोई बन जाए चेन्नई में तो शायद भगवान सुन लेगा। भीलवाड़ा केंद्र में आप में से कोई भी राजस्थानी हो तो हमारा केंद्र जरूर देखने जाइए। भीलवाड़ा में नागौरी गार्डन है, वहां पर हमारा केंद्र चलता है, उसका नाम है स्वानंद। हमारे सभी केंद्रों का नाम स्वानंद है, हमारा ब्रांड नेम स्वानंद। तो उस केंद्र में हम चक्की चलाते हैं, चक्की चलाकर गेहूं का आटा बनाते हैं, जवारी का आटा और बाजरी का आटा, सब तरह के आटे। और वो आटा भीलवाड़ा के 100 परिवार 125 परिवार के लोग नियमित रूप से लेके जाते हैं और खाते हैं। वो 100 125 परिवारों का सारा डाटाबेस हमने बनाया है। अब वो 100 125 परिवारों को 4 साल चक्की का आटा खिला खिला के हम पूछते रहते हैं, भाई क्या हो रहा है? तो कहते हैं एसिडिटी खत्म हो गई। और क्या हो रहा है? कहते हैं जी घुटने का दर्द कम हो गया। और क्या हो रहा है? नींद अच्छी आ रही है। और क्या हो रहा है? पित्त की बीमारियां कम हो गई हैं। और क्या हो रहा है? वो कहते हैं जी ब्लड प्रेशर भी कम हो रहा है। तो ऐसी 28-30 बीमारियों पर हमारी नजर है, और 4 साल में हर बीमारी के बारे में वो कह रहे हैं कम हो रही है, कम हो रही है, कम। मैंने कहा कुछ बढ़ रहा है? तो उन्होंने कहा आनंद बढ़ रहा है, सुख बढ़ रहा है, खुशी बढ़ रही है। क्या? बस वो चक्की का आटा खा रहे हैं और कुछ नहीं। फिर मैंने कहा कि आप माताएं जो लेके जाती हैं आटा, मैं पूछा आप बताओ जी आपका ऑब्जर्वेशन क्या है? तो उन्होंने कहा ये जो चक्की का आटा, इसकी रोटी इतनी नरम होती है, और वो जो बाजार का आटा लाते हैं उसकी रोटी थोड़ी ही देर में कड़क होती है। और वो कहते हैं कि हमारे घर के लोग जब से ये चक्की का आटा या 2 रोटी ज्यादा भी खाते हैं तो शिकायत नहीं करते, और ये बाजार के आटे की 1 रोटी भी ज्यादा खाई तो पेट में गैस बनना शुरू हो जाती है। माताएं ये कहती हैं, माताएं कहती हैं बच्चे भी उनकी रोटी पसंद से खाते हैं, घर के लोग भी अच्छे से खाते हैं। अब वो ये कहते हैं जी 1 केंद्र से 2 कर दो, क्योंकि उसकी पूर्ति नहीं हो पा रही। 1 केंद्र 100 घरों का ये आटा बना पाता है रोज, क्योंकि 15-20 महिलाएं वहां चक्की चलाती हैं। हम दूसरा बनाने की सोच रहे हैं, तीसरा बनाने की सोच रहे हैं। फिर एक दिन मैंने सोचा कि ये रास्ता तो गड़बड़ है, अगर हम ऐसे केंद्र बनाते जाएं तो ये रास्ता तो गड़बड़ है। अच्छा ये है कि हर घर में ही ये केंद्र हो जाए, इसमें तो अंत में हम कहां फंस जाएंगे? जगह जगह केंद्र बना के हम तो फंसने ही वाले हैं कि भाई अब हाथ का आटा बना के दे दो, तो ये तो हम बिजनेस में नहीं जाना चाहते। हमारा उद्देश्य ये है कि हर घर में आटा बनाने की चक्की आ जाए। तो अब हमने वहां चक्की रखवाना शुरू किया, आप ले जाओ जी अपने घर में ये चक्की से आटा बना लो, आप भी स्वस्थ रहेंगे, घर भी स्वस्थ रहे। तो वही मेरी आपको विनंती है कि घर में चक्की वापस लाइए और सिलबट्टा भी वापस लाइए। मसाला पीसना है तो उस पर पीसिए, आपको चटनी बनानी है तो उस पर बनाइए, चटनी का स्वाद भी अच्छा होगा और उसके जो सूक्ष्म पोषक तत्व है वो भी अच्छे रहे। और एक छोटी सी आखिरी बात, आज के लिए समय हो गया, आखिरी बात ये है, मैं आपको विनम्रता पूर्वक जो कहना आया वो ये कि आपके रसोई में पिछले 20-25 वर्षों में जो बदलाव आया रसोई में, 20-25 वर्षों में हमारे बीमारियों का सबसे बड़ा कारण वो बदलाव है। रसोई बीमारियों का कारण नहीं है, रसोई तो भागवत जी कहते हैं दुनिया का सबसे पवित्र स्थान, सबसे पवित्र स्थान, लेकिन उसमें बदलाव आ गया। बदलाव क्या आया? पहले चक्की होती थी, सिलबट्टा होता था, अब मिक्सी आ गई या तो हमने कोई मशीन ले ली, और अब तो मशीनें रोटी बनाने की भी आ गई, रोटी बनाने की भी मशीन हमने ली। तो रसोई घर में जितनी हमने बदलाव लाया टेक्नोलॉजिकल, ये सब बदलाव ने हमको बीमार बनाया। माताओं को तो ज्यादा बीमार बनाया। मैंने पिछले 20 साल की जितनी रिसर्चेज हैं रसोई घर से जुड़ी हुई, इन सबको ध्यान से देखा तो पता चला कि हमने विकास के नाम पर अपने ही घर को बीमार बनाने की क्रिया शुरू की है। और रसोई घर में जितनी चीजें हैं उन्होंने महिलाओं का शरीर श्रम घटाया,
जैसे वॉशिंग मशीन आ गई, इसने आपका शरीर श्रम घटा दिया। चक्की आ गई, उसने माने बिजली की चक्की आई, उसने आपका शरीर श्रम घटाया। सिलबट्टे का शरीर श्रम आपका घटा मिक्सी के आने से। हर जो चीज आई है, ओवन आया आपके यहां, माइक्रोवेव ओवन आया, फिर ये फ्रिज आया, इसने आपका शरीर श्रम घटाया। और शरीर श्रम घटाने के लिए नहीं है। भागवती जी कहते हैं कि शरीर श्रम घटाने की एक ही उम्र है, 60 के बाद। जब आप 60 के हो गए तब आप शरीर श्रम कम करते जाइए। 60 साल तक तो शरीर श्रम कम करने की जरूरत नहीं, 18 से लेकर 60 साल तक शरीर श्रम चाहिए ही, शरीर श्रम चाहिए। तो थोड़ा थोड़ा श्रम आप करते रहे। अब तो हमने पोछा लगाने वाला भी मशीन ले आया, झाड़ू लगाने वाला भी मशीन ले आया, रोटी बनाने वाला भी मशीन आ गया, चटनी बनाने वाला भी मशीन आ गया, रोटी को रखने वाला भी मशीन आ गया। अब सब कुछ मशीन आ गया तो आप भी मशीन ही हो जाएंगे, और आप हो गए हैं। पता है मशीन हम कैसे हो गए? जिंदगी का रस चला गया, आनंद चला गया। पहले घरों में काम करते समय जो रस था, आनंद था, वो सब चला गया। कैसे चला गया? मैंने बचपन का मुझे याद है, माताएं बहनें काम करते करते बहुत सारे गीत गाती थी, गीत गाती थी। अब वो काम ही बंद हो गया तो गीत भी बंद हो गए। अब किसी भी मां को पूछो कि 20 साल पहले बच्चे के पैदा होने पे क्या क्या गीत गाए जाते थे, याद ही नहीं है। तो अब क्या करते हैं, जो सिनेमा के गीत हैं उनका। सोयाबीन के बारे में जो आखिरी प्रश्न उन्होंने कहा, प्रोटीन के बारे में और डायबिटीज के बारे में, दुनिया में अभी ऐसा कोई अध्ययन नहीं हो पाया है जिससे ये सिद्ध होता हो कि सोयाबीन से डायबिटीज ठीक हो सकता। सोयाबीन से डायबिटीज ठीक होने की बात कुछ वैज्ञानिक कहते हैं, लेकिन अभी कुछ सिद्ध नहीं हुआ है, और इसलिए दवा के स्वरूप में और मेडिसिन के रूप में अभी तक दुनिया में कहीं कोई उपलब्ध नहीं है। ये कल्पना जरूर ऐसी है कि सोयाबीन में जो कंपोजिशन है, शक्कर का जो शुगर का कंपोजिशन है, जो फ्रक्टोज है उसमें ग्लूकोज है, फिर प्रोटीन है, फिर कुछ और भी चीजें, फैट भी है उसमें, थोड़ा सा कार्बोहाइड्रेट भी थोड़ा सा है, तो ऐसा माना जाता है कि उसका जो कंपोजिशन है, उस कंपोजिशन से शायद डायबिटीज की बीमारी को कंट्रोल करने में मदद मिलती हो। लेकिन अभी ऐसी कोई सिद्धि प्राप्त नहीं हुई है, ना भारत के वैज्ञानिकों को ना दूसरे देशों के वैज्ञानिकों को। ये चर्चा चल रही है, पुस्तकों में चर्चा है, पत्रिकाओं में चर्चा है, अखबारों में चर्चा है, लेकिन सिद्ध नहीं हो पाया है। और प्रोटीन के बारे में तो सिद्ध हो चुका है, सोयाबीन द्वारा जो प्रोटीन मिलता है वो किसी जानवर को मिले या किसी व्यक्ति को मिले, वो प्रोटीन बहुत ही जटिल होता है, और जटिल प्रोटीन जो होता है माने बहुत कॉम्प्लेक्स है वो प्रोटीन, और वो जल्दी से पचता नहीं है। माने हम दाल खाते हैं, दाल में से प्रोटीन हमको मिलता है, वो प्रोटीन जितनी आसानी के साथ शरीर में काम में आ जाता है, उतनी आसानी से सोयाबीन का निकला हुआ प्रोटीन शरीर में काम नहीं आता, बल्कि सोयाबीन का निकला हुआ प्रोटीन एक तरह से शरीर में स्टोरेज के रूप में इकट्ठा हो जाता है। जैसे हम कोई चीज स्टोर भंडार करके रख लें, वैसे एक भंडार जैसा बन जाता है, उसका उपयोग नहीं हो पाता शरीर की ऊर्जा के लिए। इसलिए वैज्ञानिकों का ऐसा मानना है कि सोयाबीन का जो प्रोटीन है बहुत संश्लेषित है, बहुत जटिल है, बहुत मुश्किल है, इसलिए दुनिया भर में सोयाबीन खाने की बात कहीं नहीं कही जाती। अमेरिका में लोग कभी भी सोयाबीन नहीं खाते, यूरोप में कभी भी लोग सोयाबीन नहीं खाते। मैंने आपको कल उदाहरण दिया था कि यूरोप में सोयाबीन खाया जाता है, सिर्फ जानवरों को खिलाया जाता है, और खासकर जानवरों में भी गाय को कभी नहीं खिलाया जाता, क्योंकि गाय को तकलीफ होती है सोयाबीन खाके। यूरोप में सोयाबीन सिर्फ खिलाया जाता है डुकरों को, सुअरों को, और वहां भी क्या होता है, मैंने आपको बताया कि चूंकि जटिल है इसलिए आसानी से पचता नहीं, तो डुकर सोयाबीन की खली खाता है तो स्टोरेज के रूप में इकट्ठा हो जाता है, और डुकर थोड़ा जाड़ा हो जाता, मोटा हो जाता, और वो इसलिए डुकर को खिलाते हैं क्योंकि डुकर का मांस उन्हें खाना, तो सोयाबीन खाया हुआ डुकर थोड़ा जाड़ा हो जाता है, मोटा ज्यादा हो जाता है, इसलिए मांस ज्यादा मिलता है, इसलिए डुकरों को सोयाबीन खिलाने की परंपरा है। और वो भी सब देशों में नहीं है, सिर्फ हॉलैंड में है। मैं हॉलैंड जा चुका हूं और मैंने वहां पर देखा है कि उससे जो है दूसरे तरह की प्रॉब्लम भी हो रही है। जैसे वहां पर एक बड़ी प्रॉब्लम अभी शुरू हो गई है कि डुकर का मांस जो खाया किसी ने और वो सोयाबीन खाया हुआ डुकर है, तो उन लोगों को पेट की बीमारियां बहुत होती है,
जो सोयाबीन खाता है डूकर, डूकर का मांस जो लोग खाते हैं, तो लोगों को पेट की बीमारियां बहुत होती है जो डूकर का मांस खाते हैं सोयाबीन वाला। इसलिए पूरे हॉलैंड में सोयाबीन का बहिष्कार कर दिया है, वहां कोई किसान सोयाबीन नहीं करता, यूरोप में भी कोई किसान सोयाबीन नहीं करता। भारत में हॉलैंड की एक कंपनी आई थी, उस कंपनी का नाम है सीजवॉन वीवी। तो सीजवॉन वीवी कंपनी आई थी सोयाबीन का बीज लेकर सबसे पहले, और मध्य प्रदेश में उस समय जब सरकार चलती थी, आज से ये करीब 15-20 साल पहले की बात है, तो मध्य प्रदेश सरकार को वो बीज मुफ्त में दिया गया था और कहा गया था कि आप अपने किसानों को अगर ये बीज बांटें तो हम आपके पैदा किए हुए सोयाबीन को पूरा खरीद लेंगे और आपको विदेशी मुद्रा मिलेगी। तो इस लालच में मध्य प्रदेश सरकार ने सोयाबीन का बीज बांटना शुरू किया ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर्स के माध्यम से। पहले मध्य प्रदेश में फैला सोयाबीन अभी फैलते फैलते महाराष्ट्र में आ गया, थोड़ा गुजरात में भी चला गया, उत्तर प्रदेश में भी चला गया है, लेकिन अब करते करते खेती इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि कुछ उसमें से फल नहीं निकलता। एक बात जो आपने कही कि सोयाबीन की खेती के बाद कपास की फसल बहुत अच्छी होती है, तो ये बात तो किसी दूसरी फसल पे भी सच है। आप कोई भी दलहन की खेती करें, कोई भी दाल करें, तुअर की करें, उड़द की करें, मूंग की करें, उसके बाद कपास लगाएंगे हमेशा अच्छा होगा। कपास की फसल का अच्छे होने का एक छोटा सा सिद्धांत है कि जिस खेत में प्रोटीन ज्यादा देने वाली कोई भी अनाज पैदा की गई हो, अनाज की फसल ली गई हो, उसमें उसके बाद कपास लगाएंगे हमेशा अच्छा होगा। और इसी तरह से एक और दूसरी छोटी सी बात है कि तुअर की दाल लगा दीजिए किसी खेत में, उसके बाद गेहूं लगाइए, गेहूं हमेशा उसमें अच्छा होगा। तो जो भी दाल है, दाल की फसल लेने के बाद अगर आप गेहूं लेंगे उसमें तो बहुत अच्छा होगा। और ऐसे ही कपास की फसल अच्छी लेनी है तो पहले उस खेत में अगर दाल लगा देंगे आप, तो दाल के बाद कपास लगाएंगे तो हमेशा, कोई भी दाल लगाइए, मूंग की लगा दीजिए, उड़द की लगा दीजिए, तुअर की लगा दीजिए, किसी भी किस्म की दाल लगा दीजिए जिसमें प्रोटीन की मात्रा ज्यादा होती हो, तो हमेशा कपास की फसल अच्छी होगी। सिर्फ सोयाबीन से कपास की फसल अच्छी होती है, इससे भी ज्यादा सच ये है कि किसी भी तरह की दाल की फसल आप लगाएं तो उसके बाद कपास की फसल निश्चित रूप से बहुत अच्छी होती है। और ये जो फसल चक्र का एक सिद्धांत है, और शायद इस देश में सभी किसान जानते थे आज से 200-300 साल पहले तक, लेकिन ये जो परदेशियत आ गई, विदेशीकरण हो गया हमारी खेती का, तो वो फसल चक्र का जो हमारे ज्ञान थे वो खत्म हो गए, टूट गए धीरे धीरे। तो गांव के जो बुजुर्ग हैं, जो पुराने लोग हैं, ये ज्ञान किसी किताब में नहीं मिलेगा, जो गांव के पुराने बुजुर्ग हैं जिन्होंने पुरानी खेती की है उनसे मिलेगा कि आप क्या करते थे अपने जमाने में, क्योंकि किताबें इस पर ज्यादा लिखी हुई नहीं है, ज्यादा इस पर प्रकाशित साहित्य नहीं है। जो साइंटिस्ट लिखते हैं, जो किताबें बनाते हैं, वो भी एजम्पशंस के आधार पर हैं, अनुमानों के आधार पर हैं। तो उसका ज्यादा वैज्ञानिक और तथ्यपूर्ण जानकारी सीधे गांव में ही मिल सकती है। तो मेरा एक छोटा सा निवेदन है, अगर आप लोग कर सकें, इसी में मुझे याद आ गया कि हर गांव में इस तरह की फसल की जो व्यवस्था होती रही पिछले कई वर्षों से, उसके बारे में कुछ लिखित काम शुरू कर दिया जाए। जैसे मुझे दिगरस गांव में, दिगरस गांव में 10 तरह की फसलें होती हैं या 50 तरह की फसलें होती हैं, तो पिछले 50 साल में इनमें क्या बदलाव आया है, 50 साल पहले ये फसलें किस तरह की, 50 साल के बाद किस तरह की फसलों का प्रतिनिधित्व ज्यादा हो गया है, किस तरह की फसलों का परसेंटेज बढ़ गया है। अगर ये छोटा छोटा एक सर्वेक्षण का काम हर गांव में शुरू कर दिया जाए, तो ये जो झगड़ा है कि सोयाबीन के बाद क्या करें, या गेहूं के बाद क्या करें, या कपास के बाद क्या करें, या ऊस के बाद क्या लगाएं खेत में, धान लेने के बाद क्या लगाएं, ये झगड़े उसमें से सुलझ जाएंगे और वो ज्ञान जो हमारे पास था वो वापस हमारे पास लौट आएगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि हर गांव में जो नौजवान साथी हैं, जो थोड़े भी पढ़े लिखे हैं, वो इस तरह का काम शुरू कर सकते हैं। और इस तरह का काम शुरू करने में गांव के जो बुजुर्ग लोग हैं, जो वडील हैं, उनकी बड़ी भारी मदद हो सकती है, जिन्होंने पिछले कई सालों से खेती की है, जिनको इस बात का अंदाजा है। तो मुझे लगता है कि इस तरह का प्रयास शुरू होना चाहिए। और कई बार किताबों में, खासकर पत्रिकाओं में, बहुत बार ऐसी माहिती आती है जो विदेशों से इम्पोर्टेड होती है। सोयाबीन के बारे में जितनी माहिती भारत की पुस्तकों में छपती है सब विदेशी माहिती है, क्योंकि सोयाबीन हमारी फसल कभी नहीं थी। ये हिंदुस्तान में 20-25 साल पहले कोई जानता भी नहीं था कि सोयाबीन क्या होता है। ये पूरी तरह से इम्पोर्टेड फसल है, और इम्पोर्टेड कृषि का ये जो है पद्धति है सोयाबीन पैदा करने की। तो ये जो विदेशों से आने वाली जानकारी है उसको सीधी तरह से कभी स्वीकार ना करें, क्योंकि जरूरी नहीं है विदेशों में कोई एक जानकारी सच हो वो हमारे यहां भी सच हो, बिल्कुल जरूरी नहीं।
हो सकता है वहां बहुत गलत हो और आपके यहां सच हो जाए, हो सकता है वहां सच हो आपके यहां गलत हो जाए, क्योंकि फसल चक्र जो होता है वो मौसम के हिसाब से बनता है और फसल की किसी भी स्थान पर उत्पादन की जो शक्ति होती है वो वहां की स्थानीय मिट्टी और जलवायु के आधार पर बहुत निर्भर करती है। तो हॉलैंड के लिए कोई बात एक सच हो सकती है, वो भारत के लिए सच नहीं होगी। हॉलैंड का मौसम एक तरह का है, भारत का मौसम दूसरी तरह का। तो सोयाबीन हॉलैंड के लिए बहुत अच्छी फसल मानी जा सकती है, भारत के लिए जरूरी नहीं है कि बहुत अच्छी फसल होगी। इसलिए परदेशों से कोई जानकारी आ गई है और उसको हम सत्य मान के काम करना शुरू करेंगे तो कई बार धोखा उसमें ज्यादा होता है। उसको अपने विवेक से परखें और अपनी बुद्धि से उसका टेस्ट करें और उसके बाद उसको समझने की कोशिश करें और तब उसको फॉलो करें। तो पथरी जिसको भी है वो चूना कभी ना खाएं, ये याद रखें। कहीं भी शरीर में पथरी है तो चूना कभी ना खाएं। तो फिर क्या खाएं? एक दवा है पत्थर तोड़ दवा, क्या बोलते हैं आप उसको? पाखंड भेद। शोभा कांत जी के यहां वो दवा है पाखंड भेद, कहीं भी मिल जाएगा। तो आप इसका काढ़ा बना के पिए, ये जो पाखंड वेद है ना, इसका काढ़ा पानी में डाल के उबाल के। और ये दवा आसानी से होम्योपैथी में उपलब्ध है और इसी दवा का होम्योपैथिक नाम है बर्बेरिस, बर्बेरिस वल्गेरिस। पाखंड वेद का बोटेनिकल नाम है बर्बेरिस वल्गेरिस। ये किसी भी होम्योपैथी की दुकान में मिलेगा, वो पूछेगा कैसे दूं, तो कहना मदर टिंचर में दो। ये कोई भी घर में रखिए, आप बिल्कुल निसंकोच इस्तेमाल कर सकते हैं, साइड इफेक्ट कुछ नहीं है इस दवा का। बर्बेरिस वल्गेरिस मदर टिंचर ऐसा बोलिए। तो ये हल्के गुलाबी रंग की होगी, डार्क कलर की भी हो सकती है। इसकी 10-10 बूंदें चौथाई कप पानी में डालकर दिन में 3-4 बार पिलाएं, एक महीने सवा महीने में सारी पथरी टूटकर निकल जाए। और नहीं तो पाखंड वेद जो दवा मिले आयुर्वेद की, उसका काढ़ा बना के 15-20 दिन ले लें। काढ़ा जल्दी तोड़ता है पत्थर को, बर्बेरिस को समय ज्यादा लगता है। तो ये औषध बहुत ही अच्छी है, ठीक है, ये आप सब गांव में रखिए इस औषध को। अच्छा, बड़ी बाटली आती है 450 ml की, वो खरीदेंगे तो बहुत सस्ती पड़ती है, 200-225 रुपए की आएगी और उसमें कम से कम 100 लोगों का पत्थर टूट जाएगा। छोटी बाटली 30 ml की मिलेगी, वो 30 रुपए की देगा, और बड़ी 450 ml की लो तो 200 रुपए की देगा। बहुत सस्ती और प्रभावी बहुत है ये। अब इसका जरा देखो, एक और इसमें बता देता हूं कि ये जो बर्बेरिस है, ये जो औषध है बर्बेरिस, क्यों ये पत्थर तो तोड़ के निकालती ही है, ये एक और बीमारी में बहुत काम आती है। पत्थर दो जगह होता है आपको मालूम है, या तो किडनी में या तो पित्त की थैली में, पित्त की थैली में। यही औषधि पित्त की थैली का जब कैंसर होता है उसमें भी यही काम आती है, पित्ताशय का कैंसर, गॉल ब्लैडर कैंसर, उसमें भी यही काम आती है। और ये औषधि कावेड़ में भी काम आती है, कावेड़ माने जॉन्डिस। बच्चे का है तो औषध कम कर देना, 10 फ्रेम का 5 फ्रेम कर देना, सब बहुत प्रभावी है। कैंसर जो है ना गॉल ब्लैडर का, किसी से ठीक नहीं होता, वो इसी से ठीक होता है। गॉल ब्लैडर के कैंसर के सब केस को डॉक्टर वापस कर देते हैं कि भगवान का भजन करो बस, कभी भी मरोगे, और ये औषधि में इतनी ताकत है कि बचा लेते हैं। कैंसर भी 3-1 महीना लगता है उसमें में ठीक कर देते। होम्योपैथी में खराब से खराब बीमारी को 3 महीना ही लगता है ठीक होने। जो 3 महीने में कोई ठीक नहीं कर पा रहा है तो समझ लो वो बेईमानी कर रहा है, नहीं खाता नहीं, उसमें औषधि नहीं डालेगा, गोली खाली दे देगा आपको, वही बन वाला। तो वही तो सीधे मैं कहता हूँ ना, प्रवाही रूप में जो है लिक्विड है वो, वही डालते हैं, वही दम है। ये मैंने इसलिए दो बातें और बता दी कि हो सकता है कभी कोई गांव में ऐसा केस आ जाए कि वो फिक्स है, एग्जैक्ट है कि गॉल ब्लैडर में कैंसर है, तो आप ये औषध चालू कर सकते हैं। और कावड़ है, कावड़ जब बहुत बिगड़ जाता है ना कावड़, इसी से ठीक होता है, फिर वो चूने की निवड़ी से भी नहीं होता ठीक, जब बहुत बिगड़ जाता है। चले आगे, हाँ बताता हूँ। लगभग 3 महीने से ज्यादा तो कभी नहीं देना पड़ता, ज्यादा से ज्यादा 8-10 दिन देना पड़ता, कावड़ में इससे ज्यादा देना नहीं पड़ता। ये सिर्फ पत्थर है पेट में तभी 3 महीने लगता है, कावड़ में तो ये 8-10 दिन में ठीक कर देती। मुठ खड़ा,
मूतखड़ा बहुत गाँव गाँव है, मूतखड़ा जो है हाँ मैं भी देखा मूतखड़ा बहुत है, मूतखड़ा बहुत है लोगों को। मूतखड़ा में मैं आपको दोनों औषध बताऊंगा, होम्योपैथी की भी और आयुर्वेद की। मूतखड़ा होता क्यों है पहले तो ये समझ लो, हमारे शरीर में पानी की मात्रा अगर कम हो तो मूतखड़ा जरूर होगा। पानी की मात्रा कम क्यों, जब हम पानी कम पिए, जरूरत से कम पानी पिए जरूर मूतखड़ा होगा। तो जरूरत से कम पानी कितना होता है, एक स्वस्थ व्यक्ति को कम से कम 5 लीटर पानी तो आवश्यक है 24 तास में कम से कम। अगर वो 5 से कम पी रहा है तो मूतखड़ा होने की पूरी शक्ति। और मूतखड़ा होता क्या है, हमारे शरीर में कैल्शियम है, कैल्शियम तो कैल्शियम शरीर में हजम नहीं होता तो वो छोटे छोटे टुकड़े में बदल के इकट्ठा होता है, वही मूतखड़ा हो जाता है। बांगे का भी तो नहीं, लेकिन मिर्ची के भी तो होता है, क्योंकि मिर्ची का भी आपने खाया तो संडास के रास्ते निकलना ही चाहिए, नहीं निकलेगा इकट्ठा हुआ तो मूतखड़े में बदल जाएगा। पेरू के भी ऐसा नहीं होता, बांगे का भी नहीं, पेरू का नहीं, सिर्फ मिर्ची का। तो आप अगर पानी कम पी रहे, मूतखड़ा वाले को कोई भी तथ्य नहीं है एक को छोड़कर कि उसको ऐसी कोई चीज नहीं खानी चाहिए जिसमें कैल्शियम है, जैसे टमाटर नहीं खाना, गाजर नहीं खाना, पालक नहीं खाना, मेथी भाजी नहीं खाना, पालक टमाटर मेथी दूध, दूध में कैल्शियम है नहीं पीना। तो जिसमें भी कैल्शियम है वो नहीं, जब मूतखड़ा ठीक हो जाए तो फिर। अब जो है मूतखड़ा है तो उपाय क्या, उपाय इसका ये है कि अपने घर में वो दगड़ फूल है, दगड़ फूल जिसको हम मसाले में डालते हैं उसका पाउडर बनाना, दगड़ फूल का पाउडर बनाइए 1 चम्मच उबालने का, उसमें पानी में डाल के पाउडर बनाइए सूखे उसका, फिर उसको 1 चम्मच पाउडर 1 कप पानी में डालिए, पानी को भरपूर उबालिए और इतना उबालिए कि वो उबलते हुए थोड़ा कम हो जाए। हाँ, और जब खूब उबल गया पानी थोड़ा कम हो जाए, 1 कप से थोड़ा कम हो गया पानी तो आप उतारिए उसको, थोड़ा ठंडा करिए और उस पानी को 3 बार पीना। हाँ, सवारी दोपहरी संध्या का 3 बार, एक ही बार बना के 3 बार। ये प्रिवेंटिव नहीं है, प्रिवेंटिव पानी है, पानी भरपूर पीना, मूतखड़ा नहीं होगा। पानी का कितना पीने का नियम है, आपका वजन जितना है उसका 10 पट कम पानी जरूर पीना एक दिन में। अगर वजन 70 किलो है तो 7 लीटर पानी, 60 किलो है तो 6 लीटर पानी, 50 किलो है तो 5 लीटर पानी, वजन के प्रमाण से पानी पीने का है। वजन का प्रमाण उंच के हिसाब से, उंच आपकी जितनी है उसका 10 पट जास्ती वजन और उसमें प्लस माइनस 10 किलो तक चलेगा। 56 इंच है 5 फिट, फिर 50 किलो वजन, अब 10 किलो प्लस माइनस हो सकता है, 40 किलो से 60 किलो तक चलेगा। 5 फिट, हाँ उसमें 10 का गुणा कर दो, 10 किलो, तो 76 किलो तक चलेगा और इधर 56 किलो तक चलेगा। 56 के नीचे गया तो बहुत कम होगा, 76 के ऊपर गया तो बहुत तकलीफ है। और पानी का भी वही है, आपका वजन 10 पट कम पानी, ठीक है। अगर आप इस हिसाब से पानी पी रहे हैं, जरा सुनिए इस बात को गंभीरता से, वजन के हिसाब से पानी पी रहे हैं तो कभी मूल याद नहीं होगा, कभी बवासीर नहीं होगा, कभी भगंदर नहीं होगा, कभी आपको फिशर नहीं होगा, फिस्टुला नहीं होगा, कभी मूत खड़ा नहीं होगा, कभी मेद नहीं बढ़ेगा, मोटापा नहीं बढ़ेगा, कभी हृदयाघात नहीं होगा, कभी कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ेगा। वजन के हिसाब से पानी, और जो वजन के हिसाब से नहीं पी सकते हैं तो कम से कम 5 लीटर पानी जरूर रोज, हर रोज कम से कम। अब सवेरे अगर 3 गिलास पी लिया तो 1 लीटर तो वही हो गया, और दोपहर को भोजन के बाद 1.5 लीटर, फिर शाम को भोजन के बाद 1.5 लीटर, और बीच में 1 लीटर, तो 5 लीटर हो जाता आराम। और आप इसकी चिंता कभी मत करना कि लघवी बार बार जाना पड़ता है, जाइए, लघवी आ रही है बार बार तो समझ लो अंदर की सफाई हो रही है, कचरा सब उसी से निकलता था, ठीक है। फिर मैंने एक और एक्सपेरिमेंट किया, मेरे पास कुछ छोटे बच्चे हैं जिनको चश्मे हैं आंखों पर,
अब उनके माँ बाप बहुत परेशान है कि ये चश्मा कैसे उतरे, मोटे मोटे चश्मे हैं छोटे बच्चों, तो मैंने उनको भी सिखा दिया, देखो सवेरे सवेरे सोकर उठो और मुंह का थूक आंख में लगाओ काजल की तरह से। तो बच्चों ने चालू कर दिया, बच्चे बहुत भोले होते हैं, सीधे होते हैं, कोई भी बात अगर समझ में आए तो करते। अब आपको हैरानी होगी कि चश्मे उतर गए सिर्फ ये लार लगाने से। आप भी करके देख लीजिए जिनको भी चश्मे, बस अंतर इतना है कि बच्चों को जल्दी उतरे, आपको थोड़ा देर में उतरेंगे लेकिन उतर जाएंगे। उम्र ज्यादा बढ़ेगी तो थोड़ा दिन करना पड़ेगा, कम उम्र में बहुत जल्दी उतर जाए। आंखों की रोशनी बढ़ानी है तो मुंह की लार सुबह सुबह की आंखों में लगाइए काजल की तरह से। और एक बताता हूं, एक बीमारी आती है जिसको हम कहते हैं कंजक्टिवाइटिस, आंखों की बीमारी है, अक्सर उसमें आंखें लाल हो जाती हैं, आंखों में बहुत जलन होती है, जैसे खून उतर आया हो आंखों में, वो कंडीशन हो जाती है। कोई भी आयुर्वेद की दवा आप खाएंगे 3 से 4 दिन में ही बीमारी ठीक होती है, लेकिन अब की बार अगर ये बीमारी आए तो आप ये करना, सुबह सुबह उठते ही मुंह की लार लगाना, 24 घंटे के बाद आपको पता ही नहीं चलेगा बीमारी कहां गई, 24 घंटे में ही ठीक होते हैं कंजक्टिवाइटिस। अगर बच्चों में बचपन से आंखों के ऐसे कोई रोग हैं, जैसे मेरे पास एक छोटा बच्चा है 8 साल का है, उसका मैं ट्रीटमेंट कर रहा हूं, उसकी आंखें टेढ़ी हैं, वो देखता कहीं है और दिखता कहीं है उसको, ऐसा है। अब उसके माता पिता गरीब हैं और वो ऑपरेशन का खर्चा नहीं उठा सकते, उस बच्चे पर मैं यही एक्सपेरिमेंट कर रहा हूं, लगभग मुझे 4-4.5 महीना हो गया है और उसका टेढ़ापन, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं भेंगापन, उसका भेंगापन लगातार कम हो रहा है और आंखों की पुतलियां बिल्कुल बीच में सेट हो रही। तब मुझे थोड़ी जिज्ञासा हुई और मैंने एक बहुत बड़े वैज्ञानिक को पूछा दिल्ली में कि ये लार में क्या है, एक्चुअली इसका एक्टिव इंग्रेडिएंट क्या है। तो उन्होंने कहा भैया जितने एक्टिव इंग्रेडिएंट मिट्टी में है वो सब लार में है। तो मैंने आपको बताया मिट्टी में 18 एक्टिव इंग्रेडिएंट्स हैं, लार में वो सब के सब हैं। इसलिए लार शरीर के लिए बहुत ही कीमती है, बेशकीमती है, इसको कभी नष्ट नहीं करना, इसकी मदद से आप बहुत सारे रोग ठीक करते। और 2-4 बातें बता दूं, क्या क्या रोग और ठीक कर सकते हैं। आपके शरीर में कोई दाग हो गया, धब्बा हो गया, जैसे जल गए, जलने का दाग होता है ना, उस पर नियमित रूप से सवेरे की लार की थोड़ी थोड़ी मालिश करते रहिए, 6-8 महीने में धग्गा धब्बा बिल्कुल साफ हो जाए, जले हुए का धब्बा। शरीर में और कोई ऐसा अंग में सफेद दाग दिख रहा है या काला दाग हो गया या फलाना हो गया या ढिमाका हो गया, एक्जिमा हो गया, मान लो खराब बीमारी की बात करूं, एक्जिमा हो गया, एक्जिमा पे रोज सुबह की लार लगाइए, मालिश करते रहिए, 6-8 महीने के बाद देखिएगा साफ। और एक्जिमा से भी ज्यादा खराब बीमारी है सोराइसिस, वो भी ठीक होती है इसी लार से। बस इतना है कि साल भर करना पड़े, मुफत का इलाज है, फोकट का इलाज। भागवत जी ने जितने भी इलाज बताए हैं सब फोकट के और मुफत के, बाहर जाने की जरूरत ही नहीं है। तो आप स्किन डिसीज में इसका एक्सपेरिमेंट करिए, आंखों की बीमारियों में इसका एक्सपेरिमेंट करिए, घाव हो जाए कहीं शरीर में उस पर एक्सपेरिमेंट करिए, फोड़े फिंसियों पर इसका एक्सपेरिमेंट करिए। मैंने ये चारों एक्सपेरिमेंट किए, बहुत अच्छे रिजल्ट हैं, आप भी करिए, रिजल्ट आपको भी मिलेंगे। बस इतना ही है कि आप दूसरों को भी बताते जाइए। तो आपने अपना दुख तो कम कर लिया, आप दूसरों का भी कम कराइए ना, तभी मोक्ष जाएंगे। आंखों की बीमारी है हमारे घरों में, जैसे चश्मा चढ़ गया है, दिखाई कम देता है, आंख में मोतियाबिंद आ गया है, कैटरेक्ट हो गया है, मायोपिया है, रेटिनल डिटैचमेंट है, ये सब बीमारियों की बहुत अच्छी दवा अपने पास है, देशी गाय का मूत्र आंख में डालो। गाय का मूत्र ले लो, देशी गाय का, बोतल में भर के रखो, एक एक बूंद उसको आंख में डालो, सुबह डालो तो बहुत अच्छा है, नहीं तो शाम को सोते समय। देशी गाय का मूत्र जैसे ही आप डालेंगे आपकी आंखों से चश्मा उतर जाएगा। देशी गाय का मूत्र डालेंगे, मोतियाबिंद अपने आप गल जाएगा बिना ऑपरेशन। देशी गाय का मूत्र डालेंगे, रेटिना आपका एकदम दुरुस्त हो जाएगा, रेटिना पे कोई भी तकलीफ हो वो मूत्र से ठीक हो जाएगी। जिनको आंखों में ज्यादा पानी आता है बार बार, उनका पानी आना बंद होगा। जिनको आंखों
में खारिश होती रहती है वो खारिश ठीक होगी। जिनकी आंखें लाल रहती है अक्सर वो आंखों का लाल लालमी ठीक कर देगा। आंखों की 20 से ज्यादा बीमारियां गाय के मूत्र से ठीक हो जाती। मैंने गोमूत्र पर लगभग 20 साल रिसर्च किया। इतना अद्भुत है ये कि इसका वर्णन करो घंटों घंटों लगते हैं। गाय के मूत्र का उपयोग आप करिए आंखों के लिए बहुत ही बढ़िया दवा है। बस इसका ध्यान ये रखना है कि गाय का मूत्र लेना वो गाय देशी होनी चाहिए और गाय गर्भवती ना हो। गाय जब गर्भवती होती है उस समय का मूत्र मत लेना नहीं तो आंखों में जलन हो जाएगी। गाय की बछिया का लेना जो माँ नहीं बनी उसका सबसे अच्छा। और यही गाय का मूत्र अगर कान में डालोगे आप तो कान के कई रोग ठीक करेगा। जैसे कान में से अक्सर मवाद आता है पस निकलता है गोमूत्र डाल दो ठीक हो जाएगा। कान से कम सुनाई दे रहा है गोमूत्र डालो अच्छा सुनाई देगा। कान में फोड़े फुंसी हो जाए गोमूत्र डालो ठीक हो जाएंगे। कान में से कई बार घम ऐसी आवाज आती रहती है गोमूत्र डालो आवाज क्लियर हो जाएगी। कान की बीमारियों में भी ये काम आता है। कान की बीमारियों के लिए और एक दवा अपने रसोई में है, रसोई में नहीं घर में है, एलोवेरा। एलोवेरा का प्लांट अपने घर में लगा के रखो, थोड़ा सा उसका पत्ता काटो उसका छील कर रस निकाल लो, वो एलोवेरा का रस कान में डालो तो कान की लगभग हर बीमारी में ये भी काम आता है एलोवेरा का रस। चिकित्सा वो स्वदेशी है क्योंकि सबसे पहले आयुर्वेद से ये निकली, लेकिन बीच में क्या हुआ इस पर भारत में काम नहीं हुआ तो ये परदेश चली गई, फिर वहां से ये वापस आई तो नाम बदल हो गया उसका। औषधि सभी आयुर्वेद की है, इसमें जितनी भी औषध है सब आयुर्वेद की। यूनानी बिल्कुल अलग चिकित्सा पद्धति है, वे यूनान माने यूरोप के देशों से निकली है, उसका कुछ कुछ मेल जोल जो है ना आयुर्वेद से है, पूरा नहीं है। जैसे हम बात पित्त कफ की बात करते हैं उनके यहाँ सोया सिफिलिस इस तरह के हैं, तो उनकी थोड़ी अलग है पद्धति। आयुर्वेद का ही एक हिस्सा है जर्मनी से आया। नहीं अल्कोहल तो भारत की बहुत सारी आयुर्वेद की औषधियों में है, सभी लगभग आयुर्वेद की जितने भी आसक बनते हैं ना आसक द्राक्षासर है ये आसक सभी अल्कोहल है। तो अल्कोहल होने से विदेशी होना नहीं है। इसमें हुआ ये कि पहले ये भारत में निकली 3,500 साल पहले, थोड़ा इसका काम हुआ प्रचार भी हुआ, फिर बीच में क्या हुआ कि हमारे लोगों ने उस पर ध्यान कम दिया इसलिए कि शायद इसकी ज्यादा जरूरत नहीं पड़े। तो धीरे धीरे जिस पर ध्यान कम दो ना खत्म होने लगता है, तो 100-200 साल ध्यान नहीं दिया तो खत्म सा हो गया। फिर मध्य काल में आयुर्वेद जब यहां से बाहर गया पुर्तगाली यहां से ले गए सबसे पहले, फिर पुर्तगालियों से स्पेनिश लोगों ने सीखा, स्पेनिश लोगों से जर्मन लोगों ने सीखा, तो जर्मनी वालों के हाथ में कुछ आयुर्वेद की पुरानी ग्रंथ आए जिसमें सूक्ष्म चिकित्सा है। सूक्ष्म चिकित्सा माने औषध को सूक्ष्मतम रूप में देना तो इसका प्रभाव ज्यादा है, ये एक सिद्धांत है आयुर्वेद का। कोई औषध है जितने कम से कम में आप दोगे असर उतना ही ज्यादा है उसका। स्टीरॉयड होम्योपैथी में तो किसी में नहीं, आयुर्वेद में कभी कभी होता है, होम्योपैथी में स्टीरॉयड मिल नहीं सकता। तो इसको उन्होंने जर्मनी वालों ने थोड़ा इसको फाइन किया, इस पे काम किया, फाइन किया, फाइन करके जब ये प्रचारित हुए तब ख्याल में आया ये तो पहले भी था भारत में, उन्होंने फिर क्या किया औषधियों के नाम सब जर्मन के हिसाब से रख दिया, जर्मन फ्रेंच और उन भाषाओं से। जब मैं नाम बोलता हूँ नक्स वोमिका ये जर्मन नाम है, या आर्निका ये जर्मन नाम, तो ये जर्मन और फ्रेंच दो भाषाओं में से निकले हुए ज्यादा नाम, अंग्रेजी नाम इसमें बहुत ही कम है। हाँ सब बनती है क्योंकि बनती तो सब जड़ी बूटियों से है, जैसे नीम है, नीम में से कई औषधि निकलती है, तुलस में से कई औषधि बनती है, आल में से कई औषधि बनती है, चूने की निवड़ी है उसमें से एक औषधि बनती है कैल्केरिया फॉस, जो मैं बहुत लोगों को बताता रहता हूँ। तो ये सब औषधि ऐसे ही बनती है आयुर्वेद में से, मूल अर्थ होता है उसी में से ये सब बनते हैं। इनके बनाने की विधि ऐसी है कि जैसे मान लो मुझे ये बनाना है कैल्केरिया फॉस,
कि कैल्केरिया फॉसी जर्मन नाम है, हिंदी नाम इसका चूना है, मराठी नाम चूना है और जर्मन नाम इसका कैल्केरिया फॉस है। तो अब हम क्या करेंगे, चूने को पानी में भिगोएंगे, ठीक है, अब ऊपर पानी आ जाएगा, तो इसमें से एक बूंद पानी लेंगे, चूने का पानी एक बूंद, और 100 बूंद एल्कोहल में उसको डालेंगे, 100 बूंद एल्कोहल में एक बूंद पानी डालेंगे, तो ये पोटेंशियल मेडिसिन जितनी कम होती जाएगी मात्रा बढ़ती जाएगी उसकी ताकत औषधि। एक एक बूंद डाला उसमें से एक बूंद निकाल रहे थे तो कितनी कम होती है औषधि। तो सूक्ष्मतम रूप में जो औषधि दी जाती है प्रभाव उसका सबसे अधिक होता है। तो ऐसा 12 बार करेंगे तब 12x तैयार होगा, और 200 बार करेंगे इसी तरह से एक एक बूंद डाल के उसमें से एक निकाल के तब 200 तैयार होगा। वन ऑन माने 1000 बार ऐसा करेंगे तब वो तैयार होगा। तो आप सोचो कि सबसे अंतिम पोटेंसी होती है सीएम, वो लाखों लाखों बूंद में से एक निकलती है, लेकिन काम इतना तेज करती है कि कोई कल्पना नहीं कर सकता। मेरा एक्सीडेंट हुआ था करीब 1.5 साल हो गया या 2 साल हो गया, एक हमारी बड़ी गाड़ी है आजादी बचाओ आंदोलन की बस है पूरी स्पेशल डिजाइन, वो पलट गया था पूरा, तो बिल्कुल उल्टा हो गया था, तब बहुत छोटा ही थी। तो उस समय मैंने आर्मिका, इसकी सबसे ऊंची पोटेंसी सीएम लिया, आर्मिका, तो आर्मिका की सबसे हाईएस्ट पोटेंसी सीएम जिसमें दवा सबसे कम होती है। और स्थिति ये थी कि मैंने जिस समय दवा लिया उसके 3 घंटे के बाद मैं मेरे काम पे लग गया, और डॉक्टर ने कहा था कि आपको तो 2-2.5 महीने बेड रेस्ट करना ही पड़ेगा क्योंकि इंजरी है, लिगामेंट इंजरी है, अंदर की इंजरी है, ये ठीक होने। मैंने कहा तुम डॉक्टर तुम्हारी रखो, मुझे बस इतना बता दें कि कहाँ इंजरी है। तो हमारा दोस्त ही है वो डॉक्टर ऑर्थोपेडिक सर्जन, उसने कहा इतनी इतनी है, तो मैंने कैलकुलेशन कर लिया सीएम पोटेंसी का, एक डोज लिया बस, 3 घंटे के बाद मैं व्याख्यान दे रहा था और लोग हैरान हो गए कि इनको तो कल एक्सीडेंट हुआ था, इनको तो बिस्तर पर होना चाहिए और मैं व्याख्यान दे रहा था। तो इतनी ताकत है होम्योपैथी की दवाओं में। एलोपैथी वाले कम से कम 2.5 महीने बेड रेस्ट कराते हैं और प्लास्टर बांध देते हैं और वो सब कर देते हैं, मैंने प्लास्टर नहीं बांधने दिया, क्रैक है फिर भी ठीक करता है, बस इतना ही है कि उसको पट्टी बांध के बराबर कर लेना, प्लास्टर चढ़ाने की जरूरत नहीं, वो हड्डी को दवा जोड़ देती है। तो ये आयुर्वेद का एक सिद्धांत है, दवा को सूक्ष्मतम रूप में लेना तो सबसे ज्यादा प्रभावी है, ये आयुर्वेद का सिद्धांत है। ये जर्मनी वालों ने ले लिया, उस पर काम किया, फिर अपना सिक्का लगा के दुनिया में फैलाया। और हम ऐसे मूर्ख लोग हैं जो अपनी बात को कभी दूसरे के सामने सिद्ध नहीं करते, नहीं उस समय तक उनके यहाँ इतना रिसर्च नहीं हुआ था, ये तो अभी हुआ है। ये पैदाइशी अपंग है उन पे तो काम होता है, लेकिन हिरोशिमा नागासाकी से जो अपंग हुए एटॉमिक रेडिएशन से, उनके लिए औषध नहीं है, दुनिया में नहीं है। मैं हो, हाथ में हो, पांव में हो, कहीं भी हो, आप इसकी 3 खुराक दीजिए, 2-2 थेम जीप पर 10-10 मिनट से या 15-15 मिनट से, जब भी मुक्का मार हुआ उसी समय, जितनी जल्दी दें उतना अच्छा। तो ये औषध जो है, अरे 3 खुराक दीजिए, 2-2 थेम सीधे जीप पर 10-10 मिनट से, इतना ही अगर आपने दे दिया तो उसका 1000 रुपए बच जाएगा। अभी ये बताते हैं, इनका एक दोस्त है, थोड़ी चोट लग गई मोटरसाइकिल से, 30,000 खर्च हो चुका है अभी तक, और अभी भी डॉक्टर छोड़ नहीं रहा है, और डॉक्टर कह रहा है कि सिर में चोट है, ऐसा बोल रहा है। क्या बोल रहा है? और 1 महीना रखना पड़ेगा। और ये औषध जो है ना 24 तास में ठीक कर देते, आपने दिया, देने के ठीक 24 तास के बाद बराबर हो जाता है, कितनी भी गहरी चोट हो। बहुत कम ऐसा होता है कि इस औषध को दूसरी बार देना पड़े, एक दिन दे दिया 10-10 मिनट से, 2-2 थेम उतना ही काफी है। ये औषध उसकी बहुत काम की है जिनको मुक्का मार होता है, किसी भी कारण से हो, बच्चों को हो तो ये पानी में डाल के देना है, 1 थेम 1/4 कप पानी में डाल के उसमें से 2-2 चम्मच पानी 3 बार। इस औषध के इतने अच्छे काम है कि जब भी मुक्का मार होता है तो सूज आती है और सूज को तुरंत ठीक करती है। दूसरा, जो सेल्स हैं हमारे, कोशिकाएं, रक्त कोशिकाएं है ना, वैसे ही मांस कोशिकाएं होती है, उनमें भयंकर टूट फूट होती है जब मुक्का मार होता है, तो कई कोशिकाएं मर जाती हैं, नई नहीं बनती वहां पर, जब तक नई नहीं बनती तब तक सूज नहीं जाती, तो ये तुरंत नई कोशिकाएं बनाना शुरू कर देती है। बहुत अच्छी औषध है, ये औषध सबके पास होनी चाहिए, हर गांव में होनी चाहिए, क्योंकि ये मुक्का मार अक्सर होती रहती है। फ्रैक्चर भी एक तरह का मुक्का मारी है ना, उसमें भी, हाँ बिल्कुल, अभी दिया ना उस बच्चे को,
आप ये दवा का नाम लिख लो, ये दवा सवा वर्ष हो या 50 वर्ष हो, आप ले लो ये दवा, लिख लो, कल मंगा लेना, कल ही तीन 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 बार ले लेना, परसों से आपका दर्द खत्म हो जाएगा, 10 वर्ष पुराना हो या 50 साल पुराना। प्लास्टर हो गया तो ठीक है, आप ये औषध तो दे दो, फ्रैक्चर भी मुक्का मारी है एक तरह का, हड्डी में चोट है, अंदर की चोट है, हाँ तो भी थोड़ा अगर पट्टी ही बांध दिया और ये औषध दे दिया तो चलेगा, ठीक कर देगी। हाँ हड्डी टूट गया, बाजू में सरक गया तो उसको हड्डी के साथ जोड़ दो, पट्टी बांध दो और ये औषध दे दो, जुड़ जाएगा, वो अपने आप जोड़ देगा। आप तो हड्डी को हड्डी के नजदीक रख दो और पट्टी बांध दो, हिलना नहीं चाहिए, वो उसी को जोड़ देगा। कितना भी अंतर हो नजदीक लाओ उस हड्डी को दूसरी हड्डी के, डॉक्टर भी यही करता है, कितना भी बड़ा अंतर है हड्डी को हड्डी के साथ बिठाता है, प्लास्टर बांध देता है। अरे यार अगर छोटा मोटा है उंगली उंगली का अंगूठे का तो कोई भी कर लेता है, हाथ पांव का है तो तकलीफ आती है, लेकिन अभ्यास से तो सब सीखा जा सकता है। लोग गांव में ये जोड़ देते हैं वो क्या एमबीबीएस है, गांव में ये लोग जो हड्डी जोड़ते हैं वो कोई एमबीबीएस थोड़ी है, अभ्यास से सीखे हैं, आप भी सीख सकते हैं। चोट का पुराना जितना भी दर्द है ना वो दुखता ही है हमेशा, जब तक अंदर से मुक्का मार जो है ना ठीक नहीं होता, इसलिए ये औषध आप हमेशा याद रखिए। कभी भी एक्सीडेंट हुआ, सिर गिर गए, पेड़ से गिर गए, छत से गिर गए, कोई चोट लग गया, पांव मुड़ गया, कुछ भी हुआ, किसी ने टक्कर मार दिया, अंदर की चोट जिसमें खून नहीं निकला उसकी सबसे अच्छी औषध यही। एक ही संधिवात में ये चलेगा कि बहुत दर्द हो संधिवात में और उसका शरीर को छुओ तो भी उसको दर्द हो, इतना तेज दर्द हो तब चलेगा, बाकी किसी में नहीं। ये जो औषध है ना ये तो एक है ही, इसके साथ मुक्का मार जिनको भी होता है उनको तुरंत चूने की निवड़ी खानी चाहिए। ये औषध तो लिया, इसके साथ चूने की निवड़ी, दही के साथ खाओ नहीं तो पानी में डाल के खाओ, आधा पौना घंटे के बाद छोड़ दो, अगले दिन से चूने की निवड़ी शुरू कर दो खाना। अगर खाली अंदर की चोट है तो ये पर्याप्त है, लेकिन हड्डी टूट गई अगर तो चूने की निवड़ी शुरू करो फिर खाना, 2 चम्मच चूने की निवड़ी, आधा कप पानी या आधा कप दही, वो तो कम से कम 1-1.5 महीने हड्डी को जोड़ना है तो, हड्डी को जोड़ने के लिए कैल्शियम लगता है, ठीक है। हाँ खून निकलता है अगर एक्सीडेंट में, खून निकल गया एक्सीडेंट में तो खून बनना चाहिए वापस उतना शरीर में, तो ऐसी औषध देना जो तुरंत खून बनाए, है ना, पहला काम तो ये। दूसरा अगर वो चोट लगी और कुछ चोट ऐसे लगी लोहे से लगी, कीला लग गया, लोहे का लगा फट गया, ठीक है, तो डॉक्टर वो एटीएस का इंजेक्शन देता है, एंटी टिटनेस धनुर्वात आप जिसको कहते हैं, उसका इंजेक्शन नहीं लेना हो तो एक औषधि है उसका नाम है हाइपेरिकम। ये कितना भी खराब जंग लगा लोहा लग गया, कितना भी खराब हो, कितना भी पुराना हो, कितना भी खराब हो, सीधे आप ले लिया तो ये बिल्कुल टिटनेस नहीं होने देता, धनुर्वात नहीं होने देता, बहुत अच्छी औषधि। तो चोट लगी अगर खून नहीं निकला तो रूम तारनिका दीजिए, खून निकला और उसमें कुछ लोहा लगा है या कुछ लगा है तो हाइपेरिकम दी, हाइपेरिकम खून निकलना बंद कर देगा और तुरंत नया खून बनाएगा, जितना निकल गया उतना ही बनाएगा है। वो दो दो तीन 10-10 मिनट से सीधे जीभ पर 3 बार, नहीं जितना गया उतना बनाएगा, रक्तदान में नहीं, चोट में जो गया, हाँ रक्तदान में नहीं होता, रक्तदान में उसके लिए नहीं है ये औषधि। ये तो सिर्फ हमारा एक्सीडेंट हुआ या किसी का एक्सीडेंट हुआ, सिर फट गया या जो भी कुछ हुआ उस समय के लिए रक्त निकल गया तो काम आने वाली औषधि। अंदर खून जमा है तो उसकी अलग औषधि है, नेट्रम सल्फ उसका नाम है, वो खून जमा है निकाल देगी उसको। हाँ मीट सबसे अच्छी औषध है, सब जमा रक्त को निकालता है, कहीं भी सिर में हो अंदर ब्रेन में, RX तो डॉक्टर का निशान, इसका अर्थ जर्मन में अर्था है ये ईश्वर में आपको प्रार्थना करता हूं, रेस्पॉन्डे सिल्वू प्ले, जर्मन भाषा का शब्द है,
मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ फिर औषध लिखता हूँ। होम्योपैथी में ये कहा जाता है वी ट्रीट ही क्योर, हम प्रयास करते हैं ठीक वो करता है, तो इसलिए आरएक्स लिखते हैं उसको, ईश्वर के लिए लिखते हैं। जैसे आप ओम लिखते हैं ना ओम या राम कृष्ण हरि, ऐसे ही ये है आरएक्स। हाँ सभी में लिखते हैं, एलोपैथी में भी लिखते हैं, होम्योपैथी में लिखते हैं, ईश्वर के लिए रखा जाता है। पूरा आर से रेस्पोंडे, एक्स से सिल्व प्ले, रेस्पोंडे आर से रेस्पोंडे, हाँ जर्मन शब्द है, और एक्स से सिल्व प्ले, सिल्व प्ले, रेस्पोंडे माने मैं प्रार्थना करता हूं आपसे कृपा करो, ये दवा में लिख रहा हूं। डॉक्टर लिखते हैं आपसे, उसके चक्कर में क्यों फंसना, आप सीधे नाम लिखो। हाँ उतने से निकल जाएगा, कहीं भी रक्त जमा रहे, कहीं भी जमा, पानी में डाल के दो, भोजन में ज्यादा मीट खिलाओ। नहीं फिर नहीं देना, आपने प्रश्न किया था अंदर रक्त जमा है, आपका जो प्रश्न है वैसे ही उत्तर मैं देने वाला हूँ। आप ये कहो हमें मालूम नहीं तो फिर बात मत करो इसकी, इसमें क्या है मजाक नहीं है, ये बहुत सीरियस चीज है। आपको कंफर्म है तो औषधि दो, नहीं है तो पहले पता करो, अंदाजे में कहीं कुछ मत करो, अंदाजे में ये सब एलोपैथी वाले करते आप मत करो, वो तीर चलाते हैं अंधेरे में, लग गया तो ठीक नहीं तो गया, उनको क्या आ जाता है, जाएगा तो पेशेंट का जाएगा, उनको बराबर पैसा भी मिलने वाला है, फीस भी मिलने वाली, वो मरे जिंदा रहे उनको कोई फर्क नहीं। तो ये अंदाजे में ही सब इतने लोग मरते हैं इस देश में एलोपैथी में, आप अंदाजा मत लगाओ, जितना कन्फर्म है उतना ही करो, अगर मुक्का मार है तो कन्फर्म है तो उतना ही करो, आर्मी का दे दो। अब अंदर कहीं रक्त जमा है मालूम है आपको तभी देना, नहीं तो नहीं दे देना, ऐसे ही कोई काम नहीं करना, बिना विचारे बिना सोचे बिना निश्चित हुए कुछ करना नहीं। अब जो है अब क्या रोग है आगे प्रमाण एक ही भाई सबको, एसिडिटी नहीं बताया, बताओ जीरा अल्सर बहुत बोली है, जीरा एसिडिटी अल्सर दोनों भाई भाई, सूख जीरा और थोड़ा नमक, अल्सर भी वही काम करेगा जीरा ही काम करेगा, अल्सर में सौंफ नहीं चाहिए खाली जीरा, वही पानी में डाल के उबाल के, अल्सर कितना दिन का है, अगर ज्यादा दिन है तो ज्यादा दिन देना पड़ेगा, कम दिन का है तो जल्दी ठीक होगा, हड़द पानी भी दे सकते हैं उसको, पानी में हड़द मिला के, अल्सर अगर बहुत खराब है तो। अल्सर माने पोट में होने वाला कोई घाव, अंदर जो घाव होता है उसको अल्सर कहते हैं, आंतड़े में हो सकता है, वो तो कई कारण है उसके, खून आता नहीं भी आता, ये अंदर जो आहार नली है इसमें कहीं भी घाव हो सकता है, आंतड़ियों में हो सकता है, जहां पर हमारा जठर है वहां हो सकता है, कहीं भी अंदर घाव हो गया उसको अल्सर कह देते हैं। आ भी सकता है खून, नहीं भी आ सकता, जरूरी नहीं है। अपेंडिसाइटिस, अपेंडिसाइटिस माने अंतड़ियों के नजदीक की दो नसें एक दूसरे के ऊपर चढ़ना या उनका फूल जाना, तो दर्द होता है, वो करते हैं आप नेक्स होने का दे दो जो पहले मैंने बताया हुआ है, अपेंडिक्स छोटा नाम है, पूरा नाम है अपेंडिसाइटिस स्वामी का। टू हंड्रेड है, थर्टी है, जो भी है, दोनों ही चलता, 1000 भी चलता है इसमें। हाँ और कभी भी नक्सवामी का दिया ना तो दो तीन केस को छोड़कर रोज नहीं दे सकते, जैसे मैंने बोला
फागुड़ में उसको रोज दे सकते हैं मैक्सिममी का, जुलाब हो रहा है तो जब तक जुलाब बंद नहीं हो सकता रोज दे सकते हैं, दो ही तीन बीमारियों में रोज दे सकते हैं, बाकी सभी बीमारियों में अठवाड़िया में एक दिन या ज्यादा से ज्यादा चार दिन में एक दिन, रोज नहीं। अपेंडिसाइटिस में तो सप्ताह में एक ही दिन काफी होता है, कम से कम तीन चार सप्ताह में ठीक होगा। अब आगे चलते हैं, मूल व्याप, बवासीर, भगंदर, ये तीनों एक ही तरह के रोग हैं। फाइव एम एल और सल्फर 35 ml, ये मूल व्याप, बवासीर, भगंदर तीनों की सबसे सरल औषधि है जिसमें साइड इफेक्ट नहीं, और आप दे सकते हैं अपने से स्वयं। औषधि तो और भी बहुत है, देने का मैं बता रहा हूं। नक्श वर्णिका जो है ये रोज शाम को एक थेम देना है जीभ पर, जवान पर, शाम को भोजन के आधे घंटे के बाद, जीवन के नंतर। अब दूसरी जो औषध है सल्फर, ये सप्ताह में एक दिन देना, अठवाड़िया में एक दिन एक थेम नक्श वर्णिका। अब आपको बीमारी कैसी है, अगर ज्यादा खराब नहीं है तो 10-12 दिन में ठीक करेगा, बहुत ज्यादा बिगड़ा हुआ है तो एक महीना लग जाएगा। तो ये दे दिया भोजन के आधे घंटे बाद शाम को, ये सकाळी और दोपहरी नहीं देना, दोपहरी संध्या का। सल्फर 200, ये भी 5 ml लेना है, इसका एक एक थेम जीभ पर सप्ताह में एक दिन, और ये हाँ जवान पर नहीं, ये सुबह खाली पेट देना एक थेम, दोपहर को भोजन के आधा पौना घंटे बाद देना, फिर रात को भोजन के बाद, ये दिन में तीन बार देना एक दिन। औषध लेने के आधा घंटे पहले भी पानी नहीं पीना चाहिए, ठीक है। तो मैंने ये बोला कापूर और केला, वो तो आयुर्वेद का है, गौमूत्र के साथ लेना, और ये होम्योपैथ का, इससे लगभग 90% बवासीर, मूल व्याप, भगंदर ठीक हो जाए। 10% इसलिए बोलता हूं कि बहुत कॉम्प्लिकेशन हो जाता है, जिनको 8 साल से 10 साल से है, 2-3 बार ऑपरेशन करा चुके हैं फिर हो गया है, तो उनका इलाज आप मत करना, उनके बारे में मुझे या तो खत लिखना या तो आप कोई नजदीकी होम्योपैथी डॉक्टर को कहना। कॉम्प्लिकेशन जिनको हो गया, जैसे एक ऑपरेशन करा चुके हैं, दो करा चुके हैं, फिर मूल व्याप हो रहा है, बार बार हो रहा है, इसका माने वो टेंडेंसी बन गया है शरीर के, उसको निकालने के लिए फिर ज्यादा गंभीर अध्ययन करना पड़ता है, और उसके लिए औषध सिलेक्शन बहुत तकलीफ से होता है, वो आप नहीं कर पाएंगे, बहुत अभ्यास से ही होता है वो, तो वो आप मत करना। साधारण जिनको है, पहली बार हुआ है, ऑपरेशन नहीं कराया, उनको आप ये देना, एक तो पहले वो देना, उसका साइड इफेक्ट कुछ नहीं, कपूर, केला और गौमूत्र। कुछ ऐसे भी मूल व्याप हैं जो कपूर, केला, गौमूत्र से भी ठीक नहीं होते, उनके लिए फिर ये देना, और जो इससे भी ठीक नहीं हुआ तो फिर मुझे बताना। दोनों से ही ठीक होगा, एक से अकेले से ठीक नहीं होता, और ये दोनों तरह के मूल व्याप के लिए, एक रक्त वाला होता है, एक बिना रक्त वाला, दोनों। मांस ऐसा है कि हमारा जो मल निकलने वाला स्थान है वो एक पाइप के जैसा है, तो ये पाइप में अगर थोड़ा बहुत सड़ना हो जाए तो कई बार वो बाहर निकल आता है, तो ऐसा लोग बोलते हैं, डॉक्टर उसको उतना काट देते हैं जितना बाहर निकलता है, तो फिर और निकल आता है, क्योंकि ऑपरेशन इसका इलाज नहीं है। ऑपरेशन में तो बाहर से काटते हैं, लेकिन अंदर से निकलने की आदत बन जाती है उसकी, तो उसको मूल से ही ठीक करना पड़ता है, और इसका मूल जो है ना सबसे बड़ा है कोष्ठबद्धता। जिनको कब्जियत होगी, पेट साफ नहीं होगा, उन्हीं को ये रोग आता है, बाकी किसी को नहीं, और जो बहुत मिर्ची खाते हैं उनको कोष्ठबद्धता होती ही है। एक बार में जिनको संडास साफ नहीं होती, बार बार जाना पड़ता है, ये ध्यान रखें उनको ये होने की शक्यता है, संडास एक बार में ही साफ होनी चाहिए।
तरफ से, हाँ तो उनको भी शक्यता है कि वो होगा। उनके लिए उपाय मैं बताऊंगा, जब कोष्ठबद्धता में हम जाएंगे तब बताऊंगा। चलो आगे। मुंह में छाले बहुत रहते हैं, ये मुंह में छाले बहुत रहते हैं इसका माने पेट आपका साफ नहीं है, बड़ी आंत आपकी कचरे से भरी हुई है। तो मुंह में छाले रहते हैं तो सुबह सुबह का जो मैंने नियम बताया ना, पानी उठते ही पिए, घूट घूट पिए, तो छाले अपने आप खत्म। जैसे ही बड़ी आंत साफ हो जाएगी छाले कभी नहीं आएंगे। और अगर आपको ये करने के बाद भी छाले में आराम नहीं मिल रहा है तो आपको एक सरल आसान दवा बता देता हूं जो होम्योपैथी की दुकान में मिलती है, जो बड़ी आंत को सबसे जल्दी से साफ कर देती है। उस दवा का नाम है बोरेक्स। सुहागा, सुहागा आप सब जानते हैं ना, सुहागा आंत को साफ करने वाली सबसे तीव्र दवा है, तीव्र। इसी का डाइल्यूशन करके होम्योपैथी में बनाया बोरेक्स। तो ले लें किसी भी होम्योपैथी की दुकान से, खरीद लें 30 पोटेंसी में या 200 पोटेंसी में, इसके तीन ही खुराक लेंगे तो जीवन भर के लिए छाले की बीमारी आपकी आएगी नहीं, क्योंकि यह तुरंत बड़ी आंत को साफ करता है। पानी करेगा, धीरे धीरे करेगा। बोरेक्स तो एक ही दिन में काम करता है, लेकिन बागवत जी कहते हैं ये एक ही दिन का चक्कर छोड़ना चाहिए, तुरंत हर चीज का रिजल्ट मिल जाए। वो कहते हैं जीवन में कोई भी चीज फास्ट है ही नहीं, हर चीज स्लो है। कि समय समय पर इन कंपनियों को अपनी दवा बेचनी है, और दवा बेचनी है तो उसके लिए माहौल बनाते हैं, वातावरण तैयार करते हैं। और वो वातावरण और माहौल कैसे तैयार किया जाता है उसका ताजा उदाहरण है स्वाइन फ्लू। स्वाइन फ्लू आ गया, स्वाइन फ्लू आ गया, स्वाइन फ्लू आ गया, सारे देश में हल्ला हो रहा है, अखबारों में फ्रंट पेज पर खबर छप रही है, टीवी चैनलों पर दूसरी न्यूज ही नहीं है सिवाय इसके कि स्वाइन फ्लू स्वाइन फ्लू। हर दिन कैंसर से 1500 लोग मरते हैं औसतन, और 1200 लोग करीब करीब दमा अस्थमा ट्यूबरकुलोसिस से मरते हैं। हृदय घात की बीमारियों से 800 से 1000 लोग हर दिन मरते हैं। तो इतनी बड़ी मौत के आंकड़े हैं, कैंसर, हार्ट अटैक, दमा अस्थमा ट्यूबरकुलोसिस, उसके बारे में मीडिया में कोई चर्चा नहीं है। स्वाइन फ्लू स्वाइन फ्लू स्वाइन फ्लू, इसका एक रहस्य है। रहस्य इसका ये है कि कैंसर का वैक्सीन नहीं बनता, ट्यूबरकुलोसिस का वैक्सीन नहीं बनता, दमा का वैक्सीन नहीं बनता, अस्थमा का वैक्सीन नहीं बनता, हृदय घात का वैक्सीन नहीं बनता। मतलब सीधा सा ये है, जिन बीमारियों के वैक्सीन नहीं बन सकते उन बीमारियों पर मीडिया चर्चा नहीं करता, क्योंकि उनसे कंपनियों को कोई बड़ा लाभ होने की गुंजाइश नहीं। स्वाइन फ्लू का वैक्सीन बन सकता है, एवियन फ्लू का वैक्सीन बन सकता है, सार्स का वैक्सीन बन सकता है, और थोड़े दिन पहले बर्ड फ्लू आया था उसका वैक्सीन बन सकता है। तो एवियन फ्लू है, बर्ड फ्लू है, सार्स है, स्वाइन फ्लू है, इन सब बीमारियों के वैक्सीन बन सकते हैं और वैक्सीन बनकर बाजार में बिक सकते हैं, और इसमें विदेशी कंपनियों को मुनाफा बहुत भयंकर है। इसलिए मीडिया में ये सारी खबरें बाकायदा प्रायोजित तरीके से दिया जाती है, छपवाई जाती है, बनवाई जाती है। एक अमेरिकन कंपनी है, वो स्वाइन फ्लू की दवा बनाती है टैमीफ्लू, और जानकारी ये मिली है कि टैमीफ्लू दवा को बनाते समय वायरस जो है अनकंट्रोल्ड हुआ, नियंत्रण के बाहर हुआ, और उसने स्वाइन फ्लू को फैलाना शुरू किया सारी दुनिया। माने एक अमेरिकन कंपनी की बदमाशी से, एक अमेरिकन कंपनी की गैर जिम्मेदारी से स्वाइन फ्लू का वायरस सक्रिय हुआ और सारी दुनिया के 30 देशों को उसने अपनी चपेट में लिया। अब वो 30 देश हैं वो टैमी फ्लू के ग्राहक हो गए, वायरस निकला अमेरिका से, ग्राहक हो गए उनके दुनिया के 30 देश के लोग। अब वो सब लोग जिनको स्वाइन फ्लू होने की संभावना है या हो गया है, डॉक्टर उनको एक ही दवा लिख रहे हैं, टैमी फ्लू खाओ, टैमी फ्लू खाओ, टैमी फ्लू खाओ। जो विद्वान डॉक्टर हैं और जो इन कंपनियों के चक्कर में नहीं फंसते हैं, ऐसे भी कई डॉक्टर हैं, वो बता रहे हैं कि टैमी फ्लू बिल्कुल मत खाओ, क्योंकि आपने टैमी फ्लू खाया तो ये स्वाइन फ्लू का जो वायरस है ये स्ट्रक्चर बदलने में माहिर है, तुरंत नया स्ट्रक्चर ले सकता है और वो नए स्ट्रक्चर में रेजिस्टेंस आ सकता है, फिर कितना भी टैमी फ्लू खाना ठीक ही नहीं होने वाले।
तो ऐसा पूरे देश में आतंक और माहौल फैला दिया। और ये आतंक और माहौल के दो ही उद्देश्य हैं। पहला उद्देश्य है ज्यादा से ज्यादा टेमीफ्लू दवा बेचना, जो पिछले दसियों साल से इस कंपनी ने उत्पादन करके गोडाउन में भरी हुई है। अब वो गोडाउन खाली करना है। अब ये गोडाउन कोई ऐसा गोडाउन नहीं है जो टूथपेस्ट का हो, रोज इस्तेमाल करें और फेंक दें। ये गोडाउन तो तभी खाली होगा जब कोई दवा का आतंक हो, वायरस का आतंक हो और डर हो और दहशत हो। डर, दहशत और आतंक के चलते आदमी मजबूर हो जाता है महंगी से महंगी दवा खाने के लिए और महंगे से महंगा इलाज करने के लिए। तो ये स्वाइन फ्लू का वायरस इसी तरह का एक प्रोपेगंडा है। मुझे तो एक ही बात कहनी है, वो ये कि ये स्वाइन फ्लू नहीं है, मीडिया फ्लू है, मीडिया ने पैदा कर दिया। मैं आपको एक पुरानी जानकारी देना चाहता हूं, बहुत गंभीर है, आप उससे अंदाजा लगाइए कि ये कंपनियां कितनी निकृष्ट हैं, कितनी नराधम है। सन 1916 से 1918 के बीच में दो साल में दुनिया भर में एक बीमारी फैली, एवियन फ्लू। वो ऐसा ही था जैसे स्वाइन फ्लू है। और उस बीमारी के फैलने से सारी दुनिया में कुछ लोग प्रभावित हुए। जो लोग प्रभावित हुए उनकी संख्या बताई जाती है 4.5 करोड़। 4.5 करोड़ लोग उसमें प्रभावित हो गए। और 4.5 करोड़ लोग जो प्रभावित हुए, फिर मैंने ये जानने की कोशिश की कि मरे कितने उसमें से। तो मात्र 6,000 लोग मरे थे, मात्र 6,000 लोग मरे थे। अब उसके बाद क्या हुआ कि ये एवियन फ्लू का वायरस फैला और इसमें 6,000 लोग मर गए, सारी दुनिया में आतंक फैल गया। उस आतंक के चक्कर में एक अमेरिकन कंपनी ने वैक्सीन बना दिया एवियन फ्लू का, और वो वैक्सीन धड़ल्ले से सारी दुनिया में बेचा उन्होंने। और आपको सुनकर दुख होगा, उस वैक्सीन को लगवाने के बाद 60,00,000 लोग मर गए दुनिया में, और पता नहीं कितने अपंग हो गए, कितने विकलांग हो गए। बीमारी आने से 6,000 लोग मरे, बीमारी का वैक्सीन बना और उस वैक्सीन को सारी दुनिया में भेजा गया, फैलाया, सबसे ज्यादा अफ्रीका के देशों में, सबसे ज्यादा लैटिन अमेरिका के देशों में, ब्राजील में, मेक्सिको में, चिली में, कोस्टारिका में, कोलंबिया में, फिर अफ्रीका में, नाइजीरिया में, सोमालिया में, इथियोपिया में, दक्षिणी अफ्रीका में, रोडेशिया में। तो अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और भारत में भी हुआ था उसका। वैक्सीन का अंधाधुंध प्रचार हुआ, अंधाधुंध बिक्री हुई, 60,00,000 लोग वैक्सीन लगने के बाद मर गए, उसका क्या? एवियन फ्लू में तो 6,000 लोग मरे, वैक्सीन लगने के बाद इतने। माने वैक्सीन कितने खतरनाक हो सकते हैं उसका ये अंदाजा आप लगाइए। अब एवियन फ्लू का वैक्सीन आया और इतने लाख लोग मर गए। अब स्वाइन फ्लू का वैक्सीन आने वाला है और वो वैक्सीन हिंदुस्तानी और दुनिया भर के लोगों को धड़ाधड़ लगाया जाएगा। क्यों? क्योंकि स्वाइन फ्लू का वायरस जो फैला है, वायरस से ज्यादा डर फैला है, आतंक फैला है, दहशत फैली है। तो हर आदमी तैयार बैठा है वो वैक्सीन लगवाने के लिए। और एक व्यक्ति को वैक्सीन लगाने का खर्चा वो बोलते हैं 3,000 रुपए आएगा। अब हिंदुस्तान में ही अगर आप सोच लो कि अगर 10 करोड़ लोग भी प्रभावित होकर वैक्सीन लगवा लें और 3,000 रुपए का एक वैक्सीन आए, तो 30,000 करोड़ की बिक्री तो उनकी हिंदुस्तान में हो गई। अफ्रीका में, लैटिन अमेरिका के देशों में अगर हो जाए, हजारों करोड़ का माल बेचेगी एक कंपनी। और इस कंपनी के पास पेटेंट है 20 साल तक, तो कोई दूसरी कंपनी उस वैक्सीन को बना के नहीं बेच सकती 20 साल तक। और इसी कंपनी के पास दवा का भी पेटेंट है 20 साल का, तो टेमीफ्लू दवा को कोई दूसरी कंपनी नहीं बनाकर बेच सकती 20 साल तक। तो 20 साल तक एक ही अमेरिकन कंपनी की मोनोपोली रहेगी और उस मोनोपोली पर हजारों करोड़ रुपए वो लूटेंगे लोगों के दिलो दिमाग में। इसलिए स्वाइन फ्लू का दहशत, आतंक और डर बिठाया जा रहा है। और मैं इसी संदर्भ, सरकार ने WTO करार किया है, उसमें ये कंडीशन है कि जो कुछ भी भारत में उत्पन्न होता है वो परदेश से खरीदी थी कि विदेशी चिकन लाए हैं तो बिकेगा कैसे। तो इन्होंने एक खबर बनाई कि महाराष्ट्र के नंदुरबार जिले में बर्ड फ्लू फैल गया। अब नंदुरबार जिला ऐसा दूर है कोई जाके देख भी नहीं सकता उसको। हाँ, कोई नहीं जा सकता क्योंकि रेल जाती नहीं है और दूर इंटीरियर जंगल में है। तो फैल गया। अब वो एक अखबार में छपी, फिर दो में छपी, फिर 10 में, फिर सब जगह। जहां भर क्या हुआ, महाराष्ट्र सरकार ने जियो निकाला, सब मुर्गियों को मार डालो, सब मुर्गों को मार डालो। तो मुर्गी काट डाले उन्होंने 10 करोड़। हाँ, फिर गुजरात में हुआ। फिर जब ये मुर्गियां कट गई तो देश में चिकन और मटन की कमी आई, तो परदेश से खरीदो अब मुर्गियां। तो गैस करार को साइन करके परदेश से मुर्गे इन्होंने खरीदे।
और जब वो परदेश के मुर्गे मुर्गी आ गए और उनका मांस बिक गया तो अब बर्ड फ्लू भी खत्म हो गया। अब कहीं अखबार में कोई खबर नहीं है और बेचारे किसान सब मर गए जिन्होंने अपनी मुर्गे मुर्गियों को मार डाला। सरकार ने कहा था कि सबको 200-200 रुपए मिलेगा, मुर्गी मार दो अपनी और हमको बताओ कितनी मारी, तो मार डाली। अब वो 50 रुपए भी नहीं दे रहे किसी को, 40 रुपए दे रहे, किसी को मिल रहा है किसी को नहीं मिल रहा। तो उस समय भी मैंने कहा था कि किसी को भी अगर बीमारी है आप मेरे पास लाओ बर्ड फ्लू, क्योंकि मैंने आरोग्य मंत्री तक इसकी तपासणी किया था कि मुझे केस बताओ कहाँ कहाँ है, किस किस गांव में है, मैं जाके इलाज करूंगा। तो उनका केस एक भी नहीं है हमारे पास। तो मैंने कहा इतना बड़ा तमाशा क्यों किया हुआ है, तो उन्होंने कहा शक्यता है। तो शक्यता तो मैंने कहा यह भी है कि अभी धरती कम फटेगी और हम सब नीचे घूम जाएंगे, शक्यता तो ये भी है, ये छत टूट पड़ेगी हम सब मर जाएंगे, है कि नहीं शक्यता। शक्यता का तो कुछ पक्का आधार नहीं रहता। तो मंत्री कहता शक्यता है इसलिए 10 कोटी को मार डाला। बाद में कहानी समझ में आई कि परदेशी चिकन खरीदने का था इसके लिए भारतीय मुर्गे मुर्गी मारे ताकि मार्केट में डिमांड खड़ी हो, सबको डर हो जाए कि भारतीय मुर्गी खाओ तो बर्ड फ्लू होगा तो विदेशी खाओ, ये धंधा है। खाओ कितना भी खाओ, उबाल उबाल के खाओ। और जो असेंबली है ना इसमें बैठने वाले आमदारों ने खा खा के दिखाया, देखो हम खा रहे हैं तुम भी खाओ। शरद पवार तक ने दिखाया कि मैं खा रहा हूं तुम भी खाओ। देखो ऐसा है ये मैं आपको बताता हूं इसलिए कि आपके दिमाग में थोड़ी सफाई रहे, समाज को थोड़े दिन के बाद आप बताओ तो अपने आप समझ में आएगा। जब ये बर्ड फ्लू का हुआ ना अब समझ में आ रहा है सबको, जिनकी मुर्गियां कटी हैं वो सब कह रहे हैं कि धोखा हो गया हमारे साथ। तो कई बार क्या होता है कि समाज को असली सत्य स्वीकार करने में बहुत समय लगता है क्योंकि झूठ सुनते सुनते आदत पड़ गई है और वो क्या मानते हैं कि जो अखबार में छप गया वो सत्य है, लेकिन उनको ये माहिती नहीं है कि अखबार में पैसा देकर बहुत कुछ छपवाया जाता है। आप कभी भी अखबार पढ़ना उसमें अगर कोई ऐसी बात नहीं है हमारे विश्वस्त सूत्रों के अनुसार ऐसा हुआ समझना ये बोगस है पूरा, क्योंकि वो पैसा लेके बातें छापी है। हाँ हमारे विश्वस्त सूत्रों के अनुसार वे सब बोगस बातें होते हैं क्योंकि है ही नहीं उनके पास कोई नाम, बताएंगे क्या? अगर वो नाम बताएं तो मैं जाके पकड़ सकता हूं भाई तुम्हारे नाम से ये छपी है बताओ कहां है। तो सब अखबार वाले बोगस करने के लिए एक वाक्य डाल देते हैं हमारे विश्वस्त सूत्रों के अनुसार ऐसा हुआ है। अब ये विश्वस्त सूत्र क्या है किसी को माहिती नहीं और इसमें क्या होता है उन पर मुकदमा भी नहीं चल सकता क्योंकि प्रेस इंफॉर्मेशन एक्ट में ये लिखा हुआ है कि जहां विश्वस्त सूत्र शब्द है समझ लो वो सत्य हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, समझ लीजिए बात। तो उस पर केस नहीं चल सकता क्योंकि कानून में लिखा हुआ है और ये पब्लिक को उन्नु बनाते रहते हैं। एक विशेष बात कहना चाहता हूं, कई विदेशी कंपनियां हमारे देश की माताओं बहनों के लिए गर्भ निरोधक उपाय बेचती हैं, कॉन्ट्रासेप्टिव्स, पिल्स के रूप में बेचे जाते हैं, गोलियों के रूप में बेचे जाते हैं और उनके कुछ अलग अलग नाम है, नॉरप्लेंट है, डिपो प्रोवेरा है, फिर आई पिल है, फिर ई पिल है, ऐसी करके माताओं के बहनों के लिए कॉन्ट्रासेप्टिव्स बेचे जाते हैं। और मैंने जब इनके बारे में जानने की कोशिश की और इसके बारे में दुनिया भर से आंकड़े निकाले तो मुझे इतना दुख हुआ, तकलीफ हुआ कि जिन देशों की ये कंपनियां हैं उन देशों की माताओं बहनों को वो कभी नहीं बेचते, भारत में लाकर वो बेच रहे। जैसे हमारे देश में माताओं बहनों के लिए डिपो प्रवेरा नाम का एक तकनीक है जो इन्होंने बनाई है कॉन्ट्रासेप्शन के लिए, गर्भ निरोधन के लिए, वो अमेरिका की कंपनी है, कंपनी का नाम है अपजॉन। ये कंपनी को अमेरिका की सरकार ने बंद किया हुआ है, बैन किया हुआ है कि वो डिपो प्रवेरा को अमेरिका में नहीं बेच सकते, तो उन्होंने नहीं बेचा और डिपो प्रवेरा का उत्पादन करके वो भारत में ले आए, भारत सरकार से उन्होंने एग्रीमेंट कर लिया, अब यहां धड़ल्ले से बेच रहे हैं। ये इंजेक्शन के रूप में भारत की माताओं को दिया जा रहा है।
और भारत के बड़े बड़े हॉस्पिटल्स के डॉक्टर ये इंजेक्शंस माताओं बहनों को लगा रहे हैं। परिणाम क्या हो रहा है, ये माताओं बहनों को ज्यादातर महावारी का जो चक्र है, मासिक चक्र है, वो पूरा बिगाड़ देता है ये डिपो-प्रोवेरा, और अंत में उनके गर्भाशय में कैंसर कर देता है और उन माताओं बहनों की मौत हो जाती है। कई बार माताओं बहनों को पता ही नहीं चलता कि वो किसी डॉक्टर के पास गए थे, डॉक्टर ने उनको वो इंजेक्शन लगा दिया डिपो-प्रोवेरा का, बताया नहीं उनको और उनको कैंसर हुआ और वो मर गए बिना बताए। हमारी माताओं बहनों के ऊपर परीक्षण इस दवा का किया गया और बिना बताए पूरे देश में इसको धड़ल्ले से बेचा जा रहा है। पता नहीं कितने लाख कितनी करोड़ माताओं बहनों को ये लगवा दिया गया और उनकी ये हालत हो रही है। इसी तरह से हमारे देश में एक कॉन्ट्रासेप्शन के लिए नेट इन नाम की एक उन्होंने टेक्नोलॉजी लाई है, स्टीरॉइड के रूप में ये माताओं को दिया जाता है, कभी इंजेक्शन के रूप में दे देते हैं, कभी गोलियों के रूप में दे देते हैं, और इससे अक्सर हमारी माताओं बहनों को गर्भपात हो जाते हैं और उनके जो पीयूष ग्रंथि के हार्मोन का सिक्रीशन है वो पूरी तरह से डिसबैलेंस हो जाता है, असंतुलित हो जाता है, और माताएं बहनें बहुत परेशान होती हैं जिनको ये नेट इन दिया जाता है। इसी तरह से RU-496 नाम की एक उन्होंने टेक्निक लाई है, फिर रूसेल नाम की एक है, यूक्लेफ नाम की एक है, फिर एक नॉर प्लांट है, फिर एक प्रजनन रोधक टीका उन्होंने बनाया है, सभी हमारी माताओं बहनों के लिए तकलीफ का कारण बनती हैं। उनमें एक बहुत बड़ी तकलीफ ये आती है कि ये जितने भी कॉन्ट्रासेप्शंस की चीजें माताओं बहनों को दी जाती हैं, यूट्रस की, गर्भाशय की मांसपेशियां एकदम ढीली पड़ जाती हैं, पूरा मासिक चक्र उनका गड़बड़ा जाता है। अक्सर माताएं बहनें मासिक समय में बेहोश हो जाती हैं, इतना दर्द होता है उनके शरीर में, लेकिन उनको ये मालूम नहीं होता कि उनको वो कॉन्ट्रासेप्टिव दिया गया उसके कारण ये हो रहा है। और हजारों करोड़ रुपए की लूटमार इस देश में विदेशी कंपनियों के द्वारा हो रही है इन कॉन्ट्रासेप्टिव चीजों को बेचकर। फिर और एक जलने की जो औषधि है, जैसे ही किसी वस्तु से आप जलते हैं, आग से जलते हैं या किसी से भी, तो सबसे पहले उस स्थान पर पानी डालना, ठंड पानी, एकदम ठंड पानी, बहुत अच्छा। फिर इसका डालेंगे तो बहुत ही अच्छा। तुरंत हाँ हाँ चलेगा, जितनी जल्दी डालें उतना अच्छा। और चूने का पानी और भी अच्छा, चूने का पानी और भी अच्छा। ठंड पानी से पहले डालिए, फिर चूने के पानी और डालिए। और अपने घर में जो आलू होता है ना, बटाटा, उसकी चटनी बना के तुरंत लगा लीजिए वहाँ, कच्चा बटाटा, बटाटा पीसिए, चटनी बनाइए और लगा लीजिए। हैं? नहीं, बटाटे की चटनी का माने उसमें मिर्ची नहीं, खाली बटाटा कच्चा, कच्चा बटाटा। ये बटाटा सबसे अच्छी औषध है जलने पर, और चूने का पानी भी औषध है जलने पर। तो आपका चूने की लेवड़ी, चूना, दोनों चूना लगा लेंगे और भी अच्छा है। चूना बहुत ठंडा करता है, आग लगती है ना जलने के बाद, तो चूना लगाएंगे तो बहुत ठंडा लगेगा। और बटाटे का ये चटनी बना के, कच्चा बटाटा काट के चटनी जैसा बना के लगाएंगे। नहीं, आंख में जलने पे तो नहीं लगाना है, बाहर कहीं अंग पे लगाना है, शरीर पे लगाना। आंख तो नहीं जाती चूने से, लेकिन आंख में जलजल होता है, बिल्कुल अच्छा हो जाएगा। और आप अगर चाहें तो हड़द लगा सकते हैं, जैसे आप बटाटा चटनी बनाते हैं ना, ऐसे ही हड़द जो है ना पीस के, ताजा हड़द रस उसका लगा सकते हैं, बहुत जल्दी जख्म बढ़ेगा। और
झेंडू का फूल, झेंडू के फूल की चटनी लगा सकते हैं और जल्दी बढ़ेगा और अच्छा होगा। झेंडू का फूल, फूल के गोमूत्र थोड़ा जलन करे वॉशरूम में तो तुरंत गोमूत्र मत लगाइए क्योंकि वो एसिडिक है और बाद में वो जलने का जो निशान है उसको खत्म करने के लिए खोपरे का तेल वो सबसे अच्छा है, शुद्ध खोपरे का तेल। ये जो बाजार में आता है पैराशूट नहीं, पैराशूट खोपरे का तेल नहीं है, हाँ ये जान लीजिए। वो लिक्विड पैराफिन नाम का एक केमिकल है जो खोपरे के तेल जैसी खुशबू देता है, वो खोपरे का तेल नहीं है। हाँ जितने भी खोपरे के तेल बाजार में मिलते हैं ना लिक्विड फॉर्म में, एक भी खोपरे का तेल नहीं। खोपरे का तेल तो जो आता है वो घट्ट होता है, ये जो है ना एकदम लिक्विड है। खोपरा लिक्विड रहता ही नहीं है, सिर्फ गर्मियों में रहता है, बाकी दिनों में रह नहीं सकता। तो ये सब क्या करते हैं कि लिक्विड पैराफिन एक केमिकल है, उसकी खुशबू बिल्कुल खोपरे जैसी है, तो उसी को बोतल में डाल डाल के खोपरे का तेल बोल के बेचते। तो ये नहीं लगाना है, खोपरे का असली तेल बाजार से लाइए खुला हुआ, वो सही मिलेगा 60-70 रुपए किलो, वो आप लगाएंगे तो दाग संपूर्ण मिटेंगे, वहां चलेगा। बाल को लगाइए वही खोपरे का तेल, खोपरे का तेल उस समय भी लगा सकते हैं और सतत उसकी हल्की हल्की मालिश करें, जब जख्म भर जाए तो उसका दाग सब मिटा देता है, दाग कोई नहीं रहेगा। अगर शुद्ध खोपरे का तेल है तो दाग बिल्कुल नहीं रहेगा। और एक चीज है कि जल गया है तो पपैया की चटनी भी लगा सकते हैं, पपैया होता है कच्चा पपैया, कच्चा पपैया 2-3 बार लगाएं तो अच्छा, कम से कम 8-10 दिन जब तक जख्म नहीं भरता। आलू जो है ना तात्कालिक मदद करेगा, जख्म नहीं भरेगा, आलू जलना कम कर देगा। तो जब जलना कम हो जाए तो आलू लगाना बंद कर दीजिए, फिर जख्म भरने के लिए तो आपको झेंडू का फूल, हरद, खोपरे का तेल यही सब ज्यादा। बिल्कुल जाता है, बिल्कुल जाता है, हाँ वो तो हो जाएगा आप कुछ नहीं करोगे तो, लेकिन खोपरे के तेल से कितना भी जलने का दाग हो वो जाता है। आज और खुजली, इसकी सबसे अच्छी औषधियों में एक है खोरपट का रस, गाय का शेन, गाय का मूत्र, हाँ बहुत अच्छा है, किसी भी तरह की खाज और खुजली को ठीक करता है, कहीं भी हो। गाय का मूत्र भी बहुत अच्छा है, थोड़ा शेन मिला के लगाए तो अच्छा, नहीं तो खाली मूत्र की मालिश भी कर सकते हैं। होम्योपैथी औषध जो मैंने सल्फर लिखा था वही है, 2 नंबर पे जो औषध लिखी थी शुरू में सल्फर 200, वो खुजली की सबसे अच्छी औषध है। और सिर्फ खुजली की नहीं है, सभी चर्म रोगों की औषध है वो, SULPHUR। ये सप्ताह में एक ही दिन देना 200, क्योंकि ये बहुत स्ट्रांग है, सप्ताह में एक दिन 3 बार, सकाळी दुपारी संध्याकाळी। क्या हाल है? तो एक दिन देंगे तो 4-5 हफ्ते देना पड़ेगा। मुतखड़ा, मुतखड़ा बहुत गांव गांव है, मुतखड़ा जो है आदमी खेलेगा में
हाँ मैं भी देखा मूड खराब बहुत है, मूड खराब बहुत है लोगों को। मूड खराब में मैं आपको दोनों औषध बताऊंगा, होम्योपैथी की भी और आयुर्वेद की। मूड खराब होता क्यों है पहले तो ये समझ लो, हमारे शरीर में पानी की मात्रा अगर कम हो तो मूड खराब जरूर होगा। पानी की मात्रा कम क्यों? जब हम पानी कम पिए, जरूरत से कम पानी पिए, जरूर मूड खराब होगा। तो जरूरत से कम पानी कितना होता है? एक स्वस्थ व्यक्ति को कम से कम 5 लीटर पानी तो आवश्यक है 24 तास में कम से कम। अगर वो 5 से कम पी रहा है तो मूड खराब होने की पूरी शक्ति। और मूड खराब होता क्या है? हमारे शरीर में कैल्शियम है, कैल्शियम तो कैल्शियम शरीर में हजम नहीं होता तो वो छोटे छोटे टुकड़े में बदल के इकट्ठा होता है, वही मूड खड़ा हो जाता है। बांगे का भी तो नहीं, लेकिन मिर्ची के भी तो होता है, क्योंकि मिर्ची का भी आपने खाया तो संडास के रास्ते निकलना ही चाहिए, नहीं निकलेगा इकट्ठा हुआ तो मूड खड़े में बदल जाएगा। पेरू के भी ऐसा नहीं होता, बांगे का भी नहीं, पेरू का नहीं, सिर्फ मिर्ची का। तो आप अगर पानी कम पी रहे, मूड खड़ा वाले को कोई भी तथ्य नहीं है एक को छोड़कर कि उसको ऐसी कोई चीज नहीं खानी चाहिए जिसमें कैल्शियम है। जैसे टमाटर नहीं खाना, गाजर नहीं खाना, पालक नहीं खाना, मेथी भाजी नहीं खाना, पालक टमाटर मेथी दूध, दूध में कैल्शियम है नहीं पीना। तो जिसमें भी कैल्शियम है वो नहीं, जब मूत खड़ा ठीक हो जाए तो फिर। अब जो है मूत खड़ा है तो उपाय क्या? उपाय इसका ये है कि अपने घर में वो दगड़ फूल है, दगड़ फूल जिसको हम मसाले में डालते हैं, उसका पाउडर बनाना। तो दगड़ फूल का पाउडर बनाइए 1 चम्मच, उबालने का उसमें पानी में डाल के पाउडर बनाइए सूखे उसका, फिर उसको 1 चम्मच पाउडर 1 कप पानी में डालिए, पानी को भरपूर उबालिए और इतना उबालिए कि वो उबलते हुए थोड़ा कम हो जाए। हाँ। और जब खूब उबल गया पानी, थोड़ा कम हो जाए, 1 कप से थोड़ा कम हो गया पानी, तो आप उतारिए उसको, थोड़ा ठंडा करिए और उस पानी को 3 बार पीना। हाँ, सवारी दोपहरी संध्या का 3 बार, एक ही बार बना के 3 बार। ये प्रिवेंटिव नहीं है, प्रिवेंटिव पानी है। पानी भरपूर पीना, मूत खड़ा नहीं होगा। पानी का कितना पीने का नियम है? आपका वजन जितना है उसका 10 पट कम पानी जरूर पीना एक दिन में। अगर वजन 70 किलो है तो 7 लीटर पानी, 60 किलो है तो 6 लीटर पानी, 50 किलो है तो 5 लीटर पानी, वजन के प्रमाण से पानी पीने का है। वजन का प्रमाण उंच के हिसाब से, उंच आपकी जितनी है उसका 10 पट जास्ती वजन और उसमें प्लस माइनस 10 किलो तक चलेगा। 56 इंच है 5 फिट, फिर 50 किलो वजन, अब 10 किलो प्लस माइनस हो सकता है, 40 किलो से 60 किलो तक चलेगा। 5 फिट, हाँ, उसमें 10 का गुणा कर दो, 10 किलो, तो 76 किलो तक चलेगा और इधर 56 किलो तक चलेगा। 56 के नीचे गया तो बहुत कम होगा, 76 के ऊपर गया तो बहुत तकलीफ है। और पानी का भी वही है, आपका वजन 10 पट कम पानी, ठीक है? अगर आप इस हिसाब से पानी पी रहे हैं, जरा सुनिए इस बात को गंभीरता से, वजन के हिसाब से पानी पी रहे हैं तो कभी मूड खराब नहीं होगा, कभी बवासीर नहीं होगा, कभी भगंदर नहीं होगा, कभी आपको फिशर नहीं होगा, फिस्टुला नहीं होगा, कभी मूत खड़ा नहीं होगा, कभी मेद नहीं बढ़ेगा, मोटापा नहीं बढ़ेगा, कभी हृदयाघात नहीं होगा, कभी कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ेगा। वजन के हिसाब से पानी, और जो वजन के हिसाब से नहीं पी सकते हैं तो कम से कम 5 लीटर पानी जरूर रोज, हर रोज कम से कम। अब सवेरे अगर 3 गिलास पी लिया तो 1 लीटर तो वही हो गया, और दोपहर को भोजन के बाद 1.5 लीटर, फिर शाम को भोजन के बाद 1.5 लीटर, और बीच में 1 लीटर, तो 5 लीटर हो जाता आराम। और आप इसकी चिंता कभी मत करना कि लघवी बार बार जाना पड़ता है, जाइए, लघवी आ रही है बार बार तो समझ लो अंदर की सफाई हो रही है, कचरा सब उसी से निकलता था, ठीक है? क्योंकि ये औषधि, और बता रहा हूं इस औषधि के गुण, जो भी वैश्यावृत्ति करते हैं और उसमें से उनको जितने रोग आते हैं, गोनोरिया हो गया, प्रमेह हो गया, सुजात हो गया, ये सब होता है ना,
सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज, उनकी भी यही औषधि नक्स वोमिका। और जिन लड़कों को कम उम्र में गलत आदतें पड़ जाती है, हस्तनापन करते हैं, मास्टरबेशन करते हैं, उनकी भी यही औषधि देना। वो सकारी विचारी संज्ञाकारी होते हैं, हस्तनापन बहुत खराब है। जो सेक्स जो स्पेशलिस्ट है ना, सेक्सोलॉजिस्ट वो कहते हैं, और उसके पीछे उनका जो थ्योरी है वो बड़ा विचित्र है, उसकी चर्चा न करें तो अच्छा है। ये आप इसका ध्यान रखो, ये नक्स वोमिका जो है ना बहुत बीमारियों में आई है काम। देखो आपको क्या क्या निकाला मैंने, जुलाव हो गया, संदास हो गया, उसकी अच्छी औषध है। आपको कभी बरासीर हो गया, मूल गया, दगंदर, उसकी औषध है। काढ़े हो जाए, पीलिया हो जाए, उसकी यही औषध है। शराब पीने वाले, व्यसन करने वालों को कोई भी रोग हो जाए, उसकी ही औषध है। जैसे शराब पीने वालों को खांसी हो गई, ये दे दो बिल्कुल ठीक हो जाए। शराब पीने वालों को भूख नहीं लगती, ये औषध दे दो भूख लगेगी। झोंक नहीं आती, ये औषध दे दो झोंक आएगी। कुछ भी रोग हो, व्यसन करने वालों को, वैश्यावृत्ति करने वाले लोग जो रोग लेके आते हैं खराब खराब, उसकी भी यही औषध है। जो लड़के जवानी की उम्र में गलत आदतें पाल लेते हैं, उसकी भी यही औषध है। और ये औषधि क्या क्या करती है, अगर हमको खराब से खराब एक बीमारी पोट की है, हार्निया, हार्निया की भी यही औषधि है, यही औषधि है। खाली एक शाम एक समय भी ले लो ना शाम को, तो भी ये बहुत इफेक्टिव है, ये बहुत कड़क औषधि है। शाम को ही ले लो एक बार तो भी बहुत अच्छी है, खाने के आधे घंटे में। और ये औषधि एक और अद्भुत काम करती है। ये कल कौन था जिसको जुकाम हुआ था, सुना? तो जिसको भी जुकाम हो जाए और नाक बंद हो जाए, उसकी भी यही औषधि है। सर्दी, और सर्दी जुकाम के साथ खोखला हो जाए, उसकी भी यही औषधि है। मल्टीपर्पज है ये। और रात को काम करने वाले और दिन को सोने वाले लोगों की भी यही औषधि है। रात को काम करें और दिन को सोएं, उनको बीमारी ही बीमारी आती है, उनकी भी यही औषधि है। जो नाइट शिफ्ट में काम करते हैं, नहीं काम दिन में करना, रात को सोना, लेकिन कोई मजबूरी है तो रात में भी काम करना है, उसके बाद कोई तकलीफ हो जाए तो उसकी ये औषधि है। और बता देता हूं कि जो लोग शरीर श्रम नहीं करते, सिर्फ दिमाग से काम करते हैं, उनको कुछ भी हो जाए तो उनकी भी यही औषधि है। नहीं, ये कम से कम 45 रोग ठीक करती है, लेकिन सभी नहीं ठीक करते। सब रोग तो बहुत है, 148 से ज्यादा है। और एक बता देता हूं, लीवर में कैंसर हो जाए तो उसकी भी यही औषधि है। लीवर में कैंसर और पित्त की थैली में पत्थर है, उनको भी तोड़कर निकालेगी ये औषधि मदद करती है, बर्बरिस के जैसा ही। पित्त की थैली में पत्थर है तो उसमें भी ये काम आते है। और किसी व्यक्ति को एक बार में पोट साफ नहीं होता, बार बार संडास जाना पड़ता, उसकी भी यही औषधि है। और कई लोगों को ऐसा होता है कि एक दिन जुलाब हो गया, एक दिन कोष्ठबद्धता हो गई, ऐसा चलता है, उनकी भी यही औषधि है। ये औषधि लगभग 45 से 48 रोग में काम आती है। अब आखिरी बता देता हूं कि बुखार आ जाए, सर्दी के साथ बुखार, जुकाम के साथ बुखार, सर्दी जुकाम खोखला बुखार, तो भी यही औषधि। इस औषध से मैंने 40-40 साल पुराने लोग ठीक किए हैं जो जुकाम से पीड़ित हैं। 40 साल हो गया, जुकाम मिटता नहीं, उनका भी मिटा दिया इसने। सर्दी, सर्दी के साथ ताप, ठीक है, बच्चों को भी है, ये बड़ों को भी है, स्त्री को भी है, पुरुष को भी है। बच्चों को ये औषध देना हो तो एक थेम पानी में डाल के, चौथाई कप पानी में डाल के, उसमें से दो दो चम्मच पानी पिलाना बच्चों को, बड़े लोगों को सीधे एक एक थेम जीभ पे डाल देना।
बच्चों को खाने साफ और सर्दी आती है तो भी औषधि, ठंडी लग के कुछ भी लाओ तो यही औषधि है। ठंडी कभी भी लग के कुछ भी आए, मलेरिया आता है उसकी भी यही औषधि, ठंडी लग के कुछ भी हो। और ऐसे लोगों की ये सबसे अच्छी औषधि है जिनको गर्मी में भी ठंडी लगती है। अभी हमको मालूम है कि कड़क धूप है तो गर्मी आज बड़ी ठंड लग रही है, तो इसको ये औषधि दे दो, दो मिनट में ठंड गायब कर देते। सबको चलते ठीक है, इतने सारे काम नहीं आते। बच्चों को बताया एक थीम पानी में डालना चौथाई तक, फिर उसमें से दो दो चम्मच पानी पिला देना। अब आगे चलते, पेट दुखने की भी यही औषधि लिखी लो आप। किसी भी कारण से पेट दुखता है, खाना हजम नहीं होता, डाइजेशन नहीं होता, गैस बन रही है, गैस बनने की भी यही औषधि है। है 5 रुपए में 5 ml मिलती है, 5 ml में 100 लोगों का इलाज हो कर देते, 5 रुपए में 100 लोग ठीक होते हैं, इतने सस्ते। इसको हम होम्योपैथी में रामबाण औषधि कहते हैं। ले आओ ना, सोलापुर में मिलता है, क्यों नहीं मिलता? ठीक है, अब आगे चले। अब सुन लो, अभी एक और बता देता हूं कि जब शरीर में एक चर्म रोग होता है, वो चर्म रोग ऐसा है कि अचानक से सवेरे सवेरे देखो तो पूरा चर्म लाल लाल हो जाता है और खा जाती है उसमें, क्या बोलते हैं उसको, कुत्ती होना, कुत्ती बोलते हैं। इसकी सबसे अच्छी यही औषधि जीप पर प्राणा कहीं भी नहीं है, जवान पे लेना है, कुछ भी हो जाए। ब्लड प्रेशर हाई हो जाए उसकी भी यही औषधि है कि कितना भी उच्च रक्त दबाव हो, एक थेम डालो, 5 मिनट बाद चेक करो, नॉर्मल कर देते हैं, इतनी तेज औषधि है। मेथी दाने से 3 महीना लगता है, ये 5 ही मिनट में ठीक करते हैं। इसलिए मैंने बहुत जानबूझ के ये औषध लिखी है, और इसके नीचे ये लिखी है ना, ये भी 50 रोग में काम आती है, वो भी बताऊंगा, सल्फर। लेकिन अभी आगे बढ़ते हैं हम, अभी क्या रोग है आगे, ढोके दुखना, ढोके दुखने की भी यही औषध है। और वैसे ढोके दुखने की अपने घर में भी औषध है, वो भी लिख लेना, ये तो है ही। इसके अलावा गाय का जूना तू रात्रि को नाक में डालना, एक एक थे सोना, तो सब तरह का ढोके दुखना बंद। और एक औषध है ढोके दुखने की अपने घर में, वो है ना शुंठी, माने अदरक, अदरक से बनता सौंठ, सौंठ तो थोड़ा सौंठ का पाउडर और थोड़ी सी शक्कर, इसमें शक्कर औषधि है, थोड़ा सौंठ का पाउडर, थोड़ी शक्कर, खड़ी शक्कर हो तो बहुत अच्छा, नहीं तो ये वाली भी चलेगी और नहीं तो गुड़ भी चलेगा। तो सौंठ पाउडर, थोड़ा सा शक्कर या गुड़ और थोड़ा सा नमक, ये गर्म पानी में मिलाकर आप लो तो जितना भी खराब से खराब धोखे दुखना है, सिर दर्द सब खत्म कर देते। कायम कायम सोच जो है बहुत अच्छी औषधि है सिर दुखने की, गर्म पानी में सोट डालने का और डालने का, पीछे से थोड़ा नमक और थोड़ा शक्कर या गुड़ मिलाकर पीने का।
अरलौकी और पूरा भी दोनों, एक गिलास पानी, सूंठ आधा चम्मच दाल के उबाल लिया उसमें पानी में पहले, फिर उस पानी में थोड़ी शक्कर मिलाना या शुगर ये गुड़ मिलाना और थोड़ा नमक मिला के पीना। ये बिल्कुल रोकने का बहुत अच्छा इलाज है और बाकी तो ये नक्सवन का भी है। एसिडिटी के लिए सुंठ बहुत अच्छी औषध है, एसिडिटी, और एसिडिटी के लिए जीरा भी बहुत अच्छी औषध है। वैसे ही पानी में डाल के उबाल के अलग अलग, एक बार सुंठ एक बार जीरा दो बार। तीन चार घंटे बाद हो गया। सूट आधा चम्मच, ज्यादा नहीं, गर्म करती है ज्यादा। और ये सिलिशिया जो है ये पत्थर से बनती है, ये भी ऐसे ही 10-10 मिनट से दो दो थीम जीप पर। हाँ, पांच एमएम लेना लिक्विड में, वैसे इसके बहुत चमत्कार है। अभी थोड़े दिन पहले आपने सुना प्रमोद महाजन को गोली मारी थी और गोली उसके पेट में फंसी हुई थी, सब डॉक्टर इलाज करके परेशान हुए, गोली नहीं निकली। लंदन से भी डॉक्टर आया तो भी गोली नहीं निकली और इन लोगों ने 15 दिन उसी में निकाल दिया। फिर अंत में लंदन के डॉक्टर ने कहा ये तो होम्योपैथी की औषध से ही निकलेगी, तो प्रमोद महाजन को यही औषध दिया था सिलिशिया। तो गोली तो निकल गई लेकिन उतनी देर में जान भी निकल गई उसकी। अगर ये पहले दिन उसको दे देते तो वो बच जाता। नहीं, मैंने उदाहरण दिया, अच्छा बुरा तो अब दूर की बात है। हाँ, और दूसरा माहिती देता हूं कि जब कारगिल युद्ध हुआ था ना, तो हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं, आर्मी में डॉक्टर है, दिल्ली में काम करते हैं, रेफरल हॉस्पिटल आर्मी का। तो 580 सैनिक अपने शहीद हुए थे और करीब 1600 सैनिक जख्मी हुए थे जिनको गोलियां लगी थी शरीर के अलग अलग हिस्सों में, किसी को यहां लगी किसी को यहां लगी, ऑपरेशन नहीं कर सकते थे, पीठ में लगी। तो उन्होंने मुझसे यही दवा मांगी थी, तो मैंने उनको कहा कि आप सबको जीप पे दो दो थेम डालो, 10-10 मिनट से तीन बार डालो। तो जितने सैनिकों को उन्होंने डाला 24 तास में सबकी गोलियां निकल के बाहर आ गई ऑटोमेटिक बिना ऑपरेशन। ये काम ये करती है कि शरीर को जिस चीज की जरूरत नहीं ऐसी कोई भी चीज घुस जाए तो उसको बाहर फेंक देती है ये औषध। कांटा लगेगा तो कांटे को बाहर फेंक देती है, बिच्छू का डंक लगा तो डंक को बाहर फेंक देती है, पत्थर लगा तो पत्थर को बाहर निकाल देती है, गोली लगी तो गोली को बाहर निकाल देती है। कुछ साइड इफेक्ट है जो शरीर को जरूरी नहीं, वो अगर जरूरी है तो फिर नहीं फेंकते। जैसे कांटा है, कांटा तो जरूरी नहीं है शरीर को, अब घुस गया तो ये औषध ले लो बराबर बाहर निकल आता है और 10 मिनट में ही निकल आता है। हाँ, अभी आप लगा लो दो तीन लोग कांटे, मेरे पास ये औषध है, मैं अभी दिखाते हैं। हाँ, वो भी निकाल, कई बार बच्चे गोली खा जाते ना कंचा, वो भी निकाल देती है, वो आधे घंटे में निकलता है, वो संडास के रास्ते पैसे खाते हैं वो भी इसी से निकलता है, गले में पैसे फंस गए ये औषध दे दो वो नीचे संडास के रास्ते, वही 200। ये बहुत काम की औषध है, बहुत चमत्कारी है, बहुत काम की। और कई बार ऐसा हो जाता है ना, कोई ऐसा रोग हो जाए बहुत खराब जैसे काजल, तो काजल रोग में कई बार ऐसी परिस्थिति होती है कि संडास फंस जाती है रक्तम में, निकलती नहीं है, उसकी भी यही औषध है। संडास फंस जाए किसी कारण से, खूब जोर लगाओ निकलती नहीं, तो ये औषध का एक ही थेम ले लो फट से निकल जाती है। और एचआईवी पर सोयाबीन के बारे में जो आखिरी प्रश्न उन्होंने कहा प्रोटीन के बारे में,
और डायबिटीज के बारे में दुनिया में अभी ऐसा कोई अध्ययन नहीं हो पाया है जिससे ये सिद्ध होता हो कि सोयाबीन से डायबिटीज ठीक हो सकता। सोयाबीन से डायबिटीज ठीक होने की बात कुछ वैज्ञानिक कहते हैं लेकिन अभी कुछ सिद्ध नहीं हुआ है और इसलिए दवा के स्वरूप में और मेडिसिन के रूप में अभी तक दुनिया में कहीं कोई उपलब्ध नहीं है। ये कल्पना जरूर ऐसी है कि सोयाबीन में जो कंपोजिशन है शक्कर का, जो शुगर का कंपोजिशन है, जो फ्रक्टोज है उसमें ग्लूकोज है, फिर प्रोटीन है, फिर कुछ और भी चीजें, फैट भी है उसमें थोड़ा सा, कार्बोहाइड्रेट भी थोड़ा सा है, तो ऐसा माना जाता है कि उसका जो कंपोजिशन है उस कंपोजिशन से शायद डायबिटीज की बीमारी को कंट्रोल करने में मदद मिलती हो। लेकिन अभी ऐसी कोई सिद्धि प्राप्त नहीं हुई है, ना भारत के वैज्ञानिकों को ना दूसरे देशों के वैज्ञानिकों को। ये चर्चा चल रही है, पुस्तकों में चर्चा है, पत्रिकाओं में चर्चा है, अखबारों में चर्चा है, लेकिन सिद्ध नहीं हो पाया है। और प्रोटीन के बारे में तो सिद्ध हो चुका है, सोयाबीन द्वारा जो प्रोटीन मिलता है वो किसी जानवर को मिले या किसी व्यक्ति को मिले वो प्रोटीन बहुत ही जटिल होता है, और जटिल प्रोटीन जो होता है माने बहुत कॉम्प्लेक्स है वो प्रोटीन, और वो जल्दी से पचता नहीं है। माने हम दाल खाते हैं, दाल में से प्रोटीन हमको मिलता है, वो प्रोटीन जितनी आसानी के साथ शरीर में काम में आ जाता है उतनी आसानी से सोयाबीन का निकला हुआ प्रोटीन शरीर में काम नहीं आता, बल्कि सोयाबीन का निकला हुआ प्रोटीन एक तरह से शरीर में स्टोरेज के रूप में इकट्ठा हो जाता है। जैसे हम कोई चीज स्टोर भंडार करके रख लें वैसे एक भंडार जैसा बन जाता है, उसका उपयोग नहीं हो पाता शरीर की ऊर्जा के लिए। इसलिए वैज्ञानिकों का ऐसा मानना है कि सोयाबीन का जो प्रोटीन है बहुत संश्लेषित है, बहुत जटिल है, बहुत मुश्किल है, इसलिए दुनिया भर में सोयाबीन खाने की बात कहीं नहीं कही जाती। अमरीका में लोग कभी भी सोयाबीन नहीं खाते, यूरोप में कभी भी लोग सोयाबीन नहीं खाते। मैंने आपको कल उदाहरण दिया था कि यूरोप में सोयाबीन खाया जाता है सिर्फ जानवरों को खिलाया जाता है, और खासकर जानवरों में भी गाय को कभी नहीं खिलाया जाता क्योंकि गाय को तकलीफ होती है सोयाबीन खाके। यूरोप में सोयाबीन सिर्फ खिलाया जाता है डूकरों को, सुअरों को, और वहां भी क्या होता है मैंने आपको बताया कि चूंकि जटिल है इसलिए आसानी से पचता नहीं, तो डूकर सोयाबीन की खली खाता है तो स्टोरेज के रूप में इकट्ठा हो जाता है और डूकर थोड़ा जाड़ा हो जाता, मोटा हो जाता, और वो इसलिए डूकर को खिलाते हैं क्योंकि डूकर का मांस उन्हें खाना, तो सोयाबीन खाया हुआ डूकर थोड़ा जाड़ा हो जाता है, मोटा ज्यादा हो जाता है, इसलिए मांस ज्यादा मिलता है, इसलिए डूकरों को सोयाबीन खिलाने की परंपरा है। और वो भी सब देशों में नहीं है, सिर्फ हॉलैंड में है। मैं हॉलैंड जा चुका हूं और मैंने वहां पर देखा है कि उससे जो है दूसरे तरह की प्रॉब्लम भी हो रही है। जैसे वहां पर एक बड़ी प्रॉब्लम अभी शुरू हो गई है कि डूकर का मांस जो खाया किसी ने और वो सोयाबीन खाया हुआ डूकर है, तो उन लोगों को पेट की बीमारियां बहुत होती है। जो सोयाबीन खाता है डूकर, डूकर का मांस जो लोग खाते हैं, तो लोगों को पेट की बीमारियां बहुत होती हैं जो डूकर का मांस खाते हैं सोयाबीन वाला। इसलिए पूरे हॉलैंड में सोयाबीन का बहिष्कार कर दिया है, वहां कोई किसान सोयाबीन नहीं करता, यूरोप में भी कोई किसान सोयाबीन नहीं करता। भारत में हॉलैंड की एक कंपनी आई थी, उस कंपनी का नाम है सीजवॉन वीवी। तो सीजवॉन वीवी कंपनी आई थी सोयाबीन का बीज लेकर सबसे पहले, और मध्य प्रदेश में उस समय जब सरकार चलती थी, आज से ये करीब 15-20 साल पहले की बात है, तो मध्य प्रदेश सरकार को वो बीज मुफ्त में दिया गया था और कहा गया था कि आप अपने किसानों को अगर ये बीज बांटे तो हम आपके पैदा किए हुए सोयाबीन को पूरा खरीद लेंगे और आपको विदेशी मुद्रा मिलेगी। तो इस लालच में मध्य प्रदेश सरकार ने सोयाबीन का बीज बांटना शुरू किया ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर्स के माध्यम से। पहले मध्य प्रदेश में फैला सोयाबीन अभी फैलते फैलते महाराष्ट्र में आ गया, थोड़ा गुजरात में भी चला गया, उत्तर प्रदेश में भी चला गया है, लेकिन अब करते करते खेती इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि कुछ उसमें से फल नहीं निकलता। एक बात जो आपने कही कि सोयाबीन की खेती के बाद कपास की फसल बहुत अच्छी होती है, तो ये बात तो किसी दूसरी फसल पे भी सच है। आप कोई भी दलहन की खेती करें, कोई भी दाल करें, तुअर की करें, उड़द की करें, मूंग की करें, उसके बाद कपास लगाएंगे हमेशा अच्छा होगा। कपास की फसल का अच्छे होने का एक छोटा सा सिद्धांत है कि जिस खेत में प्रोटीन ज्यादा देने वाली कोई भी अनाज पैदा की गई हो, अनाज की फसल ली गई हो, उसमें उसके बाद कपास लगाएंगे हमेशा अच्छा होगा। और इसी तरह से एक और दूसरी छोटी सी बात है कि तुअर की दाल लगा दीजिए किसी खेत में, उसके बाद गेहूं लगाइए, गेहूं हमेशा उसमें अच्छा होगा।
तो जो भी दाल है, दाल की फसल लेने के बाद अगर आप गेहूं लेंगे उसमें तो बहुत अच्छा होगा। और ऐसे ही कपास की फसल अच्छी लेनी है तो पहले उस खेत में अगर दाल लगा देंगे आप, तो दाल के बाद कपास लगाएंगे तो हमेशा। कोई भी दाल लगाइए, मूंग की लगा दीजिए, उड़द की लगा दीजिए, तुअर की लगा दीजिए, किसी भी किस्म की दाल लगा दीजिए जिसमें प्रोटीन की मात्रा ज्यादा होती हो, तो हमेशा कपास की फसल अच्छी होगी। सिर्फ सोयाबीन से कपास की फसल अच्छी होती है, इससे भी ज्यादा सच ये है कि किसी भी तरह की दाल की फसल आप लगाएं तो उसके बाद कपास की फसल निश्चित रूप से बहुत अच्छी होती है। और ये जो फसल चक्र का एक सिद्धांत है, और शायद इस देश में सभी किसान जानते थे आज से 200-300 साल पहले तक, लेकिन ये जो परदेशियत आ गई, विदेशीकरण हो गया हमारी खेती का, तो वो फसल चक्र का जो हमारे ज्ञान थे वो खत्म हो गए, टूट गए धीरे धीरे। तो गांव के जो बुजुर्ग हैं, जो पुराने लोग हैं, ये ज्ञान किसी किताब में नहीं मिलेगा, जो गांव के पुराने बुजुर्ग हैं जिन्होंने पुरानी खेती की है उनसे मिलेगा कि आप क्या करते थे अपने जमाने में, क्योंकि किताबें इस पर ज्यादा लिखी हुई नहीं है, ज्यादा इस पर प्रकाशित साहित्य नहीं है। जो साइंटिस्ट लिखते हैं, जो किताबें बनाते हैं, वो भी एजम्पशंस के आधार पर है, अनुमानों के आधार पर है, तो उसका ज्यादा वैज्ञानिक और तथ्यपूर्ण जानकारी सीधे गांव में ही मिल सकती है। तो मेरा एक छोटा सा निवेदन है, अगर आप लोग कर सकें, इसी में मुझे याद आ गया कि हर गांव में इस तरह की फसल की जो व्यवस्था होती रही पिछले कई वर्षों से, उसके बारे में कुछ लिखित काम शुरू कर दिया जाए। जैसे मुझे दिगरस गांव में, दिगरस गांव में 10 तरह की फसलें होती हैं या 50 तरह की फसलें होती हैं, तो पिछले 50 साल में इनमें क्या बदलाव आया है, 50 साल पहले ये फसलें किस तरह की, 50 साल के बाद किस तरह की फसलों का प्रतिनिधित्व ज्यादा हो गया है, किस तरह की फसलों का परसेंटेज बढ़ गया है। अगर ये छोटा छोटा एक सर्वेक्षण का काम हर गांव में शुरू कर दिया जाए तो ये जो झगड़ा है कि सोयाबीन के बाद क्या करें या गेहूं के बाद क्या करें या कपास के बाद क्या करें या ऊस के बाद क्या लगाएं खेत में, धान लेने के बाद क्या लगाएं, ये झगड़े उसमें से सुलझ जाएंगे और वो ज्ञान जो हमारे पास था वो वापस हमारे पास लौट आएगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि हर गांव में जो नौजवान साथी हैं, जो थोड़े भी पढ़े लिखे हैं, वो इस तरह का काम शुरू कर सकते हैं। और इस तरह का काम शुरू करने में गांव के जो बुजुर्ग लोग हैं, जो वड़ील हैं, उनकी बड़ी भारी मदद हो सकती है, जिन्होंने पिछले कई सालों से खेती की है, जिनको इस बात का अंदाजा है। तो मुझे लगता है कि इस तरह का प्रयास शुरू होना चाहिए। और कई बार किताबों में, खासकर पत्रिकाओं में, बहुत बार ऐसी माहिती आती है जो विदेशों से इम्पोर्टेड होती है। सोयाबीन के बारे में जितनी माहिती भारत की पुस्तकों में छपती है सब विदेशी माहिती है, क्योंकि सोयाबीन हमारी फसल कभी नहीं थी। ये हिंदुस्तान में 20-25 साल पहले कोई जानता भी नहीं था कि सोयाबीन क्या होता है। ये पूरी तरह से इम्पोर्टेड फसल है और इम्पोर्टेड कृषि का ये जो है पद्धति है सोयाबीन पैदा करने की। तो ये जो विदेशों से आने वाली जानकारी है उसको सीधी तरह से कभी स्वीकार ना करें, क्योंकि जरूरी नहीं है विदेशों में कोई एक जानकारी सच हो वो हमारे यहां भी सच हो, बिल्कुल जरूरी नहीं। हो सकता है वहां बहुत गलत हो और आपके यहां सच हो जाए, हो सकता है वहां सच हो आपके यहां गलत हो जाए, क्योंकि फसल चक्र जो होता है वो मौसम के हिसाब से बनता है और फसल की किसी भी स्थान पर उत्पादन की जो शक्ति होती है वो वहां की स्थानीय मिट्टी और जलवायु के आधार पर बहुत निर्भर करती है। तो हॉलैंड के लिए कोई बात एक सच हो सकती है, वो भारत के लिए सच नहीं होगी। हॉलैंड का मौसम एक तरह का है, भारत का मौसम दूसरी तरह का। तो सोयाबीन हॉलैंड के लिए बहुत अच्छी फसल मानी जा सकती है, भारत के लिए जरूरी नहीं है कि बहुत अच्छी फसल होगी। इसलिए परदेशों से कोई जानकारी आ गई है और उसको हम सत्य मान के काम करना शुरू करेंगे तो कई बार धोखा उसमें ज्यादा होता है। उसको अपने विवेक से परखें और अपनी बुद्धि से उसका टेस्ट करें और उसके बाद उसको समझने की कोशिश करें और तब उसको फॉलो करें। तो क्या हाल है? कोई एक दिन देंगे तो 4-5 हफ्ते देना पड़ेगा। कि सबसे अच्छी औषध है लवंग। लवंग को घिसिए पानी के साथ और वो जो उसका घिसने के बाद चटनी जैसा बनेगा वो दांत पे लगाइए। हाँ, नहीं तो लवंग का तेल आता है बाजार से ले लीजिए, उसको रूह में भर के दांत पे रख लीजिए। हाँ, टाइम से लेना। ये बच्चों को ज्यादा होता है, बड़ों को कम। इसकी सबसे अच्छी औषध है हड़क। कौन सी हड़क? हड़क हड़क लेने का कैसे? अगर ताजा हड़क है तो पीस के उसका रस निकालना और वो एक चम्मच रस सीधे पिलाना, और अगर हड़क सूखी है
तो ये चम्मच छोटी हड़प का छोटा चम्मच गले में डालना, अंदर करके जीभ पर नहीं गले में डाल, सीधे डाल, और उसको फिर कुछ करना नहीं, वो अपने आप नीचे जाएगा, देर लगेगी लेकिन जाएगा। और अगर और ये अगर आपने डाल दिया गले में और ये उतर गया तो दो ही तीन बार डालिए हफ्ते भर में या दो हफ्ते में, इतने में टॉन्सिल ठीक कर देता। एक ही बार सुबह सुबह तीन दिन कर दो, चार दिन कर दो बस, लेकिन हर रोज नहीं, एक दिन किया तो दो तीन दिन बाद करना, फिर दो तीन दिन बाद। वो बच्चे को ले रहे सीधे, तो हड़प जो है ना लार के साथ मिलके अपने आप अंदर जाएगी, सप्ताह में अगर दो दिन भी दे दिया तो तीन चार सप्ताह में ठीक कर देगी। होता क्यों है वो बताता। हमारे शरीर में जब भी कुछ खाना खाएं तो जो विषाक्त पदार्थ जाएं खाने के साथ, जैसे यूरिया, डीएपी, एंडोसल्फान, मेलाथियान, क्योंकि हम खेत में बहुत डालते हैं तो भोजन के साथ में जाते हैं, कोई इन्हें रोक नहीं पाता। आप बोलोगे हम भोजन साफ करके खाते हैं, कितना भी साफ करो ये तो अंदर रहते हैं, आप भोजन को ऊपर से साफ करते हैं ये तो अंदर है, क्योंकि माटी में अंदर से ही गए हैं वो। तो ये जब विषाक्त पदार्थ गए शरीर में तो ये इकट्ठे होते हैं, और ये इकट्ठे हो तो शरीर में कुछ ऐसी कोशिकाएं बन जाती हैं जो इन्हीं को खाती हैं या इनके द्वारा पोषित होने लगती हैं, यूरिया, डीएपी या इंडोसल्फान, और वो कोशिकाएं फिर आजू बाजू की कोशिकाओं को खाने लगती हैं, फिर वो धीरे धीरे गांठ जैसी बन जाती है, फिर बढ़ते बढ़ते ट्यूमर हो जाता है, ट्यूमर होता है फिर फट जाता है, तो कैंसर में बदल जाता है। ये है कहानी उसकी। कैंसर उन्हीं को होता है जो इस तरह का भोजन करें, बहुत विषाक्त भोजन जो करेंगे, जिनके भोजन में यूरिया डीएपी भरपूर है, जिन्होंने शेत में भरपूर यूरिया डीएपी डाला है, जंतुनाशक खूब स्प्रे किया है, उन्हीं को होता है। हाँ, मैं उसी पे जा रहा हूं अभी। तो ये तो हुआ कैंसर क्यों होता है, और ये जो विषाक्त पदार्थ है इनसे सिर्फ कैंसर ही नहीं होता है, इनसे सैकड़ों रोग होते हैं। जो भी विषाक्त पदार्थ शरीर में गया वो कहीं ना कहीं जमा होकर बैठ जाता है, वो बाहर नहीं निकलता। सामान्य रूप से हमारी किडनी काम करती है विष को बाहर निकालने के लिए, लेकिन ये जो यूरिया डीएपी वाला विष है ये किडनी के द्वारा भी नहीं निकलता, ये इकट्ठा ही रहता है शरीर, तो इसको बाहर निकालने के लिए कुछ अतिरिक्त औषध लगती है, और उसमें से वही है मध और नींबू और गर्म पानी। अगर आप गर्म पानी में नींबू का रस मिला के और मध मिला के पीते रहें, हाँ अब यहां पे बोल रहा हूं, मध गर्म करना है क्योंकि विष बनाना है उसको, मध गर्म होता है तो विष हो जाता है, और अंदर आपने विष भर रखा है तो विष ही विष को बाहर निकालता है। मध नींबू गर्म पानी डाला और सवेरे सवेरे उसको पीना, कम से कम एक गिलास, तो अधिक से अधिक तीन गिलास, मध एक गिलास में एक चम्मच। एक तो मध है और नींबू है जो विषाक्त पदार्थों को बाहर निकाल सकता है, दूसरा दूधी भोपड़े का रस है। अब आपके पास एक और दूसरी चीज है जो विषाक्त पदार्थों को बाहर निकाल सकता है, वो है दूधी भोपड़े का रस। ये दो ही चीजें दुनिया में है, नींबू का रस और मध और दूधी भोपड़े का रस, यही बाहर अंदर जो भी विष है निकालने की इसमें ताकत है, बाकी कोई चीज में नहीं। कम से कम चार पांच महीने करिए, अंदर से पूरी सफाई करिए ठीक से, और इसको नियमित रूप से, अगर आप जानते हैं कि आप भोजन कर रहे हैं उसमें यूरिया है डीएपी है तो इसको नियमित रूप से चालू रखिए फिर। हाँ खाना ही है तो फिर आप अंदर डाल ही रहे हैं तो ये भी डालिए फिर, ये विष को निकालता रहे।
और अगर जो आप यूरिया डीएपी का बंद कर चुके हैं खाना, तो फिर ये करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मध गर्म करने पर विष हो जाता है। इसलिए बिना यूरिया का जो खाना खा रहे हैं सेंद्रिय खत का, उनको ये करने की आवश्यकता नहीं। हाँ, अगर आपने देख लिया उनको बचपन से, उन्होंने भी भोजन ऐसे ही किया है यूरिया डीएपी वाला रासायनिक खत का, तो दे सकते हैं। अब इसका परमानेंट इलाज तो वही है कि आप सेंद्रिय खत से उत्पन्न भोजन करिए, परमानेंट इलाज तो वही है। तात्कालिक इलाज ये मैंने बता दिया कि मत गर्म पानी और नींबू का रस डाल के ले लीजिए। आगे बात, हाँ बात का लिख लो। जितने भी बात के रोग हैं, गर्द दुखना, कमर दुखना, पेट दुखना, संधिवात होना, इसकी सबसे अच्छी औषध है चूने की नेवड़ी। चूना, दही, चूने की नेवड़ी है उसमें, हाँ दही में चूने की नेवड़ी मिला के खाइए, एक कप दही में दो चम्मच सुबह, जिनको भी संधिवात है उसमें भी होता है, संधिवात में भी होता है, तो गुर्दे जरूर दुखेंगे, तभी बाकी सब दुखना चाहिए, तो संधिवात है। अगर गुर्दे नहीं दुख रहे हैं तो संधिवात नहीं है, फिर दूसरा दर्द है वो। बिना संधिवात के गुर्दे दुखते नहीं, सबसे पहले संधिवात में ये टांच दुखेगी या गुर्दे दुखेंगे। और ये चूने की नेवड़ी से बहुत अच्छा ठीक होता है, क्योंकि कैल्शियम पूर्ति होती है तो दुखना बंद हो जाता है। वो भी ऐसे कैल्शियम पूर्ति करो, मन का ठीक होगा, वो भी ठीक होगा, उनके लिए भी यही औषध है। हाँ, रोज देने का दो तीन महीने, इसमें कुछ बुराई नहीं है, साइड इफेक्ट नहीं, 3 महीने का 4 महीने भी हो तो भी चलेगा। आधे घंटे बाद या तो भोजन के या आधे घंटे पहले, नहीं उनका मत करिए। गुर्दे दुख रहे हैं तो ये, और एक दूसरी औषध भी है, रात को गाय का दूध और तूप। कई बार गुर्दे इसलिए दुखते हैं कि हमारे शरीर में लुब्रिकेशन कम हो जाता है, जैसे मशीन है ना, उसमें ऑयल रहता है, ऐसे शरीर में भी ऑयल रहता है। मशीन में ऑयल बराबर है तो मशीन बराबर चलती है, शरीर में ऑयल बराबर है तो शरीर चलता है। अगर ये कम हो गया तो फिर गुर्दे दुखते हैं, तो वो ऑयल बनाने के लिए गाय का तूप ही है जो वो ऑयल बनाता है। दूध में मिला के गाय का तूप रात को देना, थोड़ी हड़द भी देना, हड़द से भी बहुत पूर्ति होती है। तो अगर ऑयल की कमी है तो दूध, तूप और हड़द से ठीक हो जाएगा, कैल्शियम की कमी है तो चूने की नेवड़ी और दही से ठीक हो जाएगा। और ये दोनों ले सकते हैं एक साथ में, रात को हड़द दूध तूप और सवेरे नेवड़ी चूने की और दही, तो फिर वो पता करना पड़ेगा कारण क्या है, फिर उसके हिसाब से खोजना पड़ेगा। जो कंफर्म है उतना ही करो आप, क्योंकि उसमें क्या है कि बहुत इंक्वायरी लगेगी, वो इंक्वायरी है पता नहीं वो दर्द मसल्स का है या बोन्स का है, और पता नहीं वो कैसे आया है, ज्यादा काम करने से आया या कभी कोई और तकलीफ हुई थी क्या, मलेरिया ज्यादा दिन हो जाए तो भी ऐसे कमर दर्द आ जाता है, ज्यादा दिन बिस्तर पे रहे किसी बीमारी से तो कभी ना कभी ये दर्द आए, वो उसमें बहुत सारी इंक्वायरी है, तो उसमें मत जाओ। जो कन्फर्म है परफेक्ट है उतना करो, आप अभी थोड़ा करो लेकिन ठीक करो। अगर ऐसा कुछ बहुत कॉम्प्लिकेशन है तो फिर बताओ आप मुझे, या उससे कहो कि किसी होम्योपैथी चिकित्सक को दिखाओ। कोई दिक्कत नहीं है, ये ज्यादातर औषध साइड इफेक्ट नहीं करती, नाजा को छोड़कर।